फिल्म की शुरुआत मिस्टर यानी ऋतिक रोशन के ब्रिटिश रानी के मुकुट चोरी करने से होती है नई उन्नत मिलने पर अफसर अली यानी उदय चोपड़ा और जयदि छिथ यानी अभिषेक बच्चन सोनाली बॉस यानी पासा पशु से मिलते हैं और जो जय के अच्छे दोस्त भी है शुरुआती छानबीन से जय को पता चलता है कि मिस्टर ए मुंबई में अगली चोरी करेगा और शहर में स्थित किसी दो संग्रहालयों में चोरी हो गई तभी दीक्षित को पता चलता है कि वह जिस संग्रहालय की तभी दीक्षित को पता चलता है कि वह जिस संग्रहालय की निगरानी कर रहा है वह गलत है और वह तुरंत दूसरे संग्रहालय की ओर दौड़ता है जहाँ मिस्टर ए बेस बदल हीरा चुरा फरार हो जाता है टेलीविजन पर मिस्टर ए पुलिस को उसे पकड़ने के लिए उकसाता है और उन्हें अपनी अगली चोरी की जगह बताता है प्रणाम स्वरूप दीक्षित बोस और खान एक तलवार रखे गए किले पर सख्त पहरा बिठाते हैं रात को मिस्टर ए अपने बहरूपियों से मिलता है जहाँ तलवार रखी होती है पुलिस को खबर लग जाती है पर दोनों तलवार चुराकर भागने में कामयाब होते हैं बहरुपिया आखिर में सुनहरी यानी अशर राय निकलती है जो मिस्टर ए को अपना आदर्श मानती है और वे दोनों साझेदारी बना लेते हैं रियो डी जेनेरियो में मिस्टर ए और सुनहरी अपनी अगली चोरी की योजना बनाते हैं सूचना के मुताबिक दीक्षित और अली अभी शहर में आज पहुँचते हैं वक्त चलते सुनहरी और मिस्टर ए में प्यार हो जाता है और मिस्टर ए उसे अपना असली नाम आर्यन बता देता है परंतु आर्यन को पता चल जाता है कि सुनहरी जासूस है जो जय के लिए काम कर रही है वह उसे खेल में खुद को गोली मारने के लिए कहता है पर वह उसे नहीं मार पाती और अपना प्यार कबूल करती है रियो में दूसरी ओर अली को मुनाली यानी बिपा सा बसुस की जुड़वा बहन से प्यार हो जाता है अपनी आखिरी चोरी में आर्यन और सुनहरी सोने के सिक्के चुरा लेते हैं और सुनहरी खुलासा करती है कि वह जय के लिए काम नहीं करना चाहती जिससे जय और अली उनके पीछे लग जाते हैं एक लंबे समय तक पीछा करने के बाद सभी एक झरने के पास पहुंच जाते हैं जहां सुनहरी को अली पकड़ लेता है सुनहरी अपनी भावनाएं आर्यन को बताने के बावजूद उसे गोली मार देती है और वह झरने से नीचे गिर जाता है आर्यन के गिरने के बाद जय सुनहरी को आज़ाद कर देता है छह महीने बाद खुलासा किया जाता है कि आर्यन अब भी जिंदा है और सुनहरी के साथ मिलकर उसने एक रेस्तरा खोल लिया है जब आर्यन और सुनहरी को उसके रेस्तरा में आकर मिलता है और उन्हें बताता है कि उनके गुनाहों के बावजूद वह उन्हें नहीं पकड़ेगा आर्यन उसे बताता है कि सारे चुराई हुई वस्तियाँ कहाँ मिलेंगी जय को दोनों के प्यार के बारे में पता चलता है पर वह उन्हें आगाह करता है कि अगर दोबारा चोरी की तो फिर से वह पीछे आ जाएगा इस फिल्म को सन 2006 हजार छह में फिल्मफेयर सबसे अभिनेता पुरस्कार के लिए ऋतिक रोशन को पुरस्कार मिला था आदित्य चोपड़ा की फिल्म धूम टू को रिलीज हुए 15 साल से भी ज्यादा वक्त हो चुका है बता दें कि यह फिल्म साल बता दें कि यह फिल्म साल 24 नवंबर 2006 को रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर जमकर सफलता कमाई थी माना जाता है कि फिल्म ने करीब एक, एक करोड़ तक का कारोबार किया था और इसमें ऋतिक रोशन ऐश्वर्या राय अभिषेक बच्चन उदय चोपड़ा और बिपाशा बसु लीड रोल में थे बता दें कि यशराज फिल्म्स के बैनर तले इस फिल्म के ज़्यादातर हिस्सों की शूटिंग ब्राजील में की गई थी फिल्म तो अपनी कहानी की वजह से हिट हुई ही थी लेकिन ऋतिक रोशन ऐश्वर्या के बीच किस सीन भी बेहद धमाकेदार रहा था इस सीन को करने के बाद जहाँ ऐश्वर्या राय की वजह से जमकर बवाल हुआ था क्योंकि यह पहला मौका था जब एक्ट्रेस ने बड़े पर्दे पर यह किया था फिल्म में ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय के बीच कुछ मिनट का किस सीन था यह पहला मौका था जब ऐश्वर्या राय ने स्क्रीन पर किसिंग सीन दिया था इसके बाद यह सीन बी टाउन की सुर्खियों में आ गया बता दें कि यह फिल्म की शूटिंग तब हुई थी जब एस और अभिषेक बच्चन की सगाई हो चुकी थी इसलिए बच्चन फैमिली भी इस सीन को लेकर नाराज थी और बाद में फ़िल्म से ये सीन हटा दिए गए थे इतनी ही नहीं ऐश्वर्या राय का एक इंटरव्यू में बताया गया था कि वह इस सीन को करने के बाद पचड़े में फंस गई और कई लोगों ने उन्हें लीगल नोटिस तक भेज दिए थे ऐश्वर्या ने एक फैशन मैगनीश को दिए इंटरव्यू में बताया था कि उन सीन की वजह से उन्हें क्या झेलना पड़ा था उन्होंने कहा था कि वे हॉलीवुड की कई स्क्रिप्ट इसलिए मना कर चुकी हैं क्योंकि वे पर्दे पर फिजिकल सीन्स करने में कम्फर्टेबल नहीं रहती धूम टू दो हजार छह में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है या धूम श्रृंखला की दूसरी फिल्म है जिसका निर्देशन संजय गढ़वी ने किया है और निर्माण आदित्य चोपड़ा और यश चोपड़ा द्वारा किया गया है फिल्म में अभिषेक बच्चन उदय चोपड़ा जय दीक्षित और अली मुख्य भूमिका में हैं और एक चोर मिस्टर ए अनि ऋतिक रोशन को पकड़ने की कोशिश करते हैं जो कई वस्तुएं अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करके चुराता है इस फिल्म की लागत थी 35 करोड़ रुपए और इसकी कुल कमाई हुई थी 150 करोड़ रुपए धूम भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन संजय गांधवी और निर्माण आदित्य चोपड़ा ने किया है इस फिल्म में अभिषेक बच्चन जॉन अब्राहम उदय चोपड़ा और ईशा देवल मुख्य किरदार में है इस फिल्म को 27 अगस्त 2004 में सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया गया था धूम मूवी की कहानी की शुरुआत मुंबई में होती है जब एक मोटर चलाने वाला गैंग शहर के बैंक और अन्य जगहों से पैसे चुराना शुरू कर देता है ए सी पे जय दीक्षित अभिषेक बच्चन को इस मामले की छानबीन करने का काम दिया जाता है वो इस ग्रोह के लोगों को पकड़ने के लिए एक चोरी की बाइक बेचने और चलाने वाले अली खान खानी उदय चोपड़ा से मिलता है और उसकी मदद से उस ग्रोह के लोगों को पकड़ने का प्लान बनाता है वो असफल हो जाता है इस ग्रोह का लीडर कबीर यानी जॉन अब्राहम उससे कहता है कि वह उसके सामने भी रहेगा तो भी वह उसे पकड़ नहीं पाएगा और ऐसा होता भी है एक और चोरी होती है जिसमें जय और अली को पहले से पता होता है कि चोरी कहाँ होने वाली है पर वे लोग कुछ नहीं कर पाते हालांकि जय की गोली से उस ग्रह का एक सदस्य मारा जाता है पर वे लोग एक बार और असफल हो जाते हैं इस असफलता के कारण जय को अली के ऊपर गुस्सा आ जाता है और उन दोनों की बहस आगे मारपीट का रूप ले लेती है जिसके बाद अली उसे छोड़कर चला जाता है रोहित जो जय की गोली का शिकार हो जाता है उसके जगह कबीर अब अली को लाने की सोचता है और उसे मिलकर अपने गिरोह में आने का न्यौता देता है अली मान जाता है और गिरोह से जुड़ने के बाद उसकी एक सदस्य सीना यानी ईशा देवल से अली को प्यार हो जाता है कबीर अब भारत के सबसे बड़े कसीनों को लौटने का प्लान बनाता है जिसके बाद उन्हें कभी और चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी वह एक चोरी नए वर्ष के दिन करने का प्लान बनाता है वो लोग उस कसिनो में अलग अलग, अलग रूप में आ जाते हैं और जल्द ही कबीर को एहसास हो जाता है कि यह जय का बना हुआ जाल है उन्हें भी ये पता चलता है कि अली अब भी जय के लिए ही काम कर रहा है कबीर किसी तरह से जय की कैद से भागने में सफल हो जाता है और अपने गिरोह के साथ अपने गिरोह के ट्रक तक आ जाता है वहाँ अली किसी तरह सिना को बंधक बनाए रखता है उसे ऐसा लगते रहता है कि उसके बाकी गिरोह के लोग पकड़े गए हैं पर वही कबीर को देखकर उसके तोते उड़ जाते हैं कबीर आते साथ अली को मारने लगता है कि तभी जय आ जाता है और उसकी जान बचा लेता है सिन्हा को छोड़कर गिरोह के सभी लोग भागने लगते हैं जय और अली मिलकर उनका पीछा करते हैं और कबीर को छोड़कर गिरोह के सभी लोग मारे जाते हैं अंत में कबीर को जय और अली घेर लेते हैं वहीं और जाने का रास्ता नहीं होने के कारण कबीर अपनी बाइक को नदी की ओर ले जाता है और बाइक के साथ नदी में गिर जाता है इसके बाद जय और अली एक दूसरे से बात करते रहते हैं और फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है इस फिल्म का गीत बहुत ही पसंद किया गया था खासकर धूम मचाले गीत इसका बैकग्राउंड म्यूजिक भी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया था कुछ लोगों के फोन का रिंगटोन धूम फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक था धूम एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म श्रृंखला है फिल्म एसीपी जय दीक्षित एक सहायक पुलिस आयुक्त और उसके साइड की अली अकबर फतेह खान के इर्द गिर्द घूमती है जो पेशेवर चोरों को पकड़ते हैं एक आम व्यवहार में कथानक अक्सर विरोधी से बहुत प्रभावित होता है बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में यह बॉलीवुड की दूसरी सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी है श्रृंखला धूम थ्री की नवीनतम किस्त ने दुनिया भर में 550 करोड़ से अधिक कमाई की जो हिंदी सिनेमा के इतिहास में चौथी सबसे बड़ी कमाई करने वाली फिल्म है 2016 तक धूम भारतीय सिनेमा में पांचवी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म फ्रेंचाइजी है इस श्रृंखला की पहली फिल्म थी धूम जो कि दो में आई थी इसमें बाइकर्स का एक साहस में ग्रोह लिटोरा की होड़ में है ए जय को मामले में सहायता करने के लिए एक मैकेनिक अली मिलता है घड़ी की टिक टिक के साथ यह उनके ऊपर है कि चोरों को रंगे हाथ पकड़ ले इस श्रृंखला में दूसरी फिल्म थी ढूम टू जो कि 2006 में आई थी इसमें जय और अली लौटते हैं इस बार एक अंतर्राष्ट्रीय चोर की निशानदेही पर जिसने अमूल्य कलाकृतियों की चोरी की और मुंबई को अपना अलग लक्ष्य चुना इस श्रृंखला में तीसरी फिल्म थी धूम थ्री जो कि 2013 में आई थी इसमें जब जादू और कलाबाजी में प्रदर्शित सर्कस का मनोरंजन करने वाले साहिर शिकागो में एक भ्रष्ट बैंक को गिराने के लिए चोर बन जाते हैं जिसने उनके पिता को बर्बाद कर दिया था तो भारतीय अधिकारी जय और अली को उसे पकड़ने के लिए बुलाया जाता है धूम मूवी का बजट था वन मिलियन और इसकी कुल कमाई हुई थी सिक्स मिलियन का बजट था हंड्रेड फिफ्टी मिलियन और इसकी कुल कमाई टू बिलियन थ्री का बजट था और इसकी कुल कमाई होती इस अगर तीनों फ्रिंचाजी का देखा तो वो बनता है एट पॉइंट 8.162 बिलियन फिल्म का शहरी भारतीय युवाओं के बीच महत्वपूर्ण संस्कृत प्रभाव पड़ा यह सड़कों पर दौड़ बाइक से होने वाली चोरी और सार्वजनिक सड़कों पर स्टंट करने की घटनाओं में वृद्ध के लिए दोषी ठहराया गया था इसके अतिरिक्त एनओ टिकट के अलावा इसके अतिरिक्त एन ओ एस किट के अलावा फ्री पिलो एंगास सिस्टम से लेकर अपने बाइक्स में संशोधन के लिए युवाओं के साथ बाइक मॉडिफाई सीन के लिए भी एक नई नीति थी केरल के मलमपुरम जिला में अपराधियों के एक समूह के चार सदस्यों ने तीस दिसंबर दो हज़ार सात को दक्षिण मालाबार ग्रामीण बैंक में फर्ज तोड़कर टू मिलियन और अस्सी किलोग्राम सोना लूटा था जिसकी कुल कीमत अस्सी मिलियन बताई गई थी केरल के अपराध रिकॉर्ड में सबसे बड़ी चोरी में से एक थी केरल पुलिस ने इस संबंध में चार लोगों को गिरफ्तार किया था और नेता ने स्वीकार किया कि वह धूम से प्रेरित था भारत में मीडिया ने धूम टू को समानताएं दी इसमें दो राय नहीं है कि यशराज फिल्म्स ने अपने बैनर तले एक नहीं कई सुपरहिट फिल्मों का निर्माण किया है जिसमें धूम भी शामिल है धूम बॉलीवुड की सबसे मशहूर और हिट फ्रेंचाइजी फिल्म है फिल्म की कहानी किरदार और गाने को लोगों ने काफ़ी पसंद किया था धूम फिल्म के रिलीज़ को 16 साल से ज़्यादा वक्त हो चुका है धूम फिल्म के 16 साल पूरे होने पर इसके स्क्रीन प्ले लिखने वाले विजय कृष्ण आचार्य ने फिल्म से जुड़ी कुछ बातें बताई थी विजय कृष्ण आचार्य ने फिल्म के 16 साल पूरे होने पर बताया कि उनको पहले से ही इस बात का विश्वास था कि ये एक मनोरंजक फिल्म साबित होगी फिल्म के वैसे तो सारे गाने ही कमाल के थे लेकिन धूम मचाले गाने की बात अलग थी फिल्म धूम को सुपरहिट बनाने में इस स्टाइल के गाने का बड़ा हाथ है आपको बता दें कि इस गाने को प्रीतम दा ने बनाया था विजय आचार्य ने कहा कि उनसे पहले ही आदित्य चोपड़ा ने जिक्र किया था कि फिल्म में स्वकल की संभावनाएं दिखाई देती हैं और उन्होंने इसके स्वकल में बने में विचार करने के लिए कहा था इसके अलावा विजय आचार्य ने बताया था कि वो धूम के लिए ऐसा बिलन को चाहते हैं जो जीतता हुआ नजर आए बिलन को जीतता हुआ देख दर्शकों को अच्छा लगेगा फिल्म के 16 साल पूरे होने पर इसके निर्देशक संजय गढ़वी ने अपने इंस्टा पर एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा था कि आज से सोलह साल पहले मैंने इस दिन बहुत उत्सुक और आत्मविश्वासी था रिलीज के बाद जो हुआ वह इतिहास बन गया फिल्म के मुख्य किरदार के रूप में जॉन अब्राहम अभिषेक बच्चन आदित्य चोपड़ा ईशा देवल जैसे कलाकार नजर आए थे धूम फ्रेंचाइजी में खलनायक को इस तरह पेश किया जाता है कि दर्शकों की सारी सहानुभूति खलनायक के साथ होती है हीरो की भूमिका चरित्र कलाकार जैसी होती है धूम थ्री के खलनायक को नायक जैसा पेश किया गया है क्योंकि उसके पास कारण है कि वह गलत काम क्यों कर रहा है यह कारण दरअसल एक इमोशनल कहानी है और यही बात धूम थ्री को इस श्रृंखला की पिछली फिल्मों से अलग करती है पिछली फिल्मों से इमोशंस की कमी महसूस की गई थी जिसे इस कड़ी में पूरा किया गया है यह निर्देशक की कामयाबी है कि दर्शकों को भावात्मक रूप से यह फिल्म पहले दस मिनट में ही जोड़ लेती है जब इकबाल यानी जैकी शराब शिकागो स्थित अपने ग्रेट इंडन सर्कस को बैंक के कर्जे से बचाने की कोशिश करता है यहीं पर दर्शक इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि साहिर यानी आमिर खान के पिता के साथ गलत हुआ है और साहिर बड़ा होकर गलत राह पर क्यों चल रहा है इस बात को अच्छी तरह स्थापित कर दिया गया है बैंक कर्ज वसी में शक्ति दिखाता है तो मासूम साहिर के सामने उसके पिता आत्महत्या कर लेते हैं यही से साहिर और बैंक के बीच दुश्मनी हो जाती है और वह बड़ा होकर बैंक को बर्बाद करने के मिशन में जुट जाता है यह बात पता चल जाती है कि बैंक को बर्बाद करने वाला एक भारतीय है तो भारत से दो पुलिस ऑफिसर अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा भेजे जाते हैं फिर शुरू होता है चोर और पुलिस के बीच चूहे बिल्ली का खेल फिल्म की कहानी सामान्य है लेकिन इसे असाधारण बनाता है महंगे लोकेशन शानदार शर्ट ज़बरदस्त सीनेटोग्राफी वैसे धूम सीरीज की फिल्मों में कहानी से ज़्यादा महत्वपूर्ण स्टाइल और स्टंट है पहला हाफ फिल्म को इतनी ऊंचाइयों पर ले जाता है कि यह स्टंट और तकनीकी रूप से हॉलीवुड फिल्मों को टक्कर देती है एक के बाद एक आइटम पेश किए जाते हैं आमिर खान जबरदस्त तरीके से एंट्री लेते हैं ऊँची बिल्डिंग की दीवार से वे उतरते हैं और सड़क पर डॉलर्स की बारिश होती है फिर आता है एक चेंजिंग सीन जो धूम सीरीज की फिल्मों की खासियत होती है अत्याधुनिक बी बाइक पर बैठे साहिब जब पुलिस को नचाता है तो दर्शकों की सांसें थम जाती हैं जय और अली की एंट्री के लिए भी एक्शन सीन गढ़ा गया है जो सिर्फ फिल्म की लंबाई बढ़ाता है फिल्म की हीरोइन कटीना कैब भी फिल्म में धमाकेदार एंट्री करती हैं कमली गाने पर उनका डांस काबिल तारीफ है जय अली और शाहिर के बीच वाला चन्जिंग सीन फिल्म का प्रमुख आकर्षण है इस सीन को अद्भुत तरीके से शूट किया गया है इस सीन में जय गोली चलाता है तो शाहिर की पीठ पर लगती है कुछ देर बाद शाहिर को गिरफ्तार करने जय उसके सर्कस में पहुंचता है तो यह जानकर दंग रह जाता है कि साहिर की पीठ पर किसी भी किस्म का चोट का निशान नहीं है जय के साथ दर्शक भी चौंकते हैं कि यह रहस्य क्या है और यहीं पर इंटरवल होता है इंटरवल के बाद हाफना ज़्यादातर फिल्मों की कमजोरी है और धूम थ्री भी इसका शिकार है एक्शन और स्टंट से फोकस हट कर ड्रामे आ जाता है और स्क्रिप्ट की कमजोरियाँ उभरने लगती हैं रहस्य पर से पर्दा हटाया जाता है जो कई तरह के सवालों को जन्म देता है जिसके संतोषजनक उत्तर नहीं मिलते हैं कहानी में रोमांटिक ट्रेंड को जबरन घुसेड़ा गया है जिसकी जगह नहीं बनती है साहिर का कड़ी सुरक्षा के बीच हर बार आसानी से बैंक में घुसना हैरत में डालता है फिल्म के दूसरे हाफ में एक्शन की कमी महसूस होती है इन सब कमियों के बीच एक अच्छी बात यह है कि बोरियत नहीं होती ड्रामे में दिलचस्पी बनी रहती है उम्मीद रहती है कि क्लाइमैक्स में जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा लेकिन अपेक्षा से कम देखने को मिलता है फिल्म का निर्देशन किया है विजय कृष्ण आचार्य ने उन्होंने धूम सीरीज़ के सारे भाग लिखे हैं टसन जैसी भुला देने लायक फ़िल्म वे निर्देशित कर चुके हैं इसके बावजूद फिल्म के निर्माता आदित्य चोपड़ा ने उनको यशराज फिल्म की सबसे महंगी फिल्म निर्देशित करने का जिम्मा दिया विजय का काम एक्शन डायरेक्टर और कोरियोग्राफर ने काफ़ी आसान कर दिया ड्रामे वाले हिस्से को संभालने में विजय थोड़ा लड़खड़ाए हैं आमिर खान के फिल्म से जुड़ने से दर्शकों की अपेक्षाएँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं आमिर खान के किरदार के बारे में ज्यादा बात इसलिए नहीं की जा सकती है क्योंकि इससे फिल्म के रहस्य से पर्दा हट जाएगा जहां तक अभिनय का सवाल है तो आमिर ने अपना काम गंभीरता से किया है लेकिन उनसे और बेहतर की अपेक्षा थी धूम जैसी फिल्मों के किरदार को जो ग्लैमर चाहिए था उसमें आमिर थोड़ा कमजोर पड़ गए कैटरीना कैटरी का कैपटोड बाडी में बेहद खूबसूरत नजर आई लेकिन उनका रोल बेहद छोटा है निर्देशक उनके ग्लैमर का पूरा उपयोग नहीं कर पाए अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा अपने किरदारों को उसी अंदाज में बढ़ाते नजर आए जैकि शराब छोटे रोल में छाप छोड़ते हैं प्रीतम का संगीत औसत किस्म का है लेकिन गानों का फिल्मांकन आंखों को राहत देता है मलंग और कमले की कोरियोग्राफी बहुत बढ़िया है जूलियस पैकियम का बैकग्राउंड स्कोर उम्दा है सुदीप चटर्जी की सिनेमाटोग्राफी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है जो फिल्म को भव्य लुक देती है एक्शन और स्टेंट हॉलीवुड फिल्मों की टक्कर के हैं धूम थ्री पाँच में से तीन अंक के लायक है लेकिन सिनेमाटोग्राफी लोकेशंस और बाइक थ्रिल के कारण आधा अंक अतिरिक्त दिया गया है धूम सीरीज का तीसरा भाग धूम थ्री का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे भारत की यह महंगी फिल्मों में से एक है और बॉलीवुड को उम्मीद थी कि यह फिल्म आय के मामले में अब तक के सारे कीर्दमानों को भंग कर देगी इस बार आमिर खान और कैटरीना कैप को स्टार कास्ट में जोड़ा गया था फिल्म की कहानी फिर इस बार चोर बनाम पुलिस है लेकिन एक नए और निराले अंदाज के साथ तकनीकी और एक्शन का तड़का इस फिल्म को भव्य बनाता है यह कहानी है साहिर यानी आमिर खान की जिसकी ऊर्जा उसे खतरनाक उग्र और भयंकर बनाती है वह किसी को माफ़ नहीं करता वह एक ऐसा चोर है जो अपनी राह में टुड़ा बनने वाली हर चीज़ को नष्ट कर देता है धूम थ्री कहानी है आलिया ने कैटरीना काप की जो बेहद सरल है लेकिन सर्कस में परफॉर्म करते एकदम बदली हुई नज़र आती है निडर आलिया जब सर्कस में परफॉर्म करती है तो लगता है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम ही नहीं है दिल के मामले में वह इतनी ही निडर है धूम थ्री कहानी है जय दीक्षित ने अभिषेक बच्चन की जो मुंबई का एक चतुर दृढ़ निश्चयी विश्लेषात्मक और जबरदस्त पुलिस ऑफिसर है जय अपने बुरेदों को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है उसका मानना है कि दुश्मन को जाल में फंसाने के लिए कभी कभी दुश्मन की तरह सोचना पड़ता है धूम थ्री कहानी है अली अकबर यानी उदय चोपड़ा की जो मनोरंजन का खजाना है यह निश्चित पुलिस वाला नागपाड़ा से नियाग्रा फाल तक कहीं पर भी मिल सकता है फैमिली वाला बनना चाहता है और उसे लड़की की तलाश है दिल हथेली पर लेकर घूमने वाला अली सुंदर लड़की दिखी नहीं कि दिल दे बैठता है इन किरदारों के इर्द गिर्द धूमथरी की कहानी घूमती है जो रोमांच से भरपूर है धूम थ्री दो की बहुप्रतिष्ठित हिंदी फिल्म है जिसे विजय कृष्ण आचार्य ने निर्देशित किया है धूम का पहला संस्करण 2004 में जबकि धूम 2 2006 में रिलीज हुई थी यह दोनों ही फिल्में सुपरहिट रही थी पहली धूम में जॉन अब्राहम और दूसरी में ऋतिक रोशन ने खलनायक की भूमिका निभाई थी इस फिल्म की लागत थी एक करोड़ रुपये और इसकी कुल कमाई हुई थी पाँच करोड़ रुपए फिल्म में आमिर खान ने नकारात्मक किरदार निभाया है जो चालाकी से चोरी करता है यह फिल्म आई के फॉर्मेट में विश्व स्तर पर हिंदी तमिल एवं तेलुगु भाषा में प्रदर्शित की गई थी धूम थिरी भारत में आई फॉर्मेट में प्रदर्शित होने वाली पहली फिल्म है यशराज फिल्म की बनाई हुई इस फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर दो करोड़ रुपए की कमाई की थी धूम फिल्म उन्नीस से शुरू होती है जहाँ इकबाल हरुख खान यानी जेके शराफ शिकागो के ग्रेट इंडियन सर्कस का सर्कस चलाता है सर्कस बहुत ही खराब वित्तीय हालत से गुजर रहा होता है जिस कारण इकबाल पर बहुत ज्यादा कर्जा होता है वेस्टर्न बैंक ऑफ शिकागो जिससे इकबाल ने कर्जा लिया है कर्ज न चुकाने के कारण सर्कस को बंद करवाने के लिए अपने प्रतिनिधियों को भेजता है इकबाल उनसे विनती करता है कि मेरा शो देखो अगर आपको पसंद आए तो कर्ज चुकाने के लिए कुछ और मोहलत दे देना प्रतिनिधि उसका शो देखने के बाद भी सर्कस को बंद कर देने का आदेश देते हैं इकबाल का छोटा सा बेटा साहिर उनसे विनती करता है पर वो नहीं मानते हैं इकबाल बैंक वालों तुम्हारी माँ की ऐसी कि तैसी कहकर सबके सामने आत्महत्या कर लेता है जिससे उसका छोटा सा बेटा झकझोर जाता है कई सालों बाद साहिर ने आमिर खान अब भी वो घटना नहीं भूला है और वो बैंक वालों से बदला लेने की ठानता है वो कई वेस्टर्न बैंक ऑफ शिकागो की शाखाओं में चोरी करता है और हिंदी में बैंक वालों तुम्हारी ऐसी की तैसी लिख अपनी सर्कस वाली कलाबाजी इस्तेमाल करके भाग जाता है क्योंकि शिकागो पुलिस उसे नहीं पकड़ पा रही और उन्हें हिंदी भी नहीं आती इसलिए वो भारतीय पुलिस से एस सी पी जय दीक्षित अन्य अभिषेक बच्चन और उसके सहयोगी अली नी उदय चोपड़ा को मदद के लिए बुलाते हैं जय साहिर को फंसाने के लिए जान बुझ कर ये बात फैला देता है कि वो एक केस संभाल रहा है और उसे लगता है चोर जरूर कोई शौकिया है इससे साहिर चोरी करने की ठानता है वो एक समाचार चैनल से इस योजना के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है और जय के लिए मुखबिर बनने का नाटक करता है इस तरह बैंक के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेता है और जय को एक सुराग देता है पीछे जाने के लिए अंततः साहिर बैंक में चोरी कर लेता है और मोटरसाइकिल पर भागने लगता है जय उसको गोली मारता है पर साहिर भाग जाने में सफल हो जाता है साहिर ग्रेट इंडियन सर्कस का पुनोत्थन संस्करण का प्रीमियर करता है अपनी महिला सहयोगी आलिया आलियाना कैब के साथ जिसमें उसके साथ एक चाल शामिल है कि एक जगह से गायब हो जाना और दूसरी जगह पे दिखना लेकिन बाद में जय अली और पुलिस उसे चारों ओर से घेर लेती है जानते हुए कि चोर वो है जय कहता है कि सबूत वो गोली का घाव है पर साहिर की जांच की जाती है तो उसके शरीर पर कहीं पर भी गोली का निशान नहीं होता है जय और अली सर्कस से चले जाते हैं जबकि साहिर अपने कमरे में चला जाता है यहाँ पर पता चलता है कि साहिर का एक जुड़वा भाई है समर जो कि उसके सर्कस के चालों और बैंक में चोरी करने में मदद करता है और वह समर था जिसको गोली लगी थी तीस अक्टूबर को धूमधरी का ट्रेलर यूट्यूब पर जारी किया गया था इसके पहले बाजार में धूमथ्री का ऑफिशियल गेम भी जारी किया गया था जो कि 99 गेम प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा तैयार किया गया था यह गेम विंडोज फोन स्टोर पर निःशुल्क उपलब्ध है आमिर खान ने धूम श्रृंखला के फिल्मों का शीर्षक धूम मचाले दो में क्रिकेट के संन्यास ले रहे सचिन तेंदुलकर को समर्पित किया था यह कहना गलत होगा कि धूम सीरीज़ की तीसरी फिल्म आमिर खान के रंगों से शराबूर है विजय कृष्ण आचार्य की इस फिल्म में आमिर खान छाए हुए हैं और सिर्फ उनका ही जलवा दिखा है एक मामूली कहानी को एक सुपरस्टार पावर के जरिए एक्शन के उस हद तक ले जाया जा सकता है जहां फिल्म शानदार और जानदार फिल्म बन जाती है यह कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म आमिर खान के स्टार पावर की नुमाइश है फिल्म के तकरीबन हर फ्रेम में वे छाए रहते हैं उनके सामने हर कलाकार बौना ही नज़र आता है दूम थ्री की कहानी में जादूगर इकबाल यानी जे के शराब का शिकागो में अपना सर्कस है लेकिन वह ज़्यादा नहीं चलता सर्कस को नीलाम करने की नौबत आ जाती है जादूगर इकबाल को वह आखिरी शानदार कर तब उसके सर्कस को बचा नहीं पाता और वो खुदकुशी कर लेता है उसका बेटा साहिर यानी आमिर खान बदला लेने की ठान लेता है उसका एक ही मकसद है बैंक को तबाह करना और अपना सर्कस वापस शुरू करना इसी के तहत तो वह बैंक के हर ब्रांच में चोरियाँ शुरू करता है लेकिन साहिर को कोई पकड़ नहीं पाता इसके पीछे एक बड़ा राज है यही राज या रहस्य धूम थ्री की कहानी का ट्विस्ट है एक्टिंग की बात करें तो आमिर ने सबको पछाड़ दिया है उन्होंने एक बार फिर साबित किया है कि उन्हें मिस्टर परफेनिस्ट यू ही नहीं कहा जाता है अभिषेक बच्चन के हिस्से में ज्यादा कुछ दिखाने को नहीं है अभिषेक बच्चन और कैटरीना का अभिनय समान है लेकिन जैकी शराब की भूमिका शानदार है धूम थ्री का गीत संगीत बेहद साधारण है धूम सीरीज की पहली फिल्म का गीत धूम मचाले बेहद पॉपुलर रहा था लेकिन इस फिल्म का गीत ही नहीं बल्कि टाइटल ट्रैक भी असरदार नहीं है धूमथरी के साथ निर्देशक विजय कढ़ आचार्य ने वापसी की है और इसके पहले बार टसन जैसी फिल्म को निर्देशित कर चुके हैं जो बॉक्स ऑफिस पर औंधे मोगिरी थी लेकिन एक्शन और रोमांच कैटेगरी की श्रेणी में यह फिल्म बेमिसाल है और देखी जानी चाहिए जो खुद को अलग हटकर लाखड़ा करती है धूम थ्री की स्टोरी वही पुरानी है जो चोरी और चेज के सहारे आगे बढ़ती हुई प्लानिंग और स्ट्रेटी के मोड से गुजरती है आमिर एक परफेक्ट ठीप है कटरीना उसका प्यार और साथ है हमेशा की तरह पुलिस ऑफिसर जयदीक्षित यानी अभिषेक बच्चन और उसका साथी अली यानी उदय चोपड़ा है जिन्हें स्मार्ट चोरों को काबू में करने की कोशिश में लगे हैं तो सवाल है कि फिर इस फिल्म में नया देखने लायक क्या है इस सवाल का जवाब पूरे सारे रीजन्स के साथ दिया जा सकता है पर हम आपको कुछ बता रहे हैं ताकि आप फिल्म ज़रूर देखें और इस बात को माने कि हमारी इस फिल्म को देखने जाने की एडवाइस कितनी सही थी पहली वजह तो इस फिल्म में वह सब कुछ है जिसके लिए कोई फिल्म लवर एक मूवी देखना चाहता है सच तो यह है कि फिल्म अपने प्रोडक्शन हाउस और फर्स्ट दोनों पार्ट की सक्सेस के कारण ही नहीं एक सेपरेट स्ट्रांग मूवी के तौर पर भी देखने लायक है फिल्म एक बेहतरीन थ्रिलिंग और एंटरटेनिंग एक्सपीरियंस है इसे न देखकर आप अपनी यादों के कलेक्शन में हंड्रेड परसेंट कुछ मिस कर देंगे यशराज बैनर के लिए धूम यकीनन एक ऐसा ब्रांड बन चुका है जिससे बैनर की प्रतिष्ठा जुड़ चुकी है यही वजह है बजट के मामले में कुछ ज़्यादा ही कंजूस माना जाने वाला है बैनर धूम सीरीज की हर नई फिल्म हर पिछली फिल्म से ज़्यादा कहीं पैसा लगाता है करीब सौ करोड़ के भारी बरगम बजट में बनी इस फिल्म में ज़बरदस्त एक्शन और ड्रामा तो है ही इसके साथ ही इसमें आपको बेहतरीन विजुअल इफेक्ट भी देखने को मिलेंगे यकीनन धूम थ्री के कई एक्शन सीन हॉलीवुड फिल्मों को टक्कर देने के काम करते हैं इस फिल्म के क्रेज का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने लगने से पहले करीब सात करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई एडवांस बुकिंग के दम पर कर ली थी कुछ साल पहले इसी बैनर के लिए मेगा बजट मल्टी स्टार टन जैसे फ्लॉप बना चुके डायरेक्टर विजय कृण आचार्य ने लंबे ब्रेक के बाद इस बार पूरा होमवर्क करने के बाद ही इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया इंटरल के बाद उदय चोपड़ा और अभिषेक बच्चन के कुछ सीन को नजरअंदाज कर दिया जाए तो तीन घंटे की लंबी अवधि की इस फिल्म में दर्शकों को स्टार्ट टू फिनिश अपनी सीटों के साथ बांधे रखने का दम है यकीन धूम सीरीज के इस फिल्म में आमिर खान की मौजूदगी ही बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म के क्रेज को कई गुना बढ़ाती है इस फिल्म को देखने के बाद लगता है डायरेक्टर विजय भी आमिर के जादू में कुछ ऐसे ही बन से गए हैं कि फिल्म के बाकी बचे तीन अहम किरदारों विजय दीक्षित अली और आलिया के किरदारों को उभरने का ज्यादा मौका नहीं दिया धूम थ्री आमिर खान की फिल्म है इस फिल्म की रिकॉर्ड कामयाबी का सबसे ज्यादा फायदा बैनर और फिल्म के डायरेक्टर के बजाय आमिर खान को ही हुआ था धूमथरी मूवी में दिखाया गया है कि अमेरिका के शिकागो में इकबाल हारून हारुन खानी शराब की ग्रेट सर्कस कंपनी है पिछले कुछ सालों से लगातार घाटे से की वजह से इकबाल की सर्कस कंपनी बंद होने की कगार पर पहुंच चुकी है कुछ साल पहले इकबाल ने शहर के जिस प्रतिष्ठित बैंक से मोटा कर्ज लिया था वह बैंक अपने कर्ज वसूलने के लिए सर्कस कंपनी को नीलाम करना चाहता है बैंक सर्कस को नीलाम करे इससे पहले इकबाल परेशान होकर अपने बेटे साहिर खान की आंखों के सामने खुद को गोली मार लेता है इस घटना को अब कई साल गुजर चुके हैं लेकिन आज भी साहिर अपने पापा पापा की मौत नहीं भुला पाया है साहिर अपने पापा की खुदकुशी के लिए बैंक और उसके आला अफसरों को जिम्मेदार मानता है साहिर का मिशन बैंक को मोटा नुकसान पहुंचाना और इसके आला अफसरों से बदला लेना है साहिर ने बचपन में पापा से जादू और जिम्नास्टिक की ट्रेनिंग ली थी एक बार फिर शिकागो पहुँच साहिर उसी बैंक की अलग अलग शाखाओं को लुटता रहता है जिस बैंक की वजह से उसके पापा ने खुदकुशी की थी शहर बैंक से लूट की रकम का बड़ा हिस्सा लोगों में बांट देता है शहर बैंक को लूटने में पापा से सीखी ट्रिक्स का सहारा लेकर हर बार पुलिस को चकमा देता है शिकागो की पुलिस जब शहर को पकड़ नहीं पाती तब हार कर भारतीय पुलिस की मदद लेती है इसकी खास वजह शहर द्वारा हर बैंक लूटने के बाद हिंदी में एक खास मैसेज लिखा जाना है भारत से अभिषेक बच्चन और अली अनुदय चोपड़ा को शिकागो भेजा जाता है विजय के काम करने का अंदाज अलग है विजय शिकागो आते ही साहिर को टीवी चैनलों के जरिए बैंक की किसी ब्रांच को लूटने का चैलेंज देता है साहिर इस चैलेंज के बाद खुद को जय के पास पहुँचाता है इसी बीच जय को पता चलता है कि साहिर ही वह चोर है जिसे पकड़ने के लिए वह अली के साथ यहां आया है आलिया ने कैटरीना कैफ साहिर की सर्कस टीम में होती है साहिर को रंगे हाथ पकड़ने के लिए विजय दीक्षित एक प्लान बनाता है साहिर कुछ ऐसा करता है जिसकी वजह से विजय का प्लान उसी पर भारी पड़ता है शिकागो पुलिस और बैंक के अफसर इस केस से विजय को हटा देते हैं आमिर खान की बात की जाए तो धूम थ्री उनकी सबसे फिल्मों में से एक कही जाएगी पूरी फिल्म में आमिर का हर बार एक नया लुक देखने को मिलता है यकीन आमिर ने इस फिल्म के लिए बेहद मेहनत की है जिसका रिजल्ट भी पर्दे पर दिखता है आमिर के एक्शन स्टंट और इमोशन सीन खूब बन पड़े हैं अभिषेक बच्चन एक बार फिर वैसे ही सपाट चेहरे के साथ नजर आए जैसा कि इस सीरीज की पिछली फिल्मों में वह दिख चुके हैं उदय चोपड़ा की क्या बात करें आदित्य ने उनके लिए जो काम फिल्म में रखे उनसे ज्यादा अच्छे लगे हैं जैकि शराब का किरदार बेशक छोटा है लेकिन उनकी एक्टिंग बेहतरीन है विजय कृष्णाचार का डायरेक्शन एक्शन रोमांच के साथ दर्शकों को कहानी के साथ पूरी तरह से बांधने में कामयाब है टशन के बाद इस बार उन्होंने ऐसी फिल्म बनाई है जो सिंगल स्क्रीन से मल्टीप्लेक्स तक हर क्लास की कसौटी पर काफी हद तक खरी उतरने का दम रखती है आमिर खान द्वारा अपने बैटमैन

धूम थ्री फिल्म में भी चोर पुलिस की कहानी दिखाई गई है पर आमिर खान के पहली बार किसी फिल्म में चोर का रोल निभाने से इस फिल्म को नई पहचान मिल गई है आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित धूम सीरीज़ की तीसरी फिल्म में आमिर कैटरीना कैफ अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा मुख्य किरदार में हैं धूम फिल्म में साहिर ने आमिर खान एक चोर है जो कि जोकर के बेस में चोरी करता है जय दीक्षित ने अभिषेक बच्चन और उसका साथी अली अकबर यानी उदय चोपड़ा चोर को पकड़ने के लिए तमाम कोशिशें करते हैं फिर शुरू होता है जय दीक्षित और साहिर के बीच चोर पुलिस का खेल इस खेल में आलिया ने कैटरीना कैफ साहिर का साथ देती है वैसे तो फिल्म धूम थ्री की कहानी पुरानी ही है पर निर्देशक विजय कृष्ण आचार्य ने इसे जिस एक्शन सीन के साथ निर्देशित किया है वो सच में तारीफ योग्य है आमिर खान को फिट बॉडी के साथ एक्शन सीन करते हुए देखना काबिल तारीफ है धूमथिरी फिल्म में सिर्फ दो हीरो हैं एक आमिर खान और दूसरा बाइक्स इस पूरी फिल्म को सफल बनाने का भार सिर्फ़ और सिर्फ आमिर खान के कंधे पर ही है और इस बात को बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सका कि इस ढाई घंटे तक वो इस काम के लिए पूरी कोशिश करते हैं आमिर के अलावा फिल्म में कई बेहतरीन स्टंट भी हैं शानदार गाड़ियों के साथ लोगों ने जो उम्मीद लगाई थी वो इस फिल्म में पूरी भी हुई है ख़ास बात यह है कि इस फिल्म में दिखाई गई कई बाइक्स आपने अब तक किसी बॉलीवुड फिल्म में नहीं देखी होगी फिल्म में कई ट्विस्ट हैं और साथ ही आपको एक माइंड ब्लैंग इंट्रोल भी मिलेगा क्लाइमैक्स आपको निराश कर सकता है और ये ऐसा है जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की होगी फिल्म में दिखाई गई मैजिक ट्रिक शानदार है सर्कस के सीन काफी अपीलिंग है और हाँ चोरी भी काफी आकर्षक है इस फिल्म में चोरी भी ऐसी दिखाई गई है जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी हीरो का पार्ट पहले से सेट है और फिल्म में कोई लीड एक्ट्रेस नहीं है ऐसा लगता है कि यशराज ने कैटरीना कैफ को सिर्फ तीन गानों तीन डायलॉग्स और एक छोटे से किस के लिए ही साइन किया था हाँ एक बात जरूर है कि अपनी डांस परफॉर्मेंस से कैटरीना ने खुद को इंडस्ट्री का लेडी ऋतिक रोशन जरूर साबित कर दिया है अब धूम फ्रेंचाइजी की कोई भी फिल्म हार्ट गर्ल के बिना तो अधूरी है ऐसे में कैट को लेने का कारण साफ समझ में आता है अभिषेक बच्चन भले ही किसी छत पर खड़े होकर यह चिल्ला ले कि वो फिल्म के हीरो हैं लेकिन असल में वह है नहीं हैं वो तो अपना रोल ही बहुत मुश्किल से कर पाए हैं वैसे हाँ फिल्म को देखने के बाद इससे पहले कि आप आमिर के लिए खड़े होकर ताले बजाएं, एक बार उदय चोपड़ा के लिए दो मिनट का मौन जरूर रख लें वैसे अगर इस फिल्म में तीसरा कोई हीरोइन या हीरो या हीरो है तो वो बी है जिसके सपोर्ट से फिल्म बेहतर बनी ना कि पुलिस वालों की वजह से धूमथरी में कई ऐसी चीज़ें हैं जो लीक से हटकर फिल्माई गई हैं आमिर के पिता जे के शराप एक जादूगर होते हैं जो द ग्रेट इंडियन सर्कस के मालिक होते हैं और सुसाइड कर लेते हैं वो शिकागो के एक बैंक से लिया हुआ लोन वापस नहीं कर पाते हैं और उन्हें बैंक वाले धमकाते हैं कि वो उनके सर्कस को नीलाम कर देंगे आमिर के पिता इस दबाव को सह नहीं पाते और बेटा पिता की मौत भूल नहीं पाता इसके बाद से ही कहानी शुरू होती कि कैसे वो बेटा एक चोर कम जादूगर बनता है और बैंक से बदला लेता है फिल्म के आमिर के दो डायलॉग हैं जो वाकई सुनने लायक हैं पहला बंदे हैं हम उसके हम पे किसका जोर उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर इरादे हैं फौलादी हिम्मती हर कदम अपने हाथों किस्मत लिखने आ चले हैं हम यही वो डायलॉग है जो पूरी फिल्म को बांधे रखता है इसके अलावा एक दूसरा डायलॉग है जो आमिर खान से कहते हैं तुम्हारे पास पाँच मिनट हैं एक सेकंड के लिए भी मेरी नज़र तुमसे नहीं हटनी चाहिए अगर अभिषेक के नीरज अभिनय ने उदय चोपड़ा के बेवकूफ़ चुटकुले पुरानी सी स्क्रिप्ट और निराशजनक एडिटिंग के अलावा फिल्म में कुछ है तो वो आमिर खान ही हैं उनके स्टंट के समय तो आप पलके भी नहीं झपका सकते और इसका पूरा क्रेडिट आमिर को ही जाता है अगर दर्शक हैड पहनकर फिल्म देख रहा है तो हैड्स आप करके ही थिएटर से बाहर निकलेगा वाकई ये साल आमिर खान ने धूम के साथ ही खत्म किया था और हाँ थ्री का टाइटल भी गलत नहीं है क्योंकि आमिर की एक्टिंग इतने गुना बेहतर थी वैसे ऋतिक रोशन के लिए भी एक सुझाव है कि क्रेस फोर के बारे में सोचने से पहले एक बार फिल्म जरूर देख लें धूम बाइक्स और चोरी की फिल्म थी धूम टू चोरी डांस और रोमांस की फिल्म थी और अब धूम थ्री आमिर खान की फिल्म है आपको ये नहीं देखने को मिलेगा कि कैसे आमिर खान ने बैंक लूटा आप ये भी नहीं देख पाएंगे कि आमिर कैसे बैंक लूट रहे हैं आप पूरी तरह क्लैश रहेंगे कि फिल्म में अभिषेक बच्चन और शिकागो पुलिस रहती है आप इस फिल्म से धूम टू के जैसे स्टंट की अपेक्षा मत करिए अगर आप धूम थ्री से हॉलीवुड जैसे एक्शन की उम्मीद पाल रहे हैं तो आप गलत हैं फिल्म में कई ऐसी चीज़ें हैं जो फिल्म से बॉलीवुड पुट को दूर नहीं कर पाती जैसे कि फिल्म में हीरोइन के लिए करने के लिए कुछ नहीं है बिलन के अलावा पूरी दुनिया परफेक्ट है वगैरह वगैरह बाकी फिल्म छुट्टियों के दिनों में रिलीज हुई थी धूम फ्रेंचाइजी की है और आमिर खान ने शानदार एक्टिंग की है ऐसे में फिल्म का चलना तो तय था सुपर बाइस का क्रेज सिर्फ़ भारतीय राइडर्स को नहीं बल्कि हिंदुस्तानी और विदेशी फ़िल्मों में भी खूब देखने को मिलता है फिल्म के हीरो को और ज्यादा स्टाइलिश दिखाने के लिए बीते दशकों में सुपर बाइक्स का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है बीएमडब्ल्यू की सुपर बाइक भी इसी सूची में शामिल है अगर आपने आमिर खान वाली धूम धूमथरी देखी है तो यकीनन आपको यह बाइक पसंद आई होगी जिस पर आमिर हैरत अंगेज स्टंट करते हुए दिखते हैं इस फिल्म के बाद भारत में भी राइडर्स के बीच इस बाइक का क्रेज और तेज हो गया आमिर खान ने फिल्म में जिस बाइक का इस्तेमाल किया था वो बी के थर्टीन हंड्रेड आर मॉडल की थी ड्यूल हैंड लैप वाली यह बाइक सच में काफी खूबसूरत है बी एमडब्ल्यू मोटार्ड की नेक्स्ट क्लास बाइक को साल दो में लॉन्च किया गया था आपको बता दें कि इस बाइक ने कंपनी की के को रिप्लेस किया था इस सुपर बाइक में 1293 सीसी थ्री सी सी लाइन फोर ई एफ आई एंटी नाक सेंसर वाला पावरफुल इंजन लगा है यह इंजन 173 सेवेंटी पावर नाइन थाउजेंड ट्वेंटी पर जनरेट करता है और एट थाउजेंड ट्वेंटी हंड्रेड पर वन हंड्रेड फोर्टी एन टी एम नाट देता है इसके एग्जॉस्ट सिस्टम को कुछ बटरफ्लाई स्टाइल में डिजाइन किया गया है ताकि टार्क को बेहतर बनाया जा सके इस बाइक में सिक्स स्पीड बॉक्स दिया गया है इस बाइक्स में सेवनटीन इंच के टायर्स का इस्तेमाल किया गया है अगर स्पीड की बात करें तो धूम थ्री में इस बाइक की जितनी तेज स्पीड बताई गई है उतनी ही है बी एम डब्ल्यू के थर्टीन हंड्रेड आर की टॉप स्पीड 260 किलोमीटर पर घंटे के करीब है रफ्तार का अंदाजा केवल इस बात से लगाया जा सकता है माइलेज 17 किलोमीटर पर लीटर का है एक बार टैंक फुल करने पर यह बाइक थ्री किलोमीटर का सफर तय करने में सक्षम है इस बाइक की कीमत पच्चीस लाख रुपए है फिलहाल बी की यह सुपर बाइक मार्केट में नहीं है इसे साल दो में डिसकंटिन्यू कर दिया गया था यह बाइक कंपनी की सबसे पावरफुल वाली बाइक कही जा सकती है इस सुपर बाइक को यस वन थाउजेंड आर से रिप्लेस किया गया है इसकी कीमत ट्वेंटी टू तु एट थ्री लाख रुपये है यस वन हंड्रेड आर को धूम थ्री में ही जय दीच्छित बने अभिषेक बच्चन और अली और बुद्ध चोपड़ा को राइड करते हुए दिखाया गया था धूम सीरीज की महत्वपूर्ण कड़ी है जय और अली इस बार वे चोर को पकड़ने के लिए शिकागो जाते हैं चूँकि चोर चोरी करने के बाद हिंदी में संदेश छोड़ता है बैंक वालों तेरी ऐसी की तैसी शायद इसलिए भारत से जय और अली को उन्हें पकड़ने के लिए बुलाया जाता है मज़ेदार तथ्य की विशेष दायित्व निभाते समय चोर को पकड़ने में असफल रहते हैं फिर बाकी हिंदी फिल्मों की तरह दायित्व से मुक्त होने के बाद उनका दिमाग तेज चलता है और वे चोर को घेर लेते हैं लेकिन इस बार भी चोर उन्हें चकमा देकर निकल जाता है जय और अली के रूप में अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा हैं तारीफ़ करनी होगी कि पहली धूम से लेकर अभी तक उनकी समान रूपता बनी हुई है वो जरा भी नहीं बदले हैं धूम सीरीज में चोर को ज़्यादा स्मार्ट और रोचक बनाने के लिए उनको भोंदू दिखना जरूरी होता है इस बार स्मार्ट चोर आमिर खान है जॉन अब्राहम और ऋतिक रोशन के बाद धूम धूमथ्री में आए आमिर खान को छबीली कैटरीना कैब का साथ मिला है दोनों के बीच स्टेज पर केमिस्ट्री दिखती है खासकर डांस और सर्कस के कर्तव्यों में उनकी जोड़ी प्रभावशाली है कर्तब और डांस में निर्देशक और संबंधित तकनीसियो ने भी काफी मेहनत की है आमिर खान और कैटरीना कैब भी अपनी तरफ से कसर नहीं रहने देते इसके अलावा आमिर खान की है तंगेज बाइक ड्राइविंग है बाइक और चेस धूम सीरीज का खास बात है धूम धूमथ्री में भी इनका भरपूर इस्तेमाल हुआ है मुख्य रूप से तीन चेज हैं जिनमें हमेशा की तरह चोर कामयाब रहता है चोर बने साहिर के पास अत्याधुनिक बाइक है जो हवा में कुचे भरती है और ज़रूरत पड़ने पर मोटर बोट भी बन जाती है धूम थ्री तकनीकी स्तर पर प्रभावित करती है एक्शन भी जोरदार है लंबे समय के बाद आमिर खान एक्शन दृश्यों में नजर आए हैं जॉन अब्राहम और ऋतिक रोशन की तरह उन्हें भी बेहद दृष्ट देखनी पड़ी है आमिर खान ने मेहनत की है लेकिन उनके पास उनके जैसा आकर्षक शरीर स्वस्थों नहीं है इमोशनल दृश्यों को आमिर खान अच्छी तरह निभा जाते हैं कटिना कैब की चपलता आकर्षक है उनके डांस में स्फूर्ति गति और लयात्मकता है उनसे नजर नहीं हटती भाव प्रदर्शन और संवाद अदायगी में वह पिछड़ जाती है धूम थ्री में भी यही हुआ है जब तक वह डांस और करतब करती हैं तब तक बहुत प्रभावशाली लगती है बाकी दृश्यों में वह आमिर खान का साथ नहीं दे पाती हैं वैसे लेखक निर्देशक ने कम नाटकी दृश्य लेकर उनकी कमी छिपाने की अच्छी कोशिश की है विजय कृष्ण चार ने धूमथरी के लंबे दृश्य रखे हैं फिल्म थोड़ी लंबी हो गई है शिकागो शहर का सिटी स्कोप इस फिल्म में दिखाई देता है शहर की खूबसूरती और भव्यता भी फिल्म में प्रभाव में सहायक बनती है सर्कस के कर्तव्य और डांस परफॉर्मेंस के लिए बने सेट आकर्षक है टाइप डांस में आमिर खान का कौशल नजर आता है पता चलता है कि अभ्यास और कग्रता से कलाकार नए कौशल सीख सकते हैं धूम सीरीज अपने गीत संगीत के लिए भी लोकप्रिय हैं धूम थ्री का गीत संगीत उसी प्रवाह में है कुछ गीतों का फिल्मांकन नयाना भिरामी है लेकिन कुछ गीत अनावश्यक भी लगते हैं सुदीप चटर्जी के खूबसूरत छायांकन से दृश्य प्रदृश सुहावने लगते हैं धूम थ्री फिल्म में आमिर खान अपने कैरियर में दूसरी बार नेगेटिव रोल कर रहे थे इसके पहले आमिर खान ने उन्नीस अर्थ फिल्म में नेगेटिव किरदार निभाया था यह फिल्म चली नहीं थी धूम थ्री भारत की ऐसी फिल्म बन गई है जिसके लीड किरदार हर बार उसी नाम के साथ हैं और एक ही कलाकार ने यह रोल निभाया है यह रोल तीनों ही फिल्मों में अभिषेक बच्चन और दय चोपड़ा ने निभाया है धूम थ्री की शूटिंग में हॉलीवुड के कई तकनीकी जानकारों की मदद ली गई है खासकर बाइक रेसिंग और दीवारों पर दौड़ने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल ज़्यादा किया गया है धूम थ्री की शूटिंग के दौरान फिल्म के लीड किरदार आमिर खान को गहरी चोट लगते लगते बची थी जिस तार को पकड़कर वह बिल्डिंग में चढ़ रहे थे वह तार अचानक टूट गया गनीमत थी कि एक सपोर्ट वायर बगल में ही मौजूद था धूम थ्री फिल्म रिलीज से पहले ही विवादों में फंस गई थी फिल्म के एक गाने मलंग मलंग पर एक खास समुदाय को आपत्ति थी हालांकि यह मामला इतना बड़ा नहीं था कि इसके लिए फिल्म की रिलीज टालनी पड़े फिल्म के टाइटल सॉन्ग धूम मचाले को भव्य तरीके से फिल्माने के लिए फिल्म के निर्माता आदित्य चोपड़ा ने पाँच करोड़ रुपये खर्च किए थे पाँच करोड़ में कई छोटे बजट की फिल्में बन जाती हैं धूम थ्री में लीड कौन है इस बात को लेकर भी फिल्म के पहले विवाद हुआ था इस फिल्म में जुड़े कई कार्यक्रमों में फिल्म के हीरो अभिषेक बच्चन की उपेक्षा की गई तो उन्हें कहना पड़ा कि फिल्म का हीरो मैं हूँ और हर बार की तरह जीतता हीरो ही है धूम उन फिल्मों में से है जिन्होंने बॉलीवुड में स्वकल फिल्मों के लिए मजबूत धरातल तैयार किया इस सीरीज की हर फिल्म के साथ भव्यता और एक्शन की जबरदस्त बाहर आती गई इस बार भी कुछ ऐसा ही किया गया था आमिर खान और कैटरीना कैब को सरप्राइज़ पैकेज के तौर पर इस्तेमाल किया गया है कैटरीना कैब के लिए फिल्म में करने के लिए कुछ खास नहीं है ग्लैमर के तौर पर उन्हें लाया गया है लेकिन इस्तेमाल नहीं किया गया फिल्म ठेठ हिंदी सिनेमा प्रेमियों के लिए किसी जश्न से कम नहीं है हर बार की तरह टेक्नोलॉजी गैजेट्स बाइक्स और एक्शन इस बार भी हैं सब हाई क्वालिटी है लेकिन कहानी पूरी तरह बचकानी है जे शराब द इंडियन सर्कस चलाते हैं वह काफ़ी उधार ले, ले लेते हैं और वह इससे चुका नहीं पाते आत्महत्या कर लेते हैं उसके बाद उसका बेटा साहिर यानी आमिर ख़ान अपने उस सर्कस को दोबारा से शुरू करने का जिम्मा लेता है और चोरियां शुरू कर देता है इसमें उसका साथ देती है आलिया यानी कैटरीना कैब बस हर बार की तरह जयानी अभिषेक बच्चन और अली यानी उदय चोपड़ा चोरियों को रोकने के लिए आ जाते हैं वैसे ही से शुरू होता है धूम धड़ाका हालांकि कहानी के कई लोच हैं तीन घंटे की फिल्म है जो बात नहीं पछती हुआ यह कि शिकागो पुलिस नाकाम है और मुंबई पुलिस को बुलाया जाता है और उसके दो पुलिस ऑफिसर अपने जौहर विदेश में दिखाते हैं इस तरह की कई बातें जो गले नहीं उतरती हैं आमिर खान की फिल्म मानकर तो कतई मत देखिएगा क्योंकि यह आमिर छाप फिल्मों से एकदम जुदा है इसमें कोई कहानी नहीं है थ्रिल नहीं है कहानी के मामले में आमिर की सबसे कमज़ोर फिल्मों में से एक कही जा सकती है आमिर खान नेगेटिव किरदार में नहीं जमते हैं कहानी पूरी तरह से खामियों से भरी हुई है आमिर खान के साथ कहीं कहीं कैटरीना की जोड़ी आंखों को बहुत अच्छी नहीं लगती है कैटरीना को जितना मौका मिला उन्होंने अपना बेस्ट किया है अभिषेक बच्चन जय के किरदार में पहले जैसे ही हैं अली के किरदार में उदय जमे हैं और वह फिल्म में हंसाने का काम करते हैं फिल्म का बजट सौ करोड़ रुपए से ज़्यादा है फिल्म की शुरुआत मिस्टर यानी ऋतिक रोशन के ब्रिटिश रानी के मुकुट चोरी करने से होती है नई उन्नत मिलने पर अफसर अली यानी उदय चोपड़ा और जय दीक्षित यानी अभिषेक बच्चन सोनाली बॉस यानी पासा पशु से मिलते हैं और जो जय की अच्छी दोस्त भी है शुरुआती छानबीन से जय को पता चलता है कि मिस्टर ए मुंबई में अगली चोरी करेगा और शहर में स्थित किसी दो संग्रहालयों में चोरी होगी तभी दीक्षित को पता चलता है कि वह जिस संग्रहालय की तभी दीक्षित को पता चलता है कि वह जिस संग्रहालय की निगरानी कर रहा है वह गलत है और वह तुरंत दूसरे संग्रहालय की ओर दौड़ता है जहाँ मिस्टर ए बेस बदलकर हीरा चुरा फरार हो जाता है टेलीविजन पर मिस्टर ए पुलिस को उसे पकड़ने के लिए उकसाता है और उन्हें अपनी अगली चोरी की जगह बताता है प्रणाम स्वरूप और खाने एक तलवार रखे गए किले पर सख्त पहरा बिठाते हैं रात को मिस्टर ए अपने बहरूपियों से मिलता है जहाँ तलवार रखी होती है पुलिस को खबर लग जाती है पर दोनों तलवार चुराकर भागने में कामयाब होते हैं बहरूपिया आखिर में सुनहरी यानी अशर राय निकलती है जो मिस्टर ए को अपना आदर्श मानती है और वे दोनों साझेदारी बना लेते हैं रियो डी जेनेरियो में मिस्टर ए और सुनहरी अपनी अगली चोरी की योजना बनाते हैं सूचना के मुताबिक दीक्षित और अली अभी शहर में आज पहुंचते हैं वक्त चलते सुनहरी और मिस्टर ए में प्यार हो जाता है और मिस्टर ए उसे अपना असली नाम आर्यन बता देता है परंतु आर्यन को पता चल जाता है कि सुनहरी जासूस है जो जय के लिए काम कर रही है वह उसे खेल में खुद को गोली मारने के लिए कहता है पर वह उसे नहीं मार पाती और अपना प्यार कबूल करती है रियो में दूसरी ओर अली को मुनाली यानी बिपासा बसु सोनाली की जुड़वा बहन से प्यार हो जाता है अपनी आखिरी चोरी में आर्यन और सुनहरी सोने के सिक्के चुरा लेते हैं और सुनहरी खुलासा करती है कि वह जय के लिए काम नहीं करना चाहती जिससे जय और अली उनके पीछे लग जाते हैं एक लंबे समय तक पीछा करने के बाद सभी एक झरने के पास पहुंच जाते हैं जहां सुनहरी को अली पकड़ लेता है सुनहरी अपनी भावनाएँ आर्यन को बताने के बावजूद उसे गोली मार देती है और वह झरने से नीचे गिर जाता है आर्यन के गिरने के बाद जय सुनहरी को आजाद कर देता है छह महीने बाद खुलासा किया जाता है कि आर्यन अब भी जिंदा है और सुनहरी के साथ मिलकर उसने एक रेस्तरा खोल लिया है जब आर्यन और सुनहरी को उसके रेस्तरा में आकर मिलता है और उन्हें बताता है कि उनके गुनाहों के बावजूद वह उन्हें नहीं पकड़ेगा आर्यन उसे बताता है कि सारे चुराई हुई वस्तुएँ कहाँ मिलेंगी जय को दोनों के प्यार के बारे में पता चलता है पर वह उन्हें आगाह करता है कि अगर दोबारा चोरी की तो फिर से वह पीछे आ जाएगा इस फिल्म को सन 2006 हजार छह में फिल्मफेयर सबसे अभिनेता पुरस्कार के लिए ऋतिक रोशन को पुरस्कार मिला था आदित्य चोपड़ा की फिल्म धूम टू को रिलीज हुए 15 साल से भी ज्यादा वक्त हो चुका है बता दें कि यह फिल्म साल बता दें कि यह फिल्म साल 24 नवंबर 2006 को रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर जमकर सफलता कमाई थी माना जाता है कि फिल्म ने करीब एक, एक करोड़ तक का कारोबार किया था और इसमें ऋतिक रोशन ऐश्वर्या राय अभिषेक बच्चन उदय चोपड़ा और बिपाशा बसु लीड रोल में थे बता दें कि यशराज फिल्म्स के बैनर तले इस फिल्म के ज्यादातर हिस्सों की शूटिंग ब्राजील में की गई थी फिल्म तो अपनी कहानी की वजह से हिट हुई ही थी लेकिन ऋतिक रोशन ऐश्वर्या के बीच किस सीन भी बेहद धमाकेदार रहा था इस सीन को करने के बाद जहाँ ऐश्वर्या राय की वजह से जमकर बवाल हुआ था क्योंकि यह पहला मौका था जब एक्ट्रेस ने बड़े पर्दे पर यह किया था फिल्म में ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय के बीच कुछ मिनट का किस सीन था यह पहला मौका था जब ऐश्वर्या राय ने स्क्रीन पर किसिंग सीन दिया था इसके बाद यह सीन बी टाउन की सुर्खियों में आ गया बता दें कि ये फिल्म की शूटिंग तब हुई थी जब एस और अभिषेक बच्चन की सगाई हो चुकी थी इसलिए बच्चन फैमिली भी इस सीन को लेकर नाराज़ थी और बाद में फ़िल्म से ये सीन हटा दिए गए थे इतनी ही नहीं ऐश्वर्या राय का एक इंटरव्यू में बताया गया था कि वह इस सीन को करने के बाद पछड़े में फंस गई और कई लोगों ने उन्हें लीगल नोटिस तक भेज दिए थे ऐश्वर्या ने एक फैशन मैगनीश को दिए इंटरव्यू में बताया था कि उन सीन की वजह से उन्हें क्या झेलना पड़ा था उन्होंने कहा था कि वे हॉलीवुड की कई स्क्रिप्ट इसलिए मना कर चुकी हैं क्योंकि वे पर्दे पर फिजिकल सीन्स करने में कम्फर्टेबल नहीं रहती धूम टू 2006 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है या धूम श्रृंखला की दूसरी फिल्म है जिसका निर्देशन संजय गढ़वी ने किया है और निर्माण आदित्य चोपड़ा और यश चोपड़ा द्वारा किया गया है फिल्म में अभिषेक बच्चन उदय चोपड़ा जय दीक्षित और अली मुख्य भूमिका में हैं और एक चोर मिस्टर ए अनि ऋतिक रोशन को पकड़ने की कोशिश करते हैं जो कई बेसकीमती वस्तुएं अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करके चुराता है इस फिल्म की लागत थी 35 करोड़ रुपए और इसकी कुल कमाई हुई थी 150 करोड़ रुपए धूम भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन संजय गांधी और निर्माण आदित्य चोपड़ा ने किया है इस फिल्म में अभिषेक बच्चन जॉन अब्राहम उदय चोपड़ा और ईशा देवल मुख्य किरदार में है इस फिल्म को 27 अगस्त 2004 में सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया गया था धूम मूवी की कहानी की शुरुआत मुंबई में होती है जब एक मोटर चलाने वाला गैंग शहर के बैंक और अन्य जगहों से पैसे चुराना शुरू कर देता है ए सी पे जय दीक्षित ने अभिषेक बच्चन को इस मामले की छानबीन करने का काम दिया जाता है वो इस ग्रोह के लोगों को पकड़ने के लिए एक चोरी की बाइक बेचने और चलाने वाले अली खान ने उदय चोपड़ा से मिलता है और उसकी मदद से उस ग्रोह के लोगों को पकड़ने का प्लान बनाता है वो असफल हो जाता है इस ग्रोह का लीडर कबीर अनी जॉन अब्राहम उससे कहता है कि वह उसके सामने भी रहेगा तो भी वह उसे पकड़ नहीं पाएगा और ऐसा होता भी है एक और चोरी होती है जिसमें जय और अली को पहले से पता होता है कि चोरी कहाँ होने वाली है पर वे लोग कुछ नहीं कर पाते हालांकि जय की गोली से उस ग्रह का एक सदस्य मारा जाता है पर वे लोग एक बार और असफल हो जाते हैं इस असफलता के कारण जय को अली के ऊपर गुस्सा आ जाता है और उन दोनों की बहस आगे मारपीट का रूप ले लेती है जिसके बाद अली उसे छोड़कर चला जाता है रोहित जो जय की गोली का शिकार हो जाता है उसके जगह कबीर अब अली को लाने की सोचता है और उसे मिलकर अपने गिरोह में आने का न्योता देता है अली मान जाता है और गिरोह से जुड़ने के बाद उसकी एक सीना यानी ईशा देवल से अली को प्यार हो जाता है कबीर अब भारत के सबसे बड़े कसीनों को लौटने का प्लान बनाता है जिसके बाद उन्हें कभी और चोरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वह एक चोरी नए वर्ष के दिन करने का प्लान बनाता है वो लोग उस कसिनों में अलग अलग रूप में आ जाते हैं और जल्द ही कबीर को एहसास हो जाता है कि यह जय का बुना हुआ जाल है उन्हें भी यह पता चलता है कि अली अब भी जय के लिए ही काम कर रहा है कबीर किसी तरह से जय की कैद से भागने में सफल हो जाता है और अपने गिरोह के साथ अपने गिरोह के ट्रक तक आ जाता है वहाँ अली किसी तरह सिना को बंधक बनाए रखता है उसे ऐसा लगते रहता है कि उसके बाकी गिरोह के लोग पकड़े गए हैं पर वही कबीर को देखकर उसके तोते उड़ जाते हैं कबीर आते साथ अली को मारने लगता है कि तभी जय आ जाता है और उसकी जान बचा लेता है सिन्हा को छोड़कर गिरोह के सभी लोग भागने लगते हैं जय और अली मिलकर उनका पीछा करते हैं और कबीर को छोड़कर गिरोह के सभी लोग मारे जाते हैं अंत में कबीर को जय और अली घेर लेते हैं वहीं और जाने का रास्ता नहीं होने के कारण कबीर अपनी बाइक को नदी की ओर ले जाता है और बाइक के साथ नदी में गिर जाता है इसके बाद जय और अली एक दूसरे से बात करते रहते हैं और फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है इस फिल्म का गीत बहुत ही पसंद किया गया था खासकर धूम मचाले गीत इसका बैकग्राउंड म्यूजिक भी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया था कुछ लोगों के फोन का रिंगटोंग धूम फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक था धूम एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म श्रृंखला है फिल्म एसीपी जय दीक्षित एक सहायक पुलिस आयुक्त और उसके साइड अली अकबर फतेह खान के इर्द गिर्द घूमती है जो पेशेवर चोरों को पकड़ते हैं एक आम व्यवहार में कथानक अक्सर विरोधी से बहुत प्रभावित होता है बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में यह बॉलीवुड की दूसरी सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी है श्रृंखला धूम थ्री की नवीनतम किस्त ने दुनिया भर में 550 करोड़ से अधिक कमाई की जो हिंदी सिनेमा के इतिहास में चौथी सबसे बड़ी कमाई करने वाली फिल्म है 2016 तक धूम भारतीय सिनेमा में पांचवी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म फ्रेंचाइजी है इस श्रृंखला की पहली फिल्म थी धूम जो कि 2004 में आई थी इसमें बाइकर्स का एक साहस में ग्रोह लिटोरे की होड़ में है ए जय को मामले में सहायता करने के लिए एक मैकेनिक अली मिलता है घड़ी की टिक-टिक के साथ यह उनके ऊपर है कि चोरों को रंगे हाथ पकड़ ले इस श्रृंखला में दूसरी फिल्म थी ढूंढ टू जो कि 2006 में आई थी इसमें जय और अली लौटते हैं इस बार एक अंतर्राष्ट्रीय चोर की निशानदेही पर जिसने अमूल्य कलाकृतियों की चोरी की और मुंबई को अपना अलग लक्ष्य चुना इस श्रृंखला में तीसरी फिल्म थी धूम थ्री जो कि 2013 में आई थी इसमें जब जादू और कलाबाजी में प्रदर्शित सर्कस का मनोरंजन करने वाले साहिर शिकागो में एक भ्रष्ट बैंक को गिराने के लिए चोर बन जाते हैं जिसने उनके पिता को बर्बाद कर दिया था तो भारतीय अधिकारी जय और अली को उसे पकड़ने के लिए बुलाया जाता है धूम मूवी का बजट था वन मिलियन और इसकी कुल कमाई हुई थी सिक्स मिलियन धूम का बजट था फोर हंड्रेड फिफ्टी मिलियन और इसकी कुल कमाई होती बिलियन। का बजट था बिलियन और, इसकी कुल कमाई होती बिलियन और तीनों की कमाई बनती है एट पॉइंट टू बिलियन फिल्म का शहरी भारतीय युवाओं के बीच महत्वपूर्ण संस्कृत प्रभाव पड़ा यह सड़कों पर दौड़ बाइक से होने वाली चोरी और सार्वजनिक सड़कों पर स्टंट करने की घटनाओं में वृद्ध के लिए दोषी ठहराया गया था इसके अतिरिक्त एनओ टिकट के अलावा इसके अतिरिक्त एन ओ एस किट के अलावा फ्री फ्लो एंगास सिस्टम से लेकर अपने बाइक्स में संशोधन के लिए युवाओं के साथ बाइक मॉडिफाई सीन के लिए भी एक नई नीति थी केरल के मलम्पुरम जिला में अपराधियों के एक समूह के चार सदस्यों ने 30 दिसंबर 2007 को दक्षिण मालाबार ग्रामीण बैंक में फर्श तोड़कर 2.5 मिलियन और अस्सी किलोग्राम सोना लूटा था जिसकी कुल कीमत अस्सी मिलियन बताई गई थी केरल के अपराध रिकॉर्ड में सबसे बड़ी चोरी में से एक थी केरल पुलिस ने इस संबंध में चार लोगों को गिरफ्तार किया था और नेता ने स्वीकार किया कि वह धूम से प्रेरित था भारत में मीडिया ने धूम टू को समानताए दी इसमें दो राय नहीं है कि यशराज फिल्म्स ने अपने बैनर तले एक नहीं कई सुपरहिट फिल्मों का निर्माण किया है जिसमें धूम भी शामिल है धूम बॉलीवुड की सबसे मशहूर और हिट फ्रेंचाइजी फिल्म है फिल्म की कहानी किरदार और गाने को लोगों ने काफ़ी पसंद किया था धूम फिल्म के रिलीज़ को 16 साल से ज़्यादा वक्त हो चुका है धूम फिल्म के 16 साल पूरे होने पर इसके स्क्रीन प्ले लिखने वाले विजय कृष्ण आचार्य ने फिल्म से जुड़ी कुछ बातें बताई थी विजय कृष्ण आचार्य ने फिल्म के 16 साल पूरे होने पर बताया कि उनको पहले से ही इस बात का विश्वास था कि ये एक मनोरंजक फिल्म साबित होगी फिल्म के वैसे तो सारे गाने ही कमाल के थे लेकिन धूम मचाले गाने की बात अलग थी फिल्म धूम को सुपरहिट बनाने में इस स्टाइल के गाने का बड़ा हाथ है आपको बता दें कि इस गाने को प्रीतम दा ने बनाया था विजय आचार्य ने कहा कि उनसे पहले ही आदित्य चोपड़ा ने जिक्र किया था कि फिल्म में स्वकल की संभावनाएं दिखाई देती हैं और उन्होंने इसके स्वकल में बने में विचार करने के लिए कहा था इसके अलावा विजय आचार्य ने बताया था कि वो धूम के लिए ऐसा बिलन को चाहते हैं जो जीतता हुआ नजर आए विलन को जीतता हुआ देख दर्शकों को अच्छा लगेगा फिल्म के 16 साल पूरे होने पर इसके निर्देशक संजय गढ़वी ने अपने इंस्टा पर एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा था कि आज से सोलह साल पहले मैंने इस दिन बहुत उत्सुक और आत्मविश्वासी था रिलीज के बाद जो हुआ वह इतिहास बन गया फिल्म के मुख्य किरदार के रूप में जॉन अब्राहम अभिषेक बच्चन आदित्य चोपड़ा ईशा देवल जैसे कलाकार नजर आए थे धूम फ्रेंचाइजी में खलनायक को इस तरह पेश किया जाता है कि दर्शकों की सारी सहानुभूति खलनायक के साथ होती है हीरो की भूमिका चरित्र कलाकार जैसी होती है धूम थ्री के खलनायक को नायक जैसा पेश किया गया है क्योंकि उसके पास कारण है कि वह गलत काम क्यों कर रहा है यह कारण दरअसल एक इमोशनल कहानी है और यही बात धूम थ्री को इस श्रृंखला की पिछली फिल्मों से अलग करती है पिछली फिल्मों से इमोशंस की कमी महसूस की गई थी जिसे इस कड़ी में पूरा किया गया है यह निर्देशक की कामयाबी है कि दर्शकों को भावात्मक रूप से यह फिल्म पहले दस मिनट में ही जोड़ लेती है जब इकबाल यानी जैकी शराब शिकागो स्थित अपने ग्रेट इंडियन सर्कस को बैंक के कर्जे से बचाने की कोशिश करता है यहीं पर दर्शक इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि साहिर यानी आमिर खान के पिता के साथ गलत हुआ है और साहिर बड़ा होकर गलत राह पर क्यों चल रहा है इस बात को अच्छी तरह स्थापित कर दिया गया है बैंक कर्जोसी में शक्ति दिखाता है तो मासूम साहिर के सामने उसके पिता आत्महत्या कर लेते हैं यही से साहिर और बैंक के बीच दुश्मनी हो जाती है और वह बड़ा होकर बैंक को बर्बाद करने के मिशन में जुट जाता है यह बात पता चल जाती है कि बैंक को बर्बाद करने वाला एक भारतीय है तो भारत से दो पुलिस ऑफिसर अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा भेजे जाते हैं फिर शुरू होता है चोर और पुलिस के बीच चूहे बिल्ली का खेल फिल्म की कहानी सामान्य है लेकिन इसे असाधारण बनाता है महंगे लोकेशन शानदार सेट्स जबरदस्त सीनेमाटोग्राफी वैसे धूम सीरीज की फिल्मों में कहानी से ज़्यादा महत्वपूर्ण स्टाइल और स्टंट है पहला हाफ फिल्म को इतनी ऊंचाइयों पर ले जाता है कि यह स्टंट और तकनीकी रूप से हॉलीवुड फिल्मों को टक्कर देती है एक के बाद एक आइटम पेश किए जाते हैं आमिर खान जबरदस्त तरीके से एंट्री लेते हैं ऊंची बिल्डिंग की दीवार से वे उतरते हैं और सड़क पर डॉलर्स की बारिश होती है फिर आता है एक चेंजिंग सीन जो धूम सीरीज की फिल्मों की खासियत होती है अत्याधुनिक बी बाइक पर बैठे साहिर जब पुलिस को नच है तो दर्शकों की सांसें थम जाती हैं जय और अली की एंट्री के लिए भी एक्शन सीन गढ़ा गया है जो सिर्फ फिल्म की लंबाई बढ़ाता है फिल्म की हीरोइन कटरीना कैब भी फिल्म में धमाकेदार एंट्री करती हैं कमली गाने पर उनका डांस काबिल तारीफ है जय अली और साहिर के बीच वाला चेंजिंग सीन फिल्म का प्रमुख आकर्षण है इस सीन को अद्भुत तरीके से शूट किया गया है इस सीन में जय गोली चलाता है तो साहिर की पीठ पर लगती है कुछ देर बाद साहिर को गिरफ्तार करने जय उसके सर्कस में पहुंचता है तो यह जानकर दंग रह जाता है कि साहिर की पीठ पर किसी भी किस्म का चोट का निशान नहीं है जय के साथ दर्शक भी चौंकते हैं कि यह रहस्य क्या है और यहीं पर इंटरवल होता है इंटरवल के बाद हाफना ज़्यादातर फिल्मों की कमजोरी है और धूम थ्री भी इसका शिकार है एक्शन और स्टंट से फोकस हट कर ड्रामे आ जाता है और स्क्रिप्ट की कमजोरियाँ उभरने लगती हैं रहस्य पर से पर्दा हटाया जाता है जो कई तरह के सवालों को जन्म देता है जिसके संतोषजनक उत्तर नहीं मिलते हैं कहानी में रोमांटिक ट्रेंड को जबरन घुसेड़ा गया है जिसकी जगह नहीं बनती है साहिर का कड़ी सुरक्षा के बीच हर बार आसानी से बैंक में घुसना हैरत में डालता है फिल्म के दूसरे हाफ में एक्शन की कमी महसूस होती है इन सब कमियों के बीच एक अच्छी बात यह है कि बोरियत नहीं होती ड्रामे में दिलचस्पी बनी रहती है उम्मीद रहती है कि क्लाइमैक्स में ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा लेकिन अपेक्षा से कम देखने को मिलता है फिल्म का निर्देशन किया है विजय कृष्ण आचार्य ने उन्होंने धूम सीरीज़ के सारे भाग लिखे हैं टैसन जैसी भुला देने लायक फ़िल्म वे निर्देशित कर चुके हैं इसके बावजूद फिल्म के निर्माता आदित्य चोपड़ा ने उनको यशराज फिल्म की सबसे महंगी फिल्म निर्देशित करने का जिम्मा दिया विजय का काम एक्शन डायरेक्टर और कोरियोग्राफर ने काफ़ी आसान कर दिया ड्रामे वाले हिस्से को संभालने में विजय थोड़ा लड़खड़ाए हैं आमिर खान के फिल्म से जुड़ने से दर्शकों की अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं आमिर खान के किरदार के बारे में ज़्यादा बात इसलिए नहीं की जा सकती है क्योंकि इससे फिल्म के रहस्य से पर्दा हट जाएगा जहां तक अभिनय का सवाल है तो आमिर ने अपना काम गंभीरता से किया है लेकिन उनसे और बेहतर की अपेक्षा थी धूम जैसी फिल्मों के किरदार को जो ग्लैमर चाहिए था उसमें आमिर थोड़ा कमज़ोर पड़ गए कैटरी का इपटोड बाडी में बेहद खूबसूरत नज़र आई लेकिन उनका रोल बेहद छोटा है निर्देशक उनके ग्लैमर का पूरा उपयोग नहीं कर पाए अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा अपने किरदारों को उसी अंदाज में बढ़ाते नजर आए जयकि शराब छोटे रोल में छाप छोड़ते हैं प्रीतम का संगीत औसत किस्म का है लेकिन गानों का फिल्मांकन आंखों को राहत देता है मलंग और कमले की कोरियोग्राफी बहुत बढ़िया है जूलियस पैकियम का बैकग्राउंड स्कोर उम्दा है सुदीप चटर्जी की सीनेमाटोग्राफी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है जो फिल्म को भव्य लुक देती है एक्शन और स्टंट हॉलीवुड फिल्मों की टक्कर के हैं धूमथ्री पाँच में से तीन अंक के लायक है लेकिन सिनेमाटोग्राफी लोकेशंस और बाइक थ्रिल के कारण आधा अंक अतिरिक्त दिया गया है धूम सीरीज का तीसरा भाग धूमथ्री का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे भारत की यह महंगी फिल्मों में से एक है और बॉलीवुड को उम्मीद थी कि यह फिल्म आय के मामले में अब तक के सारे कीर्तमानों को भंग कर देगी इस बार आमिर खान और कैटरीना कैफ को स्टार कास्ट में जोड़ा गया था फिल्म की कहानी फिर इस बार चोर बनाम पुलिस है लेकिन एक नए और निराले अंदाज के साथ तकनीकी और एक्शन का तड़का इस फिल्म को भव्य बनाता है यह कहानी है साहिर यानी आमिर खान की जिसकी ऊर्जा उसे खतरनाक उग्र और भयंकर बनाती है वह किसी को माफ़ नहीं करता वह एक ऐसा चोर है जो अपनी राह में टुड़ा बनने वाली हर चीज़ को नष्ट कर देता है धूम थ्री कहानी है आलिया ने कैटरीना कैफ की जो बेहद सरल है लेकिन सर्कस में परफॉर्म करते एकदम बदली हुई नजर आती है निडर आलिया जब सर्कस में परफॉर्म करती है तो लगता है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम ही नहीं है दिल के मामले में वह इतनी ही निडर है धूमतरी कहानी है जय दीक्षित ने अभिषेक बच्चन की जो मुंबई का एक चतुर दृढ़ निश्चयी विश्लेषात्मक और जबरदस्त पुलिस ऑफिसर है जय अपने बुरेदों को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है उसका मानना है कि दुश्मन को जाल में फंसाने के लिए कभी कभी दुश्मन की तरह सोचना पड़ता है धूमथरी कहानी है अली अकबर यानी उदय चोपड़ा की जो मनोरंजन का खजाना है यह निश्चित पुलिस वाला नागपाड़ा से नियाग्रा फाल तक कहीं पर भी मिल सकता है फैमिली वाला बनना चाहता है और उसे लड़की की तलाश है दिल हथेली पर लेकर घूमने वाला अली सुंदर लड़की दिखी नहीं कि दिल दे बैठता है इन किरदारों के इर्द गिर्द धूमथरी की कहानी घूमती है जो रोमांस से भरपूर है धूम थ्री दो हज़ार की बहुप्रतिष्ठित हिंदी फिल्म है जिसे विजय कृष्ण आचार्य ने निर्देशित किया है धूम का पहला संस्करण 2004 में जबकि धूम 2 2006 में रिलीज हुई थी यह दोनों ही फिल्में सुपरहिट रही थी पहली धूम में जॉन अब्राहम और दूसरी में ऋतिक रोशन ने खलनायक की भूमिका निभाई थी इस फिल्म की लागत थी एक करोड़ रुपये और इसकी कुल कमाई हुई थी पाँच करोड़ रुपये फिल्म में आमिर खान ने नकारात्मक किरदार निभाया है जो चालाकी से चोरी करता है यह फिल्म आई के फॉर्मेट में विश्व स्तर पर हिंदी तमिल एवं तेलुगु भाषा में प्रदर्शित की गई थी धूम धूमथी भारत में आई फॉर्मेट में प्रदर्शित होने वाली पहली फिल्म है यशराज फिल्म्स की बनाई हुई इस फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 280 करोड़ रुपए की कमाई की थी धूम फिल्म उन्नीस से शुरू होती है जहाँ इकबाल हरुख खान यानी जेके शराफ शिकागो के ग्रेट इंडियन सर्कस का सर्कस चलाता है सर्कस बहुत ही खराब वित्तीय हालत से गुजर रहा होता है जिस कारण इकबाल पर बहुत ज्यादा कर्जा होता है वेस्टर्न बैंक ऑफ शिकागो जिससे इकबाल ने कर्जा लिया है कर्ज न चुकाने के कारण सर्कस को बंद करवाने के लिए अपने प्रतिनिधियों को भेजता है इकबाल उनसे विनती करता है कि मेरा शो देखो अगर आपको पसंद आए तो कर्ज चुकाने के लिए कुछ और मोहलत दे देना प्रतिनिधि उसका शो देखने के बाद भी सर्कस को बंद कर देने का आदेश देते हैं इकबाल का छोटा सा बेटा साहिर उनसे विनती करता है पर वो नहीं मानते हैं इकबाल बैंक वालों तुम्हारी माँ की ऐसी कि तैसी कहकर सबके सामने आत्महत्या कर लेता है जिससे उसका छोटा सा बेटा झकझोर जाता है कई सालों बाद ने आमिर खान अब भी वो घटना नहीं भूला है और वह बैंक वालों से बदला लेने की ठानता है वो कई वेस्टर्न बैंक ऑफ शिकागो की शाखाओं में चोरी करता है और हिंदी में बैंक वालों तुम्हारी ऐसी की तैसी लिख कर अपनी सर्कस वाली कलाबाजी इस्तेमाल करके भाग जाता है क्योंकि शिकागो पुलिस उसे नहीं पकड़ पा रही और उन्हें हिंदी भी नहीं आती इसलिए वह भारतीय पुलिस से ए सी पी जय दीक्षित अभिषेक बच्चन और उसके सहयोगी अली अन उदय चोपड़ा को मदद के लिए बुलाते हैं जय साहिर को फंसाने के लिए जान बज कर बात फैला देता है कि वो एक केस संभाल रहा है और उसे लगता है चोर जरूर कोई शौकिया है इससे साहिर चोरी करने की ठानता है वो एक समाचार चैनल से इस योजना के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है और जय के लिए मुखबिर बनने का नाटक करता है इस तरह बैंक के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेता है और जय को एक सुराग देता है पीछे जाने के लिए अंततः साहिर बैंक में चोरी कर लेता है और मोटरसाइकिल पर भागने लगता है जय उसको गोली मारता है पर साहिर भाग जाने में सफल हो जाता है साहिर ग्रेट इंडियन सर्कस का पुनर्नवर्तन संस्करण का प्रीमियर करता है अपनी महिला सहयोगी आलिया निकटीना गायब के साथ जिसमें उसके साथ एक चाल शामिल है कि एक जगह से गायब हो जाना और दूसरी जगह पे दिखना लेकिन बाद में जय अली और पुलिस उसे चारों ओर से घेर लेती है जानते हुए कि चोर वो है जय कहता है कि सबूत वो तो गोली का घाव है पर साहिर की जांच की जाती है तो उसके शरीर पर कहीं पर भी गोली का निशान नहीं होता है जय और अली सर्कस से चले जाते हैं जबकि साहिर अपने कमरे में चला जाता है यहाँ पर पता चलता है कि साहिर का एक जुड़वा भाई है समर जो कि उसके सर्कस के चालों और बैंक में चोरी करने में मदद करता है और वो समर था जिसको गोली लगी थी तीस अक्टूबर को धूमधरी का ट्रेलर यूट्यूब पर जारी किया गया था इसके पहले बाजार में धूमथ्री का ऑफिशियल गेम भी जारी किया गया था जो कि 99 गेम प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा तैयार किया गया था यह गेम विंडोज फोन स्टोर पर निशुल्क उपलब्ध है आमिर खान ने धूम श्रृंखला के फिल्मों का शीर्षक धूम मचाले दो में क्रिकेट के सन्यास ले रहे सचिन तेंदुलकर को समर्पित किया था यह कहना गलत होगा कि धूम सीरीज की तीसरी फिल्म आमिर खान के रंगों से शराबूर है विजय कृष्ण आचार्य की इस फिल्म में आमिर खान छाए हुए हैं और सिर्फ उनका ही जलवा दिखा है एक मामूली कहानी को एक सुपरस्टार पावर के जरिए एक्शन के उस हद तक ले जाया जा सकता है जहां फिल्म शानदार और जानदार फिल्म बन जाती है यह कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म आमिर खान के स्टार पावर की नुमाइश है फिल्म के तकरीबन हर फ्रेम में वे छाए रहते हैं उनके सामने हर कलाकार बौना ही नज़र आता है दूम थ्री की कहानी में जादूगर इकबाल यानी जे के शराब का शिकागो में अपना सर्कस है लेकिन वह ज़्यादा नहीं चलता सर्कस को नीलाम करने की नौबत आ जाती है जादूगर इकबाल को वह आखिरी शानदार कर ही उसके सर्कस को बचा नहीं पाता और वो खुदकुशी कर लेता है उसका बेटा साहिर यानी आमिर खान बदला लेने की ठान लेता है उसका एक ही मकसद है बैंक को तबाह करना और अपना सर्कस वापस शुरू करना इसी के तहत वह बैंक के हर ब्रांच में चोरियाँ शुरू करता है लेकिन साहिर को कोई पकड़ नहीं पाता इसके पीछे एक बड़ा राज है यही राज या रहस्य धूम थ्री की कहानी का ट्विस्ट है एक्टिंग की बात करें तो आमिर ने सबको पछाड़ दिया है उन्होंने एक बार फिर साबित किया है कि उन्हें मिस्टर परफेनिस्ट यू ही नहीं कहा जाता है अभिषेक बच्चन के हिस्से में ज्यादा कुछ दिखाने को नहीं है अभिषेक बच्चन और कैटरीना का अभिनय समान है लेकिन जैकी शराफ की भूमिका शानदार है धूम थ्री का गीत संगीत बेहद साधारण है धूम सीरीज की पहली फिल्म का गीत धूम मचाले बेहद पॉपुलर रहा था लेकिन इस फिल्म का गीत ही नहीं बल्कि टाइटल ट्रैक भी असरदार नहीं है धूमथरी के साथ निर्देशक विजय कढ़ आचार्य ने वापसी की है और इसके पहले बार टसन जैसी फिल्म को निर्देशित कर चुके हैं जो बॉक्स ऑफिस पर औंधे मोगिरी थी लेकिन एक्शन और रोमांच कैटेगरी की श्रेणी में यह फिल्म बेमिसाल है और देखी जानी चाहिए जो खुद को अलग हटकर लाखड़ा करती है धूम थ्री की स्टोरी वही पुरानी है जो चोरी और चेज के सहारे आगे बढ़ती हुई प्लानिंग और स्ट्रेटी के मोड से गुजरती है आमिर एक परफेक्ट ठीप है कटरीना उसका प्यार और साथ है हमेशा की तरह पुलिस ऑफिसर जयदीक्षित यानी अभिषेक बच्चन और उसका साथी अली अनि उदय चोपड़ा है जिन्हें स्मार्ट चोरों को काबू में करने की कोशिश में लगे हैं तो सवाल है कि फिर इस फिल्म में नया देखने लायक क्या है इस सवाल का जवाब पूरे सारे रीजन के साथ दिया जा सकता है पर हम आपको कुछ बता रहे हैं ताकि आप फिल्म जरूर देखें और इस बात को माने कि हमारी इस फिल्म को देखने जाने की एडवाइस कितनी सही थी पहली वजह तो इस फिल्म में वह सब कुछ है जिसके लिए कोई फिल्म लवर एक मूवी देखना चाहता है सच तो यह है कि फिल्म अपने प्रोडक्शन हाउस और फर्स्ट दोनों पार्ट की सक्सेस के कारण ही नहीं एक सेपरेट स्ट्रांग मूवी के तौर पर भी देखने लायक है फिल्म एक बेहतरीन थ्रिलिंग और एंटरटेनिंग एक्सपीरियंस है इसे न देखकर आप अपनी यादों के कलेक्शन में हंड्रेड परसेंट कुछ मिस कर देंगे यशराज बैनर के लिए धूम यकीनन एक ऐसा ब्रांड बन चुका है जिससे बैनर की प्रतिष्ठा जड़ चुकी है यही वजह है बजट के मामले में कुछ ज़्यादा ही कंजूस माना जाने वाला है बैनर धूम सीरीज की हर नई फिल्म हर पिछली फिल्म से ज़्यादा कहीं पैसा लगाता है करीब सौ करोड़ के भारी बरकम बजट में बनी इस फिल्म में ज़बरदस्त एक्शन और ड्रामा तो है ही इसके साथ ही इसमें आपको बेहतरीन विजुअल इफेक्ट भी देखने को मिलेंगे यकीनन धूम थ्री के कई एक्शन सीन हॉलीवुड फिल्मों को टक्कर देने के काम करते हैं इस फिल्म के क्रेज का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने लगने से पहले करीब सात करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई एडवांस बुकिंग के दम पर कर ली थी कुछ साल पहले इसी बैनर के लिए मेगा बजट मल्टी स्टारर स्टार्टन जैसे सुपर फ्लॉप बना चुके डायरेक्टर विजय कृण आचार्य ने लंबे ब्रेक के बाद इस बार पूरा होमवर्क करने के बाद ही इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया एंट्रोल के बाद उदय चोपड़ा और अभिषेक बच्चन के कुछ सीन को नजरअंदाज कर दिया जाए तो तीन घंटे की लंबी अवधि की इस फिल्म में दर्शकों को स्टार्ट टू फिनिश अपनी सीटों के साथ बांधे रखने का दम है यकीन धूम सीरीज के इस फिल्म में आमिर खान की मौजूदगी ही बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म के क्रेज को कई गुना बढ़ाती है इस फिल्म को देखने के बाद लगता है डायरेक्टर विजय भी आमिर के जादू में कुछ ऐसे ही बन से गए हैं कि फिल्म के बाकी बचे तीन अहम किरदारों विजय दीक्षित अली और आलिया के किरदारों को उभरने का ज्यादा मौका नहीं दिया धूम थ्री आमिर खान की फिल्म है इस फिल्म की रिकॉर्ड कामयाबी का सबसे ज्यादा फायदा बैनर और फिल्म के डायरेक्टर के बजाय आमिर खान को ही हुआ था धूमथरी मूवी में दिखाया गया है कि अमेरिका के शिकागो में इकबाल हारून खान हारुन खानी जैकि की ग्रेट सर्कस कंपनी है पिछले कुछ सालों से लगातार घाटे की वजह से इकबाल की सर्कस कंपनी बंद होने की कगार पर पहुंच चुकी है कुछ साल पहले इकबाल ने शहर के जिस प्रतिष्ठित बैंक से मोटा कर्ज लिया था वह बैंक अपने कर्ज वसूलने के लिए सर्कस कंपनी को नीलाम करना चाहता है बैंक सर्कस को नीलाम करे इससे पहले इकबाल परेशान होकर अपने बेटे साहिर खान की आंखों के सामने खुद को गोली मार लेता है इस घटना को अब कई साल गुजर चुके हैं लेकिन आज भी साहिर अपने पापा की मौत नहीं भुला पाया है। साहिर अपने पापा खुदकुशी के लिए बैंक और उसके आला अफसरों को जिम्मेदार मानता है। साहिर का मिशन बैंक को मोटा नुकसान पहुंचाना और इसके आला अफसरों से बदला लेना है साहिर ने बचपन में पापा से जादू और जिम्नास्टिक की ट्रेनिंग ली थी एक बार फिर शिकागो पहुँच साहिर उसी बैंक की अलग अलग शाखाओं को लुटता रहता है जिस बैंक की वजह से उसके पापा ने खुदकुशी की थी शहर बैंक से लूट की रकम का बड़ा हिस्सा लोगों में बांट देता है शहर बैंक को लूटने में पापा से सीखी ट्रिक्स का सहारा लेकर हर बार पुलिस को चकमा देता है शिकागो की पुलिस जब शहर को पकड़ नहीं पाती तब हार कर भारतीय पुलिस की मदद लेती है इसकी खास वजह शहर द्वारा हर बैंक लूटने के बाद हिंदी में एक खास मैसेज लिखा जाना है भारत से जयदीचेद अभिषेक बच्चन और अली अनुदय चोपड़ा को शिकागो भेजा जाता है विजय के काम करने का अंदाज अलग है विजय शिकागो आते ही साहिर को टीवी चैनलों के जरिए बैंक की किसी ब्रांच को लूटने का चैलेंज देता है साहिर इस चैलेंज के बाद खुद को जय के पास पहुंचाता है इसी बीच जय को पता चलता है कि साहिर ही वह चोर है जिसे पकड़ने के लिए वह अली के साथ यहाँ आया है आलिया ने कैटरीना कैफ साहिर की सर्कस टीम में होती है साहिर को रंगे हाथ पकड़ने के लिए विजय दीक्षित एक प्लान बनाता है साहिर कुछ ऐसा करता है जिसकी वजह से विजय का प्लान उसी पर भारी पड़ता है शिकागो पुलिस और बैंक के अफसर इस केस से विजय को हटा देते हैं आमिर खान की बात की जाए तो धूमथ्री उनकी सबसे फिल्मों में से एक कही जाएगी पूरी फिल्म में आमिर का हर बार एक नया लुक देखने को मिलता है यकीन आमिर ने इस फिल्म के लिए बेहद मेहनत की है जिसका रिजल्ट भी पर्दे पर दिखता है आमिर के एक्शन स्टंट और इमोशन सीन खूब बन पड़े हैं अभिषेक बच्चन एक बार फिर वैसे ही सपाट चेहरे के साथ नजर आए जैसा कि इस सीरीज की पिछली फिल्मों में वह दिख चुके हैं उदय चोपड़ा की क्या बात करें आदित्य ने उनके लिए जो तरस फिल्म में रखे उनसे ज्यादा अच्छे लगे हैं शराब का किरदार बेशक छोटा है लेकिन उनकी एक्टिंग बेहतरीन है विजय कृष्णाचार का डायरेक्शन एक्शन रोमांच के साथ दर्शकों को कहानी के साथ पूरी तरह से बांधने में कामयाब है टशन के बाद इस बार उन्होंने ऐसी फिल्म बनाई है जो सिंगल स्क्रीन से मल्टीप्लेक्स तक हर क्लास की कसौटी पर काफी हद तक खरी उतरने का दम रखती है आमिर खान द्वारा अपने बैटमैन

धूम थ्री फिल्म में भी चोर पुलिस की कहानी दिखाई गई है पर आमिर खान के पहली बार किसी फिल्म में चोर का रोल निभाने से इस फिल्म को नई पहचान मिल गई है आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित धूम सीरीज़ की तीसरी फिल्म में आमिर कैटरीना कैब अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा मुख्य किरदार में हैं धूम फिल्म में साहिर ने आमिर खान एक चोर है जो कि जोकर के बेस में चोरी करता है जय दीक्षित ने अभिषेक बच्चन और उसका साथी अली अकबर यानी उदय चोपड़ा चोर को पकड़ने के लिए तमाम कोशिशें करते हैं फिर शुरू होता है जय दीक्षित तो और साहिर के बीच चोर पुलिस का खेल इस खेल में आलिया ने कैटरना कैप साहिर का साथ देती है वैसे तो फिल्म धूम थ्री की कहानी पुरानी ही है पर निर्देशक विजय कृष्ण आचार्य ने इसे जिस एक्शन सीन के साथ निर्देशित किया है वो सच में तारीफ योग्य है आमिर खान को फिट बॉडी के साथ एक्शन सीन करते हुए देखना काबिल तारीफ है धूमथरी फिल्म में सिर्फ दो हीरो हैं एक आमिर खान और दूसरा बाइक्स इस पूरी फिल्म को सफल बनाने का भार सिर्फ़ और सिर्फ आमिर खान के कंधे पर ही है और इस बात को बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सका कि इस ढाई घंटे तक वो इस काम के लिए पूरी कोशिश करते हैं आमिर के अलावा फिल्म में कई बेहतरीन स्टंट भी हैं शानदार गाड़ियों के साथ लोगों ने जो उम्मीद लगाई थी वो इस फिल्म में पूरी भी हुई है ख़ास बात यह है कि इस फिल्म में दिखाई गई कई बाइक्स आपने अब तक किसी बॉलीवुड फिल्म में नहीं देखी होगी फिल्म में कई ट्विस्ट हैं और साथ ही आपको एक माइंड ब्लैंग इंट्रोल भी मिलेगा क्लाइमैक्स आपको निराश कर सकता है और ये ऐसा है जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की होगी फिल्म में दिखाई गई मैजिक ट्रिक शानदार है सर्कस के सीन काफी अपीलिंग है और हाँ चोरी भी काफी आकर्षक है इस फिल्म में चोरी भी ऐसी दिखाई गई है जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी हीरो का पार्ट पहले से सेट है और फिल्म में कोई लीड एक्ट्रेस नहीं है ऐसा लगता है कि यसराज ने कैटरीना कैफ को सिर्फ तीन गानों तीन डायलॉग्स और एक छोटे से किस के लिए ही साइन किया था हाँ एक बात ज़रूर है कि अपनी डांस परफॉर्मेंस से कैटरीना ने खुद को इंडस्ट्री का लेडी ऋतिक रोशन जरूर साबित कर दिया है अब धूम फ्रेंचाइजी की कोई भी फिल्म हार्ट गर्ल के बिना तो अधूरी है ऐसे में कैट को लेने का कारण साफ समझ में आता है अभिषेक बच्चन भले ही किसी छत पर खड़े होकर ये चिल्ला ले कि वो फिल्म के हीरो हैं लेकिन असल में वह नहीं हैं वो तो अपना रोल ही बहुत मुश्किल से कर पाए हैं वैसे हाँ फिल्म को देखने के बाद इससे पहले कि आप आमिर के लिए खड़े होकर ताले बजाएँ एक बार उदय चोपड़ा के लिए दो मिनट का मौन जरूर रख लें वैसे अगर इस फिल्म में तीसरा कोई हीरोइन या हीरो या हीरो या है तो वो बी है जिसके सपोर्ट से फिल्म बेहतर बनी ना कि पुलिस वालों की वजह से धूमथरी में कई ऐसी चीज़ें हैं जो लीक से हटकर फिल्माई गई हैं आमिर के पिता जैकी के एक जादूगर होते हैं जो द ग्रेट इंडियन सर्कस के मालिक होते हैं और सुसाइड कर लेते हैं वो शिकागो के एक बैंक से लिया हुआ लोन वापस नहीं कर पाते हैं और उन्हें बैंक वाले धमकाते हैं कि वो उनके सर्कस को नीलाम कर देंगे आमिर के पिता इस दबाव को सह नहीं पाते और बेटा पिता की मौत भूल नहीं पाता इसके बाद से ही कहानी शुरू होती है कि कैसे वो बेटा एक चोर कम जादूगर बनता है और बैंक से बदला लेता है फिल्म के आमिर के दो डायलॉग हैं जो वाकई सुनने लायक हैं पहला बंदे हैं हम उसके हम पे किसका जोर उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर इरादे हैं फौलादी हिम्मती हर कदम अपने हाथों किस्मत लिखने आ चले हैं हम यही वो डायलॉग है जो पूरी फिल्म को बांधे रखता है इसके अलावा एक दूसरा डायलॉग है जो आमिर खान से कहते हैं तुम्हारे पास पाँच मिनट हैं एक सेकंड के लिए भी मेरी नज़र तुमसे नहीं हटनी चाहिए अगर अभिषेक के नीरज ने उदय चोपड़ा के बेवकूफ़ चुटक पुरानी सी स्क्रिप्ट और निराशनक एडिटिंग के अलावा फिल्म में कुछ है तो वो आमिर खान ही हैं उनके स्टंट के समय तो आप पलके भी नहीं झपका सकते और इसका पूरा क्रेडिट आमिर को ही जाता है अगर दर्शक हैट पहनकर फिल्म देख रहा है तो हैट्स आप करके ही थिएटर से बाहर निकलेगा वाकई ये साल आमिर खान ने धूम के साथ ही ख़त्म किया था और हाँ थ्री का टाइटल भी गलत नहीं है क्योंकि आमिर की एक्टिंग इतने गुना बेहतर थी वैसे ऋतिक रोशन के लिए भी एक सुझाव है कि क्रेस फोर के बारे में सोचने से पहले एक बार फिल्म जरूर देख लें धूम बाइक्स और चोरी की फिल्म थी धूम टू चोरी डांस और रोमांस की फिल्म थी और अब धूम थ्री आमिर खान की फिल्म है आपको ये नहीं देखने को मिलेगा कि कैसे आमिर खान ने बैंक लूटा आप ये भी नहीं देख पाएंगे कि आमिर कैसे बैंक लूट रहे हैं आप पूरी तरह क्लैश रहेंगे कि फिल्म में अभिषेक बच्चन और शिकागो पुलिस रहती है आप इस फिल्म से धूम टू के जैसे स्टंट की अपेक्षा मत करिए अगर आप धूम थ्री से हॉलीवुड जैसे एक्शन की उम्मीद पाल रहे हैं तो आप गलत हैं फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो फिल्म से बॉलीवुड पुट को दूर नहीं कर पाती जैसे कि फिल्म में हीरोइन के लिए करने के लिए कुछ नहीं है बिलन के अलावा पूरी दुनिया परफेक्ट है वगैरह वगैरह बाकी फिल्म छुट्टियों के दिनों में रिलीज हुई थी धूम फ्रेंचाइजी की है और आमिर खान ने शानदार एक्टिंग की है ऐसे में फिल्म का चलना तो तय था सुपर बाइस का क्रेज़ सिर्फ भारतीय राइडर्स को नहीं बल्कि हिंदुस्तानी और विदेशी फिल्मों में भी खूब देखने को मिलता है फिल्म के हीरो को और ज्यादा स्टाइलिश दिखाने के लिए बीते दशकों में सुपर बाइक्स का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है बी की सुपर बाइक भी इसी सूची में शामिल है अगर आपने आमिर खान वाली धूम थ्री देखी है तो यकीन आपको यह बाइक पसंद आई होगी जिस पर आमिर हैरत अंगेज स्टंट करते हुए दिखते हैं इस फिल्म के बाद भारत में भी राइडर्स के बीच इस बाइक का क्रेज और तेज हो गया आमिर खान ने फिल्म में जिस बाइक का इस्तेमाल किया था वो बी के थर्टीन आर मॉडल की थी ड्यूल हैंड लैप वाली यह बाइक सच में काफी खूबसूरत है बी एम मोटार्ड की नेक्स्ट क्लास बाइक को साल दो में लॉन्च किया गया था आपको बता दें कि इस बाइक ने कंपनी की के को रिप्लेस किया था इस सुपर बाइक में 1293 नाइनटी थ्री सी सी एन लाइन फोर ई एव एंटी नाक सेंसर वाला पावरफुल इंजन लगा है यह इंजन 173 सेवेंटी थ्री एच पी पावर नाइन थाउजेंड ट्वेंटी हंड्रेड फिफ्टी आर पर जनरेट करता है और एट थाउजेंड ट्वेंटी हंड्रेड फिफ्टी आर पर वन हंड्रेड फोर्टी एन टी एम नाट देता है इसके एग्जॉस्ट सिस्टम को कुछ बटरफ्लाई स्टाइल में डिज़ाइन किया गया है ताकि टायर को बेहतर बनाया जा सके इस बाइक में सिक्स स्पीड बॉक्स दिया गया है इस बाइक्स में सेवेंटीन इंच के टायर्स का इस्तेमाल किया गया है अगर स्पीड की बात करें तो धूम थ्री में इस बाइक की जितनी तेज स्पीड बताई गई है उतनी ही है बी एम डब्ल्यू के थर्टीन हंड्रेड आर की टॉप स्पीड 260 किलोमीटर पर घंटे के करीब है रफ्तार का अंदाजा केवल इस बात से लगाया जा सकता है कि इस बाइक को 0 टू 100 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार पहुंचने में केवल टू पॉइंट लगते हैं इस बाइक में 19 लीटर का प्योल टैंक है जिसकी रिचर्ज कैपेसिटी 4 लीटर है माइलेज 17 किलोमीटर पर लीटर का है एक बार टैंक फुल करने पर यह बाइक थ्री किलोमीटर का सफर तय करने में सक्षम है इस बाइक की कीमत पच्चीस लाख रुपए है फिलहाल बी की यह सुपर बाइक मार्केट में नहीं है इसे साल दो में डिसकन्टिन्यू कर दिया गया था यह बाइक कंपनी की सबसे पावरफुल वाली बाइक कही जा सकती है इस सुपर बाइक को यस वन थाउजेंड आर से रिप्लेस किया गया है इसकी कीमत ट्वेंटी टू टु एट थ्री लाख रुपए है यस वन हंड्रेड आर को धूमथ्री में ही जय दच्छित बने अभिषेक बच्चन और अली और भुदय चोपड़ा को राइड करते हुए दिखाया गया था धूम सीरीज की महत्वपूर्ण कड़ी है जय और अली इस बार वे चोर को पकड़ने के लिए शिकागो जाते हैं चूँकि चोर चोरी करने के बाद हिंदी में संदेश छोड़ता है बैंक वालों तेरी ऐसी की तैसी शायद इसलिए भारत से जय और अली को उन्हें पकड़ने के लिए बुलाया जाता है मज़ेदार तथ्य के विशेष दायित्व निभाते समय चोर को पकड़ने में असफल रहते हैं फिर बाकी हिंदी फिल्मों की तरह दायित्व से मुक्त होने के बाद उनका दिमाग तेज चलता है और वे चोर को घेर लेते हैं लेकिन इस बार भी चोर उन्हें चकमा देकर निकल जाता है जय और अली के रूप में अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा हैं तारीफ़ करनी होगी कि पहली धूम से लेकर अभी तक उनकी समान रूपता बनी हुई है वो जरा भी नहीं बदले हैं धूम सीरीज में चोर को ज़्यादा स्मार्ट और रोचक बनाने के लिए उनको भोंदू दिखना ज़रूरी होता है इस बार स्मार्ट चोर आमिर खान है जॉन अब्राहम और ऋतिक रोशन के बाद धूम धूमथ्री में आए आमिर खान को छबीली कैटरीना कैब का साथ मिला है दोनों के बीच स्टेज पर केमिस्ट्री दिखती है खासकर डांस और सर्कस के कर्तबों में उनकी जोड़ी प्रभावशाली है कर्तब और डांस में निर्देशक और संबंधित तकनीसियों ने भी काफी मेहनत की है आमिर खान और कैटरीना कैब भी अपनी तरफ से कसर नहीं रहने देते इसके अलावा आमिर खान की है बाइक ड्राइविंग है बाइक और चेस धूम सीरीज का खास बात है धूम धूमथरी में भी इनका भरपूर इस्तेमाल हुआ है मुख्य रूप से तीन चेज़ हैं जिनमें हमेशा की तरह चोर कामयाब रहता है चोर बने साहिर के पास अत्याधुनिक बाइक है जो हवा में कुलाचे भरती है और जरूरत पड़ने पर मोटर बोट भी बन जाती है धूम धूमथरी तकनीकी स्तर पर प्रभावित करती है एक्शन भी जोरदार है लंबे समय के बाद आमिर खान एक्शन दृश्यों में नजर आए हैं जॉन अब्राहम और ऋतिक रोशन की तरह उन्हें भी बेहद दृष्ट देखनी पड़ी है आमिर खान ने मेहनत की है लेकिन उनके पास उनके जैसा आकर्षक शरीर स्वस्थों नहीं है इमोशनल दृश्यों को आमिर खान अच्छी तरह निभा जाते हैं कटरीना कैब की चपलता आकर्षक है उनके डांस में स्फूर्ति गति और लयात्मकता है उनसे नजर नहीं हटती भाव प्रदर्शन और संवाद अदायगी में वह पिछड़ जाती है धूम थ्री में भी यही हुआ है जब तक वह डांस और करतब करती हैं तब तक बहुत प्रभावशाली लगती है बाकी दृश्यों में वह आमिर खान का साथ नहीं दे पाती हैं वैसे लेखक निर्देशक ने कम नाटकीय दृश्य लेकर उनकी कमी छिपाने की अच्छी कोशिश की है विजय कृष्ण चार ने धूमथिरी के लंबे दृश्य रखे हैं फिल्म थोड़ी लंबी हो गई है शिकागो शहर का सिटी स्कोप इस फिल्म में दिखाई देता है शहर की खूबसूरती और भव्यता भी फिल्म में प्रभाव में सहायक बनती है सर्कस के करतब और डांस परफॉर्मेंस के लिए बने शट आकर्षक है टाइप डांस में आमिर खान का कौशल नजर आता है पता चलता है कि अभ्यास और कगता से कलाकार नए कौशल सीख सकते हैं धूम सीरीज अपने गीत संगीत के लिए भी लोकप्रिय हैं धूमथ्री का गीत संगीत उसी प्रवाह में है कुछ गीतों का फिल्मांकन नयाना भिरामी है लेकिन कुछ गीत अनावश्यक भी लगते हैं सुदीप चटर्जी के खूबसूरत छायांकन से दृश्य प्रदृश सुहावने लगते हैं धूम थ्री फिल्म में आमिर खान अपने कैरियर में दूसरी बार नेगेटिव रोल कर रहे थे इसके पहले आमिर खान ने उन्नीस अर्थ फिल्म में नेगेटिव किरदार निभाया ने था यह फिल्म चली नहीं थी धूम थ्री भारत की ऐसी फिल्म बन गई है जिसके लीड किरदार हर बार उसी नाम के साथ हैं और एक ही कलाकार ने यह रोल निभाया है यह रोल तीनों ही फिल्मों में अभिषेक बच्चन और दे चोपड़ा ने निभाया है धूम थ्री की शूटिंग में हॉलीवुड के कई तकनीकी जानकारों की मदद ली गई है खासकर बाइक रेसिंग और दीवारों पर दौड़ने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल ज़्यादा किया गया है धूम थ्री की शूटिंग के दौरान फिल्म के लीड किरदार आमिर खान को गहरी चोट लगते लगते बची थी जिस तार को पकड़कर वह बिल्डिंग में चढ़ रहे थे वह तार अचानक टूट गया गनीमत थी कि एक सपोर्ट वायर बगल में ही मौजूद था धूम थ्री फिल्म रिलीज से पहले ही विवादों में फंस गई थी फिल्म के एक गाने मलंग मलंग पर एक खास समुदाय को आपत्ति थी हालांकि यह मामला इतना बड़ा नहीं था कि इसके लिए फिल्म की रिलीज टालनी पड़े फिल्म के टाइटल सॉन्ग धूम मचाले को भव्य तरीके से फिल्माने के लिए फिल्म के निर्माता आदित्य चोपड़ा ने पाँच करोड़ रुपये खर्च किए थे पाँच करोड़ में कई छोटे बजट की फिल्में बन जाती हैं धूम थ्री में लीड कौन है इस बात को लेकर भी फिल्म के पहले विवाद हुआ था इस फिल्म में जुड़े कई कार्यक्रमों में फिल्म के हीरो अभिषेक बच्चन की उपेक्षा की गई तो उन्हें कहना पड़ा कि फिल्म का हीरो मैं हूँ और हर बार की तरह जीतता हीरो ही है धूम उन फिल्मों में से है जिन्होंने बॉलीवुड में स्वकल फिल्मों के लिए मजबूत धरातल तैयार किया इस सीरीज की हर फिल्म के साथ भव्यता और एक्शन की जबरदस्त बहार आती गई इस बार भी कुछ ऐसा ही किया गया था आमिर खान और कैटरीना कैब को सरप्राइज़ पैकेज के तौर पर इस्तेमाल किया गया है कैटरीना कैब के लिए फिल्म में करने के लिए कुछ खास नहीं है ग्लैमर के तौर पर उन्हें लाया गया है लेकिन इस्तेमाल नहीं किया गया फिल्म ठेठ हिंदी सिनेमा प्रेमियों के लिए किसी जश्न से कम नहीं है हर बार की तरह टेक्नोलॉजी गैजेट्स बाइक्स और एक्शन इस बार भी हैं सब हाई क्वालिटी है लेकिन कहानी पूरी तरह बचकानी है जे की शराब द इंडियन सर्कस चलाते हैं वह काफ़ी उधार ले लेते हैं और वह इससे चुका नहीं पाते आत्महत्या कर लेते हैं उसके बाद उसका बेटा साहिर यानी आमिर ख़ान अपनी उस सर्कस को दोबारा से शुरू करने का जिम्मा लेता है और चोरियां शुरू कर देता है इसमें उसका साथ देती है आलिया यानी कैटरीना कैब बस हर बार की तरह जयनी अभिषेक बच्चन और अली उदय चोपड़ा चोरियों को रोकने के लिए आ जाते हैं वैसे ही से शुरू होता है धूम धड़ाका हालांकि कहानी के कई लोच हैं तीन घंटे की फिल्म है जो बात नहीं पछती हुआ यह कि शिकागो पुलिस नाकाम है और मुंबई पुलिस को बुलाया जाता है और उसके दो पुलिस अफसर अपने जौहर विदेश में दिखाते हैं इस तरह की कई बातें जो गले नहीं उतरती हैं आमिर खान की फिल्म मानकर तो कतई मत देखिएगा क्योंकि यह आमिर छाप फिल्मों से एकदम जुदा है इसमें कोई कहानी नहीं है थ्रिल नहीं है कहानी के मामले में आमिर की सबसे कमज़ोर फिल्मों में से एक कही जा सकती है आमिर खान नेगेटिव किरदार में नहीं जमते हैं कहानी पूरी तरह से खामियों से भरी हुई है आमिर खान के साथ कहीं कहीं, कहीं कैटरीना की जोड़ी आंखों को बहुत अच्छी नहीं लगती है कैटरीना को जितना मौका मिला उन्होंने अपना बेस्ट किया है अभिषेक बच्चन जय के किरदार में पहले जैसे ही हैं अली के किरदार में उदय जमे हैं और वह फिल्म में हंसाने का काम करते हैं फिल्म का बजट सौ करोड़ रुपये से ज़्यादा है फिल्म की शुरुआत मिस्टर यानी ऋतिक रोशन के ब्रिटिश रानी के मुकुट चोरी करने से होती है नई उन्नत मिलने पर अफसर अली यानि उदय चोपड़ा और जय दीक्षित यानी अभिषेक बच्चन सोनाली बोस यानी पशु से मिलते हैं और जो जय की अच्छी दोस्त भी है शुरुआती छानबीन से जय को पता चलता है कि मिस्टर ए मुंबई में अगली चोरी करेगा और शहर में स्थित किसी दो संग्रहालयों में चोरी हो गई तभी दीक्षित को पता चलता है कि वह जिस संग्रहालय की तभी दीक्षित को पता चलता है कि वह जिस संग्रहालय की निगरानी कर रहा है वह गलत है और वह तुरंत दूसरे संग्रहालय की ओर दौड़ता है जहाँ मिस्टर ए बेस बदलकर हीरा चुरा फरार हो जाता है टेलीविज़न पर मिस्टर ए पुलिस को उसे पकड़ने के लिए उकसाता है और उन्हें अपनी अगली चोरी की जगह बताता है परिणाम स्वरूप दीक्षित बोस और खान एक तलवार रखे गए किले पर सख्त पहरा बिठाते हैं रात को मिस्टर ए अपने बहरूपियों से मिलता है जहाँ तलवार रखी होती है पुलिस को खबर लग जाती है पर दोनों तलवार छुराकर भागने में कामयाब होते हैं बहरूपिया आखिर में सुनहरी यानी अशर राय निकलती है जो मिस्टर ए को अपना आदर्श मानती है और वे दोनों साझेदारी बना लेते हैं रियो डी जेनेरियो में मिस्टर ए और सुनहरी अपनी अगली चोरी की योजना बनाते हैं सूचना के मुताबिक दीक्षित और अली अभी शहर में आज पहुंचते हैं वक्त चलते सुनहरी और मिस्टर ए में प्यार हो जाता है और मिस्टर ए उसे अपना असली नाम आर्यन बता देता है परंतु आर्यन को पता चल जाता है कि सुनहरी जासूस है जो जय के लिए काम कर रही है वह उसे खेल में खुद को गोली मारने के लिए कहता है पर वह उसे नहीं मार पाती और अपना प्यार कबूल करती है रियो में दूसरी ओर अली को मुनाली यानी बिपासा बसु सुनाली की जुड़वा बहन से प्यार हो जाता है अपनी आखिरी चोरी में आर्यन और सुनहरी सोने के सिक्के चुरा लेते हैं और सुनहरी खुलासा करते हैं कि वह जय के लिए काम नहीं करना चाहती जिससे जय और अली उनके पीछे लग जाते हैं एक लंबे समय तक पीछा करने के बाद सभी एक झरने के पास पहुंच जाते हैं जहां सुनहरी को अली पकड़ लेता है सुनहरी अपनी भावनाएँ आर्यन को बताने के बावजूद उसे गोली मार देती है और वह झरने से नीचे गिर जाता है आर्यन के गिरने के बाद जय सुनहरी को आजाद कर देता है छह महीने बाद खुलासा किया जाता है कि आर्यन अब भी जिंदा है और सुनहरी के साथ मिलकर उसने एक रेस्तरा खोल लिया है जब आर्यन और सुनहरी को उसके रेस्तरा में आकर मिलता है और उन्हें बताता है कि उनके गुनाहों के बावजूद वह उन्हें नहीं पकड़ेगा आर्यन उसे बताता है कि सारे चुराई हुई वस्तियाँ कहाँ मिलेंगी जय को दोनों के प्यार के बारे में पता चलता है पर वह उन्हें आगाह करता है कि अगर दोबारा चोरी की तो फिर से वह पीछे आ जाएगा इस फिल्म को सन 2006 हजार छः में फिल्मफेयर सबसे अभिनेता पुरस्कार के लिए ऋतिक रोशन को पुरस्कार मिला था आदित्य चोपड़ा की फिल्म धूम टू को रिलीज हुए 15 साल से भी ज्यादा वक्त हो चुका है बता दें कि यह फिल्म साल बता दें कि यह फिल्म साल 24 नवंबर 2006 को रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर जमकर सफलता कमाई थी माना जाता है कि फिल्म ने करीब एक करोड़ तक का कारोबार किया था और इसमें ऋतिक रोशन ऐश्वर्या राय अभिषेक बच्चन उदय चोपड़ा और बिपाशा बसु लीड रोल में थे बता दें कि यशराज फिल्म्स के बैनर तले इस फिल्म के ज्यादातर हिस्सों की शूटिंग ब्राजील में की गई थी फिल्म तो अपनी कहानी की वजह से हिट हुई ही थी लेकिन ऋतिक रोशन ऐश्वर्या ऐश्वर्या के के बीच किस सीन सीन भी बेहद धमाकेदार रहा था इस सीन को करने के बाद जहां राय की वजह से जमकर बवाल हुआ था क्योंकि यह पहला मौका था जब एक्ट्रेस ने बड़े पर्दे पर यह किया था फिल्म में ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय के बीच कुछ मिनट का किस सीन था यह पहला मौका था जब ऐश्वर्या राय ने स्क्रीन पर किसिंग सीन दिया था इसके बाद यह सीन बी टाउन की सुर्खियों में आ गया बता दें कि ये फिल्म की शूटिंग तब हुई थी जब एस और अभिषेक बच्चन की सगाई हो चुकी थी इसलिए बच्चन फैमिली भी इस सीन को लेकर नाराज़ थी और बाद में फ़िल्म से ये सीन हटा दिए गए थे इतनी ही नहीं ऐश्वर्या राय के एक इंटरव्यू में बताया गया था कि वह इस सीन को करने के बाद पछड़े में फंस गई और कई लोगों ने उन्हें लीगल नोटिस तक भेज दिए थे ऐश्वर्या ने एक फैशन मैगनीस को दिए इंटरव्यू में बताया था कि उन सीन की वजह से उन्हें क्या झेलना पड़ा था उन्होंने कहा था कि वे हॉलीवुड की कई स्क्रिप्ट इसलिए मना कर चुकी हैं क्योंकि वे पर्दे पर फिजिकल सीन्स करने में कम्फर्टेबल नहीं रहती धूम टू दो हजार छह में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है या धूम श्रृंखला की दूसरी फिल्म है जिसका निर्देशन संजय गढ़वी ने किया है और निर्माण आदित्य चोपड़ा और यश चोपड़ा द्वारा किया गया है फिल्म में अभिषेक बच्चन उदय चोपड़ा जय दीक्षित और अली मुख्य भूमिका में हैं और एक चोर मिस्टर ए अनि ऋतिक रोशन को पकड़ने की कोशिश करते हैं जो कई बेसकीमती वस्तुएं अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करके चुराता है इस फिल्म की लागत थी 35 करोड़ रुपए और इसकी कुल कमाई हुई थी 150 करोड़ रुपए धूम भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन संजय गांधी और निर्माण आदित्य चोपड़ा ने किया है इस फिल्म में अभिषेक बच्चन जॉन अब्राहम उदय चोपड़ा और ईशा देवल मुख्य किरदार में है इस फिल्म को 27 अगस्त 2004 में सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया गया था धूम मूवी की कहानी की शुरुआत मुंबई में होती है जब एक मोटर चलाने वाला गैंग शहर के बैंक और अन्य जगहों से पैसे चुराना शुरू कर देता है ए सी पे जय दीक्षित ने अभिषेक बच्चन को इस मामले की छानबीन करने का काम दिया जाता है वो इस ग्रोह के लोगों को पकड़ने के लिए एक चोरी की बाइक बेचने और चलाने वाले अली खान ने उदय चोपड़ा से मिलता है और उसकी मदद से उस ग्रोह के लोगों को पकड़ने का प्लान बनाता है वो असफल हो जाता है इस गिरोह का लीडर कबीर यानी जॉन अब्राहम उससे कहता है कि वह उसके सामने भी रहेगा तो भी वह उसे पकड़ नहीं पाएगा और ऐसा होता भी है एक और चोरी होती है जिसमें जय और अली को पहले से पता होता है कि चोरी कहाँ होने वाली है पर वे लोग कुछ नहीं कर पाते हालांकि जय की गोली से उस गृह का एक सदस्य मारा जाता है पर वे लोग एक बार और असफल हो जाते हैं इस असफलता के कारण जय को अली के ऊपर गुस्सा आ जाता है और उन दोनों की बहस आगे मारपीट का रूप ले लेती है जिसके बाद अली उसे छोड़कर चला जाता है रोहित जो जय की गोली का शिकार हो जाता है उसके जगह कबीर अब अली को लाने की सोचता है और उसे मिलकर अपने गिरोह में आने का न्यौता देता है अली मान जाता है और गिरोह से जुड़ने के बाद उसकी एक सीना यानी ईसा देवल से अली को प्यार हो जाता है कबीर अब भारत के सबसे बड़े कसीनों को लौटने का प्लान बनाता है जिसके बाद उन्हें कभी और चोरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वह एक चोरी नए वर्ष के दिन करने का प्लान बनाता है वो लोग उस कसिनों में अलग अलग रूप में आ जाते हैं और जल्द ही कबीर को एहसास हो जाता है कि यह जय का बुना हुआ जाल है उन्हें भी ये पता चलता है कि अली अब भी जय के लिए ही काम कर रहा है कबीर किसी तरह से जय की कैश से भागने में सफल हो जाता है और अपने गिरोह के साथ अपने गिरोह के ट्रक तक आ जाता है वहाँ अली किसी तरह सिना को बंधक बनाए रखता है उसे ऐसा लगते रहता है कि उसके बाकी गिरोह के लोग पकड़े गए हैं पर वही कबीर को देखकर उसके तोते उड़ जाते हैं कबीर आते साथ अली को मारने लगता है कि तभी जय आ जाता है और उसकी जान बचा लेता है सिन्हा को छोड़कर गिरोह के सभी लोग भागने लगते हैं जय और अली मिलकर उनका पीछा करते हैं और कबीर को छोड़कर गिरोह के सभी लोग मारे जाते हैं अंत में कबीर को जय और अली घेर लेते हैं वहीं और जाने का रास्ता नहीं होने के कारण कबीर अपनी बाइक को नदी की ओर ले जाता है और बाइक के साथ नदी में गिर जाता है इसके बाद जय और अली एक दूसरे से बात करते रहते हैं और फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है इस फिल्म का गीत बहुत ही पसंद किया गया था खासकर धूम मचाले गीत इसका बैकग्राउंड म्यूजिक भी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया था कुछ लोगों के फोन का रिंगटोंग धूम फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक था धूम एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म श्रृंखला है फिल्म एसीपी जय दीक्षित एक सहायक पुलिस आयुक्त और उसके साइड किक अली अकबर फतेह खान के इर्द गिर्द घूमती है जो पेशेवर चोरों को पकड़ते हैं एक आम व्यवहार में कथानक अक्सर विरोधी से बहुत प्रभावित होता है बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में यह बॉलीवुड की दूसरी सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी है श्रृंखला धूम थ्री की नवीनतम किस्त ने दुनिया भर में 550 करोड़ से अधिक कमाई की जो हिंदी सिनेमा के इतिहास में चौथी सबसे बड़ी कमाई करने वाली फिल्म है 2016 तक धूम भारतीय सिनेमा में पांचवी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म फ्रेंचाइजी है इस श्रृंखला की पहली फिल्म थी धूम जो कि 2004 में आई थी इसमें बाइकर्स का एक राहस में ग्रोह लिटोरा की होड़ में है एसी जय को मामले में सहायता करने के लिए एक मैकेनिक अली मिलता है घड़ी की टिक टिक के साथ यह उनके ऊपर है कि चोरों को रंगे हाथ पकड़ ले इस श्रृंखला में दूसरी फिल्म थी ढूम टू जो कि 2006 में आई थी इसमें जय और अली लौटते हैं इस बार एक अंतर्राष्ट्रीय चोर की निशानदेही पर जिसने अमूल्य कलाकृतियों की चोरी की और मुंबई को अपना अलग लक्ष्य चुना इस श्रृंखला में तीसरी फिल्म थी धूम थ्री जो कि 2013 में आई थी इसमें जब जादू और कलाबाजी में प्रदर्शित सर्कस का मनोरंजन करने वाले साहिर शिकागो में एक भ्रष्ट बैंक को गिराने के लिए चोर बन जाते हैं जिसने उनके पिता को बर्बाद कर दिया था तो भारतीय अधिकारी जय और अली को उसे पकड़ने के लिए बुलाया जाता है धूम मूवी का बजट था वन मिलियन और इसकी कुल कमाई हुई थी सिक्स मिलियन का बजट था हंड्रेड फिफ्टी मिलियन इसकी बजट था और, इसकी कुल कमाई और तीनों की कमाई बनते है फिल्म का शहरी भारतीय युवाओं के बीच महत्वपूर्ण संस्कृत प्रभाव पड़ा यह सड़कों पर दौड़ बाइक से होने वाली चोरी और सार्वजनिक सड़कों पर स्टंट करने की घटनाओं में वृद्ध के लिए दोषी ठहराया गया था इसके अतिरिक्त एनओ टिकट के अलावा इसके अतिरिक्त एन ओ एस किट के अलावा फ्री पिलो एंगास सिस्टम से लेकर अपनी बाइक्स में संशोधन के लिए युवाओं के साथ बाइक मॉडिफाई सीन के लिए भी एक नई नीति थी केरल के मलम्पुरम जिला में अपराधियों के एक समूह के चार सदस्यों ने तीस दिसंबर दो को दक्षिण मालाबार ग्रामीण बैंक में फर्श तोड़कर टू मिलियन और अस्सी किलोग्राम सोना लूटा था जिसकी कुल कीमत अस्सी मिलियन बताई गई थी केरल के अपराध रिकॉर्ड में सबसे बड़ी चोरी में से एक थी केरल पुलिस ने इस संबंध में चार लोगों को गिरफ्तार किया था और नेता ने स्वीकार किया कि वह धूम से प्रेरित था भारत में मीडिया ने धूम टू को समानताए दी इसमें दो राय नहीं है कि यशराज फिल्म्स ने अपने बैनर तले एक नहीं कई सुपरहिट फिल्मों का निर्माण किया है जिसमें धूम भी शामिल है धूम बॉलीवुड की सबसे मशहूर और हिट फ्रेंचाइजी फिल्म है फिल्म की कहानी किरदार और गाने को लोगों ने काफ़ी पसंद किया था धूम फिल्म की रिलीज़ को 16 साल से ज़्यादा वक्त हो चुका है धूम फिल्म के 16 साल पूरे होने पर इसके स्क्रीन प्ले लिखने वाले विजय कृष्ण आचार्य ने फिल्म से जुड़ी कुछ बातें बताई थी विजय कृष्ण आचार्य ने फिल्म के 16 साल पूरे होने पर बताया कि उनको पहले से ही इस बात का विश्वास था कि ये एक मनोरंजक फिल्म साबित होगी फिल्म के वैसे तो सारे गाने ही कमाल के थे लेकिन धूम मचाले गाने की बात अलग थी फिल्म धूम को सुपरहिट बनाने में इस स्टाइल के गाने का बड़ा हाथ है आपको बता दें कि इस गाने को प्रीतम दा ने बनाया था विजय कढ़ा आचार्य ने कहा कि उनसे पहले ही आदित्य चोपड़ा ने जिक्र किया था कि फिल्म में स्वकल की संभावनाएँ दिखाई देती हैं और उन्होंने इसके स्वकल में बने में विचार करने के लिए कहा था इसके अलावा विजय ने बताया था कि वो धूम के लिए ऐसा विलन को चाहते हैं जो जीतता हुआ नजर आए विलन को जीतता हुआ देख दर्शकों को अच्छा लगेगा फिल्म के 16 साल पूरे होने पर इसके निर्देशक संजय गढ़वी ने अपने इंस्टा पर एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा था कि आज से सोलह साल पहले मैंने इस दिन बहुत उत्सुक और आत्मविश्वासी था रिलीज के बाद जो हुआ वह इतिहास बन गया फिल्म के मुख्य किरदार के रूप में जॉन अब्राहम अभिषेक बच्चन आदित्य चोपड़ा ईशा देवल जैसे कलाकार नजर आए थे धूम फ्रेंचाइजी में खलनायक को इस तरह पेश किया जाता है कि दर्शकों की सारी सहानुभूति खलनायक के साथ होती है हीरो की भूमिका चरित्र कलाकार जैसी होती है धूम थ्री के खलनायक को नायक जैसा पेश किया गया है क्योंकि उसके पास कारण है कि वह गलत काम क्यों कर रहा है यह कारण दरअसल एक इमोशनल कहानी है और यही बात धूम थ्री को इस श्रृंखला के पिछली फिल्मों से अलग करती है पिछली फिल्मों से इमोशंस की कमी महसूस की गई थी जिसे इस कड़ी में पूरा किया गया है यह निर्देशक की कामयाबी है कि दर्शकों को भावात्मक रूप से यह फिल्म पहले दस मिनट में ही जोड़ लेती है जब इकबाल यानी जैकी शराब शिकागो स्थित अपने ग्रेट इंडियन सर्कस को बैंक के कर्जे से बचाने की कोशिश करता है यहीं पर दर्शक इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि साहिर यानी आमिर खान के पिता के साथ गलत हुआ है और साहिर बड़ा होकर गलत राह पर क्यों चल रहा है इस बात को अच्छी तरह स्थापित कर दिया गया है बैंक कर्ज वीलियों में शक्ति दिखाता है तो मासूम साहिर के सामने उसके पिता आत्महत्या कर लेते हैं यही से साहिर और बैंक के बीच दुश्मनी हो जाती है और वह बड़ा होकर बैंक को बर्बाद करने के मिशन में जुट जाता है यह बात पता चल जाती है कि बैंक को बर्बाद करने वाला एक भारतीय है तो भारत से दो पुलिस ऑफिसर अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा भेजे जाते हैं फिर शुरू होता है चोर और पुलिस के बीच चूहे बिल्ली का खेल फिल्म की कहानी सामान्य है लेकिन इसे असाधारण बनाता है महंगे लोकेशन शानदार सेट्स ज़बरदस्त सीनेमाटोग्राफी वैसे धूम सीरीज की फिल्मों में कहानी से ज़्यादा महत्वपूर्ण स्टाइल और स्टंट है पहला हाफ फिल्म को इतनी ऊंचाइयों पर ले जाता है कि यह स्टंट और तकनीकी रूप से हॉलीवुड फिल्मों को टक्कर देती है एक के बाद एक आइटम पेश किए जाते हैं आमिर खान जबरदस्त तरीके से एंट्री लेते हैं ऊँची बिल्डिंग की दीवार से वे उतरते हैं और सड़क पर डॉलर्स की बारिश होती है फिर आता है एक चेंजिंग सीन जो धूम सीरीज की फिल्मों की खासियत होती है अत्याधुनिक बी बाइक पर बैठे साहिर जब पुलिस को नचाता है तो दर्शकों की सांसें थम जाती हैं जय और अली की एंट्री के लिए भी एक्शन सीन गढ़ा गया है जो सिर्फ फिल्म की लंबाई बढ़ाता है फिल्म की हीरोइन कटरीना कैद भी फिल्म में धमाकेदार एंट्री करती हैं कमली गाने पर उनका डांस काबिल तारीफ है जय अली और साहिर के बीच वाला चेंजिंग सीन फिल्म का प्रमुख आकर्षण है इस सीन को अद्भुत तरीके से शूट किया गया है इस सीन में जय गोली चलाता है तो साहिर की पीठ पर लगती है कुछ देर बाद साहिर को गिरफ्तार करने जय उसके सर्कस में पहुंचता है तो यह जानकर दंग रह जाता है कि साहिर की पीठ पर किसी भी किस्म का चोट का निशान नहीं है जय के साथ दर्शक भी चौंकते हैं कि यह रहस्य क्या है और यहीं पर इंटरवल होता है इंटरल के बाद हाफना ज़्यादातर फिल्मों की कमजोरी है और धूम थ्री भी इसका शिकार है एक्शन और स्टंट से फोकस हट का ड्रामे आ जाता है और स्क्रिप्ट की कमजोरियां उभरने लगती हैं रहस्य पर से पर्दा हटाया जाता है जो कई तरह के सवालों को जन्म देता है जिसके संतोषजनक उत्तर नहीं मिलते हैं कहानी में रोमांटिक ट्रेंड को जबरन घुसेड़ा गया है जिसकी जगह ही नहीं बनती है साहिर का कड़ी सुरक्षा के बीच हर बार आसानी से बैंक में घुसना हैरत में डालता है फिल्म के दूसरे हाफ में एक्शन की कमी महसूस होती है इन सब कमियों के बीच एक अच्छी बात यह है कि बोरियत नहीं होती ड्रामे में दिलचस्पी बनी रहती है उम्मीद रहती है कि क्लाइमैक्स में ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा लेकिन अपेक्षा से कम देखने को मिलता है फिल्म का निर्देशन किया है विजय कृष्ण आचार्य ने उन्होंने धूम सीरीज़ के सारे भाग लिखे हैं टैसन जैसी भुला देने लायक फ़िल्म वे निर्देशित कर चुके हैं इसके बावजूद फिल्म के निर्माता आदित्य चोपड़ा ने उनको यशराज फिल्म की सबसे महंगी फिल्म निर्देशित करने का जिम्मा दिया विजय का काम एक्शन डायरेक्टर और कोरियोग्राफर ने काफ़ी आसान कर दिया ड्रामे वाले हिस्से को संभालने में विजय थोड़ा लड़खड़ाए हैं आमिर खान के फिल्म से जुड़ने से दर्शकों की अपेक्षाएँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं आमिर खान के किरदार के बारे में ज़्यादा बात इसलिए नहीं की जा सकती है क्योंकि इससे फिल्म के रहस्य से पर्दा हट जाएगा जहाँ तक अभिनय का सवाल है तो आमिर ने अपना काम गंभीरता से किया है लेकिन उनसे और बेहतर की अपेक्षा थी धूम जैसी फिल्मों के किरदार को जो ग्लैमर चाहिए था उसमें आमिर थोड़ा कमज़ोर पड़ गए कैटरीनापडोड बाडी में बेहद खूबसूरत नजर आई लेकिन उनका रोल बेहद छोटा है निर्देशक उनके ग्लैमर का पूरा उपयोग नहीं कर पाए अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा अपने किरदारों को उसी अंदाज में बढ़ाते नजर आए जयकि शराब छोटे रोल में छाप छोड़ते हैं प्रीतम का संगीत औसत किस्म का है लेकिन गानों का फिल्मांकन आंखों को राहत देता है मलंग और कमले की कोरियोग्राफी बहुत बढ़िया है जूलियस पैकियम का बैकग्राउंड स्कोर उम्दा है सुदीप चटर्जी की सिनेमाटोग्राफी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है जो फिल्म को भव्य लुक देती है एक्शन और स्टंट हॉलीवुड फिल्मों की टक्कर के हैं धूमथ्री पांच में से तीन अंक के लायक है लेकिन सिनेमेटोग्राफी लोकेशंस और बाइक थ्रिल के कारण आधा अंक अतिरिक्त दिया गया है धूम सीरीज का तीसरा भाग धूमथ्री का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे भारत की यह महंगी फिल्मों में से एक है और बॉलीवुड को उम्मीद थी कि यह फिल्म आय के मामले में अब तक के सारे कीर्तमानों को भंग कर देगी इस बार आमिर खान और कैटरीना कैफ को स्टार कास्ट में जोड़ा गया था फिल्म की कहानी फिर इस बार चोर बनाम पुलिस है लेकिन एक नए और निराले अंदाज के साथ तकनीकी और एक्शन का तड़का इस फिल्म को भव्य बनाता है यह कहानी है साहिर यानी आमिर खान की जिसकी ऊर्जा उसे खतरनाक उग्र और भयंकर बनाती है वह किसी को माफ़ नहीं करता वह एक ऐसा चोर है जो अपनी राह में टुकड़ा बनने वाली हर चीज़ को नष्ट कर देता है धूम थ्री कहानी है आलिया ने कैटरीना कैप की जो बेहद सरल है लेकिन सर्कस में परफॉर्म करते एकदम बदली हुई नज़र आती है निडर आलिया जब सर्कस में परफॉर्म करती है तो लगता है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम ही नहीं है दिल के मामले में वह इतनी ही निडर है धूम थ्री कहानी है जय दीक्षित ने अभिषेक बच्चन की जो मुंबई का एक चतुर दृढ़ निश्चयी विश्लेषात्मक और जबरदस्त पुलिस ऑफिसर है जय अपने बुरेदों को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है उसका मानना है कि दुश्मन को जाल में फंसाने के लिए कभी कभी दुश्मन की तरह सोचना पड़ता है धूम थ्री कहानी है अली अकबर यानी उदय चोपड़ा की जो मनोरंजन का खजाना है यह निश्चित पुलिस वाला नागपाड़ा से नियाग्रा फाल तक कहीं पर भी मिल सकता है फैमिली वाला बनना चाहता है और उसे लड़की की तलाश है दिल हथेली पर लेकर घूमने वाला अली सुंदर लड़की दिखी नहीं कि दिल दे बैठता है इन किरदारों के इर्द गिर्द धूमथरी की कहानी घूमती है जो रोमांस से भरपूर है धूम थ्री दो की बहुप्रतिष्ठित हिंदी फिल्म है जिसे विजय कृष्ण आचार्य ने निर्देशित किया है धूम का पहला संस्करण 2004 में जबकि धूम 2 2006 में रिलीज हुई थी यह दोनों ही फिल्में सुपरहिट रही थी पहली धूम में जॉन अब्राहम और दूसरी में ऋतिक रोशन ने खलनायक की भूमिका निभाई थी इस फिल्म की लागत थी एक करोड़ रुपए और इसकी कुल कमाई हुई थी पाँच करोड़ रुपए फिल्म में आमिर खान ने नकारात्मक किरदार निभाया है जो चालाकी से चोरी करता है यह फिल्म आई के फॉर्मेट में विश्व स्तर पर हिंदी तमिल एवं तेलुगु भाषा में प्रदर्शित की गई थी धूम थी भारत में आई फॉर्मेट में प्रदर्शित होने वाली पहली फिल्म है यशराज फिल्म की बनाई हुई इस फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर दो करोड़ रुपए की कमाई की थी धूम फिल्म उन्नीस से शुरू होती है जहाँ इकबाल हरुख खान यानी जेके शराफ शिकागो के ग्रेट इंडियन सर्कस का सर्कस चलाता है सर्कस बहुत ही खराब वित्तीय हालत से गुजर रहा होता है जिस कारण इकबाल पर बहुत ज्यादा कर्जा होता है वेस्टर्न बैंक ऑफ शिकागो जिससे इकबाल ने कर्जा लिया है कर्ज न चुकाने के कारण सर्कस को बंद करवाने के लिए अपने प्रतिनिधियों को भेजता है इकबाल उनसे विनती करता है कि मेरा शो देखो अगर आपको पसंद आए तो कर्ज चुकाने के लिए कुछ और मोहलत दे देना प्रतिनिधि उसका शो देखने के बाद भी सर्कस को बंद कर देने का आदेश देते हैं इकबाल का छोटा सा बेटा साहिर उनसे विनती करता है पर वो नहीं मानते हैं इकबाल बैंक वालों तुम्हारी माँ की ऐसी की तैसी कहकर सबके सामने आत्महत्या कर लेता है जिससे उसका छोटा सा बेटा झकझोर जाता है कई सालों बाद साहिर ने आमिर खान अब भी वो घटना नहीं भूला है और वह बैंक वालों से बदला लेने की ठानता है वो कई वेस्टर्न बैंक ऑफ शिकागो की शाखाओं में चोरी करता है और हिंदी में बैंक वालों तुम्हारी ऐसी की तैसी लिख कर अपनी सर्कस वाली कलाबाजी इस्तेमाल करके भाग जाता है क्योंकि शिकागो पुलिस उसे नहीं पकड़ पा रही और उन्हें हिंदी भी नहीं आती इसलिए वो भारतीय पुलिस से ए सी पी जय दीक्षित अभिषेक बच्चन और उसके सहयोगी अली अन उदय चोपड़ा को मदद के लिए बुलाते हैं जय साहिर को फंसाने के लिए जान बुझ ये बात फैला देता है कि वो एक केस संभाल रहा है और उसे लगता है चोर जरूर कोई शौकिया है इससे साहिर चोरी करने की ठानता है वो एक समाचार चैनल से इस योजना के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है और जय के लिए मुखबिर बनने का नाटक करता है इस तरह बैंक के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेता है और जय को एक सुराग देता है पीछे जाने के लिए अंततः साहिर बैंक में चोरी कर लेता है और मोटरसाइकिल पर भागने लगता है जय उसको गोली मारता है पर साहिर भाग जाने में सफल हो जाता है साहिर ग्रेट इंडियन सर्कस का पुनरत्थन संस्करण का प्रीमियर करता है अपनी महिला सहयोगी आलिया आलियाना गायब के साथ जिसमें उसके साथ एक चाल शामिल है कि एक जगह से गायब हो जाना और दूसरी जगह पे दिखना लेकिन बाद में जय अली और पुलिस उसे चारों ओर से घेर लेती है जानते हुए कि चोर वो है जय कहता है कि सबूत वो तो गोली का घाव है पर शाहिर की जांच की जाती है तो उसके शरीर पर कहीं पर भी गोली का निशान नहीं होता है जय और अली सर्कस से चले जाते हैं जबकि साहिर अपने कमरे में चला जाता है यहाँ पर पता चलता है कि साहिर का एक जुड़वा भाई है समर जो कि उसके सर्कस के चालो और बैंक में चोरी करने में मदद करता है और वो समर था जिसको गोली लगी थी तीस अक्टूबर को धूम धूमथरी का ट्रेलर यूट्यूब पर जारी किया गया था इसके पहले बाजार में धूम धूमथरी का ऑफिशियल गेम भी जारी किया गया था जो कि 99 गेम प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा तैयार किया गया था यह गेम विंडोज फोन स्टोर पर निशुल्क उपलब्ध है आमिर खान ने धूम श्रृंखला की फिल्मों का शीर्षक धूम मचाले 2013 में क्रिकेट के संस ले रहे सचिन तेंदुलकर को समर्पित किया था यह कहना गलत होगा कि धूम सीरीज की तीसरी फिल्म आमिर खान के रंगों से सराबोर है विजय की इस फिल्म में आमिर खान छाए हुए हैं और सिर्फ उनका ही जलवा दिखा है एक मामूली कहानी को एक सुपरस्टार पावर के जरिए एक्शन के उस हद तक ले जाया जा सकता है जहां फिल्म शानदार और जानदार फिल्म बन जाती है यह कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म आमिर खान के स्टार पावर की नुमाइश है फिल्म के तकरीबन हर फ्रेम में वे छाए रहते हैं उनके सामने हर कलाकार बौना ही नजर आता है दूम थ्री की कहानी में जादूगर इकबाल है नीचे के शराब का शिकागो में अपना सर्कस है लेकिन वह ज़्यादा नहीं चलता सर्कस को नीलाम करने की नौबत आ जाती है जादूगर इकबाल को वह आखिरी शानदार कर ही उसके सर्कस को बचा नहीं पाता और वो खुदकुशी कर लेता है उसका बेटा साहिर यानी आमिर खान बदला लेने की ठान लेता है उसका एक ही मकसद है बैंक को तबाह करना और अपना सर्कस वापस शुरू करना इसी के तहत वो बैंक के हर ब्रांच में चोरिया शुरू करता है लेकिन साहिर को कोई पकड़ नहीं पाता इसके पीछे एक बड़ा राज है यही राज या रहस्य धूम थ्री की कहानी का ट्विस्ट है एक्टिंग की बात करें तो आमिर ने सबको पछाड़ दिया है उन्होंने एक बार फिर साबित किया है कि उन्हें मिस्टर परफेनिस्ट यू ही नहीं कहा जाता है अभिषेक बच्चन के हिस्से में ज्यादा कुछ दिखाने को नहीं है अभिषेक बच्चन और कैटरीना का अभिनय समान है लेकिन जैकी शराब की भूमिका शानदार है धूम थ्री का गीत संगीत बेहद साधारण है धूम सीरीज की पहली फिल्म का गीत धूम मचाले बेहद पॉपुलर रहा था लेकिन इस फिल्म का गीत ही नहीं बल्कि टाइटल ट्रैक भी असरदार नहीं है धूम थ्री के साथ निर्देशक विजय कढ़ा आचार्य ने वापसी की है और इसके पहले वह टसन जैसी फिल्म को निर्देशित कर चुके हैं जो बॉक्स ऑफिस पर औंधे मोगीरी थी लेकिन एक्शन और रोमांच कैटेगरी की श्रेणी में यह फिल्म बेमिसाल है और देखी जानी चाहिए जो खुद को अलग हटकर लाखड़ा करती है धूम धूमथ्री की स्टोरी वही पुरानी है जो चोरी और चेज के सहारे आगे बढ़ती हुई प्लानिंग और स्ट्रेटी के मोड से गुजरती है आमिर एक परफेक्ट ठीप है कटेना उसका प्यार और साथ है हमेशा की तरह पुलिस अफसर जयदीक्षित यानी अभिषेक बच्चन और उसका साथी अली अनि उदय चोपड़ा है जिन्हें स्मार्ट चोरों को काबू में करने की कोशिश में लगे हैं तो सवाल है कि फिर इस फिल्म में नया देखने लायक क्या है इस सवाल का जवाब पूरे सारे रीजन्स के साथ दिया जा सकता है पर हम आपको कुछ बता रहे हैं ताकि आप फिल्म जरूर देखें और इस बात को माने कि हमारी इस फिल्म को देखने जाने की एडवाइस कितनी सही थी पहली वजह तो इस फिल्म में वह सब कुछ है जिसके लिए कोई फिल्म लवर एक मूवी देखना चाहता है सच तो यह है कि फिल्म अपने प्रोडक्शन हाउस और फर्स्ट दोनों पार्ट की सक्सेस के कारण ही नहीं एक सेपरेट स्ट्रांग मूवी के तौर पर भी देखने लायक है फिल्म एक बेहतरीन थ्रिलिंग और एंटरटेनिंग एक्सपीरियंस है इसे न देखकर आप अपनी यादों के कलेक्शन में 100 परसेंट कुछ मिस कर देंगे यशराज बैनर के लिए धूम यकीनन एक ऐसा ब्रांड बन चुका है जिससे बैनर की प्रतिष्ठा जड़ चुकी है यही वजह है बजट के मामले में कुछ ज़्यादा ही कंजूस माना जाने वाला है बैनर धूम सीरीज की हर नई फिल्म हर पिछली फिल्म से ज़्यादा कहीं पैसा लगाता है करीब सौ करोड़ के भारी बरकम बजट में बनी इस फिल्म में ज़बरदस्त एक्शन और ड्रामा तो है ही इसके साथ ही इसमें आपको बेहतरीन विजुअल इफेक्ट भी देखने को मिलेंगे यकीनन धूम थ्री के कई एक्शन सीन हॉलीवुड फिल्मों को टक्कर देने के काम करते हैं इस फिल्म के क्रेज का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने लगने से पहले करीब सात करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई एडवांस बुकिंग के दम पर कर ली थी कुछ साल पहले इसी बैनर के लिए मेगा बजट मल्टी स्टारर स्टार्टन जैसे सुपर फ्लॉप बना चुके डायरेक्टर विजय कृण आचार्य ने लंबे ब्रेक के बाद इस बार पूरा होमवर्क करने के बाद ही इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया इंटरवल के बाद उदय चोपड़ा और अभिषेक बच्चन के कुछ सीन को नजरअंदाज कर दिया जाए तो तीन घंटे की लंबी अवधि की इस फिल्म में दर्शकों को स्टार्ट टू फिनिश अपनी सीटों के साथ बांधे रखने का दम है यकीन धूम सीरीज की इस फिल्म में आमिर खान की मौजूदगी ही बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म के क्रेज को कई गुना बढ़ाती है इस फिल्म को देखने के बाद लगता है डायरेक्टर विजय भी आमिर के जादू में कुछ ऐसे ही बनसे गए हैं कि फिल्म के बाकी बचे तीन अहम किरदारों विजय दीक्षित अली और आलिया के किरदारों को उभरने का ज्यादा मौका नहीं दिया धूम थ्री आमिर खान की फिल्म है इस फिल्म की रिकॉर्ड कामयाबी का सबसे ज्यादा फायदा बैनर और फिल्म के डायरेक्टर के बजाय आमिर खान को ही हुआ था धूमथ्री मूवी में दिखाया गया है कि अमेरिका के शिकागो में इकबाल हारून खान यानी की शराब की ग्रेट सर्कस कंपनी है पिछले कुछ सालों से लगातार घाटे की वजह से इकबाल की सर्कस कंपनी बंद होने की कगार पर पहुंच चुकी है कुछ साल पहले इकबाल ने शहर के जिस प्रतिष्ठित बैंक से मोटा कर्ज लिया था वह बैंक अपने कर्ज वसूलने के लिए सर्कस कंपनी को नीलाम करना चाहता है बैंक सर्कस को नीलाम करे इससे पहले इकबाल परेशान होकर अपने बेटे साहिर खान की आंखों के सामने खुद को गोली मार लेता है इस घटना को अब कई साल गुजर चुके हैं लेकिन आज भी साहिर अपने पापा के मौत नहीं भुला पाया है साहिर अपने पापा की खुदकुशी के लिए बैंक और उसके आला अफसरों को जिम्मेदार मानता है साहिर का मिशन बैंक को मोटा नुकसान पहुंचाना और इसके आला अफसरों से बदला लेना है साहिर ने बचपन में पापा से जादू और जिमनास्टिक की ट्रेनिंग ली थी एक बार फिर शिकागो पहुंचकर साहिर उसी बैंक के अलग-अलग शाखाओं को लूटता रहता है जिस बैंक की वजह से उसके पापा ने खुदकुशी की थी शहर बैंक से लूट की रकम का बड़ा हिस्सा लोगों में बांट देता है शहर बैंक को लूटने में पापा से सीखी ट्रिक्स का सहारा लेकर हर बार पुलिस को चकमा देता है शिकागो की पुलिस जब शहर को पकड़ नहीं पाती तब हार कर भारतीय पुलिस की मदद लेती है इसकी खास वजह शहर द्वारा हर बैंक लूटने के बाद हिंदी में एक खास मैसेज लिखा जाना है भारत से जयदीच अभिषेक बच्चन और अली चोपड़ा को शिकागो भेजा जाता है विजय के काम करने का अंदाज़ अलग है विजय शिकागो आते ही साहिर को टीवी चैनलों के जरिए बैंक की किसी ब्रांच को लूटने का चैलेंज देता है साहिर इस चैलेंज के बाद खुद को जय के पास पहुँचाता है इसी बीच जय को पता चलता है कि साहिर ही वह चोर है जिसे पकड़ने के लिए वह अली के साथ यहाँ आया है आलिया ने कैटरीना कैफ साहिर की सर्कस टीम में होती है साहिर को रंगे हाथ पकड़ने के लिए विजय दीक्षित एक प्लान बनाता है साहिर कुछ ऐसा करता है जिसकी वजह से विजय का प्लान उसी पर भारी पड़ता है शिकागो पुलिस और बैंक के अफसर इस केस से विजय को हटा देते हैं आमिर खान की बात की जाए तो धूमथ्री उनकी सबसे फिल्मों में से एक कही जाएगी पूरी फिल्म में आमिर का हर बार एक नया लुक देखने को मिलता है यकीन आमिर ने इस फिल्म के लिए बेहद मेहनत की है जिसका रिजल्ट भी पर्दे पर दिखता है आमिर के एक्शन स्टंट और इमोशन सीन खूब बन पड़े हैं अभिषेक बच्चन एक बार फिर वैसे ही सपाट चेहरे के साथ नजर आए जैसा कि इस सीरीज की पिछली फिल्मों में वह दिख चुके हैं उदय चोपड़ा की क्या बात करें आदित्य ने उनके लिए जो कॉमिक दृश्य फिल्म में रखे उनसे ज्यादा अच्छे लगे हैं जयकि शराब का किरदार बेशक छोटा है लेकिन उनकी एक्टिंग बेहतरीन है विजय कृष्ण आचार का डायरेक्शन एक्शन रोमांच के साथ दर्शकों को कहानी के साथ पूरी तरह से बांधने में कामयाब है टशन के बाद इस बार उन्होंने ऐसी फिल्म बनाई है जो सिंगल स्क्रीन से मल्टीप्लेक्स तक हर क्लास की कसौटी पर काफी हद तक खरी उतरने का दम रखती है आमिर खान द्वारा अपने बैटमैन स्टाइल से किए गए रेसर स्वेंस शानदार हैं जो हॉलीवुड फिल्मों को टक्कर देते हैं वही फिल्म की लोकेशन गजब है प्रीतम का संगीत इस बार उनके फैंस की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा टाइटल ट्रैक धूम मचाले मलंग मलंग और कमली का फिल्मांकन गजब का है इसका क्रेडिट संगीतकार से ज़्यादा भाई भी मार्चेंट को जाता है ऐसी फिल्में बॉलीवुड में कम ही बन पाती हैं अगर आप आमिर खान के फैन हैं तो धूम थ्री मिस ना करें अगर आप तीन घंटे मौज मस्ती और कुछ नएपन के साथ गुजारना चाहते हैं तो आप ये फिल्म जरूर देखें धूम थ्री फिल्म में भी चोर पुलिस की कहानी दिखाई गई है पर आमिर खान के पहली बार किसी फिल्म में चोर का रोल निभाने से इस फिल्म को नई पहचान मिल गई है आदित्य चोपड़ा द्वारा निर्मित धूम सीरीज़ की तीसरी फिल्म में आमिर कैटरीना कैब अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा मुख्य किरदार में हैं धूम फिल्म में साहिर ने आमिर खान एक चोर है जो कि जोकर के बेस में चोरी करता है जय दीक्षित ने अभिषेक बच्चन और उसका साथी अली अकबर यानि उदय चोपड़ा चोर को पकड़ने के लिए तमाम कोशिशें करते हैं फिर शुरू होता है जय दीक्षित और साहिर के बीच चोर पुलिस का खेल इस खेल में आलिया ने कैटरीना कैफ साहिर का साथ देती है वैसे तो फिल्म धूम थ्री की कहानी पुरानी ही है पर निर्देशक विजय कृष्ण आचार्य ने इसे जिस एक्शन सीन के साथ निर्देशित किया है वो सच में तारीफ योग्य है आमिर खान को फिट बॉडी के साथ एक्शन सीन करते हुए देखना काबिल तारीफ है धूमथ्री फिल्म में सिर्फ दो हीरो हैं एक आमिर खान और दूसरा बाइक्स इस पूरी फिल्म को सफल बनाने का भार सिर्फ और सिर्फ आमिर खान के कंधे पर ही है और इस बात को बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सका कि इस ढाई घंटे तक वो इस काम के लिए पूरी कोशिश करते हैं आमिर के अलावा फिल्म में कई बेहतरीन स्टंट भी हैं शानदार गाड़ियों के साथ लोगों ने जो उम्मीद लगाई थी वो इस फिल्म में पूरी भी हुई है ख़ास बात यह है कि इस फिल्म में दिखाई गई कई बाइक्स आपने अब तक किसी बॉलीवुड फिल्म में नहीं देखी होगी फिल्म में कई ट्विस्ट हैं और साथ ही आपको एक माइंड ब्लैंग इंट्रोल भी मिलेगा क्लाइमैक्स आपको निराश कर सकता है और ये ऐसा है जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की होगी फिल्म में दिखाई गई मैजिक ट्रिक शानदार है सर्कस के सीन काफी अपीलिंग है और हाँ चोरी भी काफी आकर्षक है इस फिल्म में चोरी भी ऐसी दिखाई गई है जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी हीरो का पार्ट पहले से सेट है और फिल्म में कोई लीड एक्ट्रेस नहीं है ऐसा लगता है कि यसराज ने कैटरीना कैफ को सिर्फ तीन गानों तीन डायलॉग्स और एक छोटे से किस के लिए ही साइन किया था हाँ एक बात ज़रूर है कि अपनी डांस परफॉर्मेंस से कैटरीना ने खुद को इंडस्ट्री का लेडी ऋतिक रोशन जरूर साबित कर दिया है अब धूम फ्रेंचाइजी की कोई भी फिल्म हार्ट गर्ल के बिना तो अधूरी है ऐसे में कैट को लेने का कारण साफ समझ में आता है अभिषेक बच्चन भले ही किसी छत पर खड़े होकर यह चिल्ला ले कि वह फिल्म के हीरो हैं लेकिन असल में वह नहीं है वो तो अपना रोल ही बहुत मुश्किल से कर पाए हैं वैसे हाँ फिल्म को देखने के बाद इससे पहले कि आप आमिर के लिए खड़े होकर ताले बजाएं, एक बार उदय चोपड़ा के लिए दो मिनट का मौन जरूर रख लें वैसे अगर इस फिल्म में तीसरा कोई हीरो या हीरोइन है तो वो बी है जिसके सपोर्ट से फिल्म बेहतर बनी न कि पुलिस वालों की वजह से थ्री में कई ऐसी चीज़ें हैं जो लीग से हटकर फिल्माई गई हैं आमिर के पिता जे के शराप एक जादूगर होते हैं जो द ग्रेट इंडियन सर्कस के मालिक होते हैं और सुसाइड कर लेते हैं वो शिकागो के एक बैंक से लिया हुआ लोन वापस नहीं कर पाते हैं और उन्हें बैंक वाले धमकाते हैं कि वो उनके सर्कस को नीलाम कर देंगे आमिर के पिता इस दबाव को सह नहीं पाते और बेटा पिता की मौत भूल नहीं पाता इसके बाद से ही कहानी शुरू होती है कि कैसे वो बेटा एक चोर कम जादूगर बनता है और बैंक से बदला लेता है फिल्म के आमिर के दो डायलॉग हैं जो वाकई सुनने लायक हैं पहला बंदे हैं हम उसके हम पे किसका जोर उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर इरादे हैं फौलादी हिम्मती हर कदम अपने हाथों किस्मत लिखने आ चले हैं हम यही वो डायलॉग है जो पूरी फिल्म को बांधे रखता है इसके अलावा एक दूसरा डायलॉग है जो आमिर खान से कहते हैं तुम्हारे पास पाँच मिनट हैं एक सेकंड के लिए भी मेरी नज़र तुमसे नहीं हटनी चाहिए अगर अभिषेक के नीरज सभी ने उदय चोपड़ा के बेवकूफ़ चुटक पुरानी सी स्क्रिप्ट और निराशजनक एडिटिंग के अलावा फिल्म में कुछ है तो वो आमिर खान ही हैं उनके स्टंट के समय तो आप पलके भी नहीं झपका सकते और इसका पूरा क्रेडिट आमिर को ही जाता है अगर दर्शक हैड पहनकर फिल्म देख रहा है तो हैट्स आफ करके ही थिएटर से बाहर निकलेगा वाकई ये साल आमिर खान ने धूम के साथ ही ख़त्म किया था और हाँ थ्री का टाइटल भी गलत नहीं है क्योंकि आमिर की एक्टिंग इतने गुना बेहतर थी वैसे ऋतिक रोशन के लिए भी एक सुझाव है कि क्रेस फोर के बारे में सोचने से पहले एक बार फिल्म जरूर देख लें धूम बाइक्स और चोरी की फिल्म थी धूम टू चोरी डांस और रोमांस की फिल्म थी और अब धूम थ्री आमिर खान की फिल्म है आपको ये नहीं देखने को मिलेगा कि कैसे आमिर खान ने बैंक लूटा आप ये भी नहीं देख पाएंगे कि आमिर कैसे बैंक लूट रहे हैं आप पूरी तरह क्लैश रहेंगे कि फिल्म में अभिषेक बच्चन और शिकागो पुलिस रहती है आप इस फिल्म से धूम टू के जैसे स्टंट की अपेक्षा मत करिए अगर आप धूम थ्री से हॉलीवुड जैसे एक्शन की उम्मीद पाल रहे हैं तो आप गलत हैं फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो फिल्म से बॉलीवुड पुट को दूर नहीं कर पाती जैसे कि फिल्म में हीरोइन के लिए करने के लिए कुछ नहीं है बिलन के अलावा पूरी दुनिया परफेक्ट है वगैरह वगैरह बाकी फिल्म छुट्टियों के दिनों में रिलीज हुई थी धूम फ्रेंचाइजी की है और आमिर खान ने शानदार एक्टिंग की है ऐसे में फिल्म का चलना तो तय था सुपर बाइक्स का क्रेज़ सिर्फ भारतीय राइडर्स को नहीं बल्कि हिंदुस्तानी और विदेशी फिल्मों में भी खूब देखने को मिलता है फिल्म के हीरो को और ज़्यादा स्टाइलिश दिखाने के लिए बीते दशकों में सुपर बाइक्स का इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ा है बी की सुपर बाइक भी इसी सूची में शामिल है अगर आपने आमिर खान वाली धूमथरी देखी है तो यकीन आपको यह बाइक पसंद आई होगी जिस पर आमिर हैरत अंगेज स्टंट करते हुए दिखते हैं इस फिल्म के बाद भारत में भी राइडर्स के बीच इस बाइक का क्रेज और तेज हो गया आमिर खान ने फिल्म में जिस बाइक का इस्तेमाल किया था वो बी के थर्टीन हंड्रेड आर मॉडल की थी ड्यूल हैंड लैप्स वाली यह बाइक सच में काफी खूबसूरत है बी एम मोटार्ड की नेक्स्ट क्लास बाइक को साल 2009 में लॉन्च किया गया था आपको बता दें कि इस बाइक ने कंपनी की के ट्वेल्व हंड्रेड आर को रिप्लेस किया था इस सुपर बाइक में 1293 नाइनटी थ्री सी सी एन लाइन फोर ई एव एन टी नाक वाला पावरफुल इंजन लगा है यह इंजन वन सेवन थ्री एच पी पावर नाइन थाउजेंड ट्वेंटी हंड्रेड फिफ्टी आर पी एम पर जनरेट करता है और एट थाउजेंड ट्वेंटी हंड्रेड फिफ्टी आर पी एम पर वन हंड्रेड फोर्टी एन टी एम नाट देता है इसके एग्जॉस्ट सिस्टम को कुछ बटरफ्लाई स्टाइल में डिजाइन किया गया है ताकि टार को बेहतर बनाया जा सके इस बाइक में सिक्स स्पीड गियर बॉक्स दिया गया है इस बाइक्स में 17 इंच के टायर्स का इस्तेमाल किया गया है अगर स्पीड की बात करें तो धूम थ्री में इस बाइक की जितनी तेज स्पीड बताई गई है उतनी ही है बी एम डब्ल्यू के थर्टीन हंड्रेड आर की टॉप स्पीड 260 किलोमीटर पर घंटे के करीब है रफ्तार का अंदाजा केवल इस बात से लगाया जा सकता है कि इस बाइक को 0 टू 100 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार पहुंचने में केवल लगते हैं इस बाइक में 19 लीटर का प्योल टैंक है जिसकी रिचर्ज कैपेसिटी 4 लीटर है माइलेज 17 किलोमीटर पर लीटर का है एक बार टैंक फुल करने पर यह बाइक 320 किलोमीटर का सफर तय करने में सक्षम है इस बाइक की कीमत 25 लाख रुपए है फिलहाल बी की यह सुपर बाइक मार्केट में नहीं है इसे साल 2015 हजार पंद्रह में कंटिन्यू कर दिया गया था यह बाइक कंपनी की सबसे पावरफुल वाली बाइक कही जा सकती है इस सुपर बाइक को यस 1000 आर से रिप्लेस किया गया है इसकी कीमत 22.3 लाख रुपए है यस 100 आर को धूम थ्री में ही जद्धचित बने अब से एक बच्चन और अली और पुदचोपड़ा को राइड करते हुए दिखाया गया था धूम सीरीज की महत्वपूर्ण कड़ी है जय और अली इस बार वे चोर को पकड़ने के लिए शिकागो जाते हैं चूँक चोर चोरी करने के बाद हिंदी में संदेश छोड़ता है बैंक वालों तेरी ऐसी की तैसी शायद इसलिए भारत से जय और अली को उन्हें पकड़ने के लिए बुलाया जाता है मजेदार तथ्य के विशेष दायित्व निभाते समय चोर को पकड़ने में असफल रहते हैं फिर बाकी हिंदी फिल्मों की तरह दायित्व से मुक्त होने के बाद उनका दिमाग तेज चलता है और वे चोर को घेर लेते हैं लेकिन इस बार भी चोर उन्हें चकमा देकर निकल जाता है जय और अली के रूप में अभिषेक बच्चन और उदय चौपड़ा हैं तारीफ़ करनी होगी कि पहली धूम से लेकर अभी तक उनकी समान रूपता बनी हुई है वो जरा भी नहीं बदले हैं धूम सीरीज़ में चोर को ज़्यादा स्मार्ट और रोचक बनाने के लिए उनको भोंदू दिखना ज़रूरी होता है इस बार स्मार्ट चोर आमिर खान है जॉन अब्राहम और ऋतिक रोशन के बाद धूम धूमथ्री में आए आमिर खान को छबीली कैटरीना कैफ का साथ मिला है दोनों के बीच स्टेज पर केमिस्ट्री दिखती है खासकर डांस और सर्कस के कर्तबों में उनकी जोड़ी प्रभावशाली है कर्तब और डांस में निर्देशक और संबंधित तकनीसियों ने भी काफी मेहनत की है आमिर खान और कैटरीना कैफ भी अपनी तरफ से कसर नहीं रहने देते इसके अलावा आमिर खान की है बाइक और चेस धूम सीरीज का खास बात है धूम थ्री में भी इनका भरपूर इस्तेमाल हुआ है मुख्य रूप से तीन चेज हैं जिनमें हमेशा की तरह चोर कामयाब रहता है चोर बने साहिर के पास अत्याधुनिक बाइक है जो हवा में कुचे भरती है और जरूरत पड़ने पर मोटर बोर्ड भी बन जाती है धूम धूमथरी तकनीकी स्तर पर प्रभावित करती है एक्शन भी जोरदार है लंबे समय के बाद आमिर खान एक्शन दृश्यों में नजर आए हैं जॉन अब्राहम और ऋतिक रोशन की तरह उन्हें भी बेहद दृष्ट देखनी पड़ी है आमिर खान ने मेहनत की है लेकिन उनके पास उनके जैसा आकर्षक शरीर स्वस्थों नहीं है इमोशनल दृश्यों को आमिर खान अच्छी तरह निभा ले जाते हैं कैटिना कैब की चपलता आकर्षक है उनके डांस में स्फूर्ति गति और लयात्मकता है उनसे नजर नहीं हटती भाव प्रदर्शन और संवाद अदायगी में वह पिछड़ जाती है धूम थ्री में भी यही हुआ है जब तक वह डांस और कर्तव्य करती हैं तब तक बहुत प्रभावशाली लगती है बाकी दृश्यों में वह आमिर खान का साथ नहीं दे पाती हैं वैसे लेखक निर्देशक ने कम नाटकीय दृश्य लेकर उनकी कमी छिपाने की अच्छी कोशिश की है विजय कृष्ण चार ने धूमथरी के लंबे दृश्य रखे हैं फिल्म थोड़ी लंबी हो गई है शिकागो शहर का सिटी स्कॉप इस फिल्म में दिखाई देता है शहर की खूबसूरती और भव्यता भी फिल्म में प्रभाव में सहायक बनती है सर्कस के कर्तब और डांस परफॉर्मेंस के लिए बने शट आकर्षक है टाइप डांस में आमिर खान का कौशल नजर आता है पता चलता है कि अभ्यास और कग्रता से कलाकार नए कौशल सीख सकते हैं धूम सीरीज अपने गीत संगीत के लिए भी लोकप्रिय हैं धूम थ्री का गीत संगीत उसी प्रवाह में है कुछ गीतों का फिल्मांकन नयाना भिरामी है लेकिन कुछ गीत अनावश्यक भी लगते हैं सुदीप चटर्जी के खूबसूरत छायांकन से दृश्य प्रदृश सुहावने लगते हैं धूम थ्री फिल्म में आमिर खान अपने कैरियर में दूसरी बार नेगेटिव रोल कर रहे थे इसके पहले आमिर खान ने उन्नीस अर्थ फिल्म में नेगेटिव किरदार निभाया ने था यह फिल्म चली नहीं थी धूम थ्री भारत की ऐसी फिल्म बन गई है जिसके लीड किरदार हर बार उसी नाम के साथ हैं और एक ही कलाकार ने यह रोल निभाया है यह रोल तीनों ही फिल्मों में अभिषेक बच्चन और दय चोपड़ा ने निभाया है धूम थ्री की शूटिंग में हॉलीवुड के कई तकनीकी जानकारों की मदद ली गई है खासकर बाइक रेसिंग और दीवारों पर दौड़ने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल ज़्यादा किया गया है धूम थ्री की शूटिंग के दौरान फिल्म के लीड किरदार आमिर खान को गहरी चोट लगते लगते बची थी जिस तार को पकड़कर वह बिल्डिंग में चढ़ रहे थे वह तार अचानक टूट गया गनीमत थी कि एक सपोर्ट वायर बगल में ही मौजूद था धूम धूमथ्री फिल्म रिलीज से पहले ही विवादों में फंस गई थी फिल्म के एक गाने मलंग मलंग पर एक खास समुदाय को आपत्ति थी हालांकि यह मामला इतना बड़ा नहीं था कि इसके लिए फिल्म की रिलीज टालनी पड़े फिल्म के टाइटल सॉन्ग धूम मचाले को भव्य तरीके से फिल्माने के लिए फिल्म के निर्माता आदित्य चोपड़ा ने पाँच करोड़ रुपये खर्च किए थे पाँच करोड़ में कई छोटे बजट की फिल्में बन जाती हैं धूम थ्री में लीड कौन है इस बात को लेकर भी फिल्म के पहले विवाद हुआ था इस फिल्म में जुड़े कई कार्यक्रमों में फिल्म के हीरो अभिषेक बच्चन की उपेक्षा की गई तो उन्हें कहना पड़ा कि फिल्म का हीरो मैं हूँ और हर बार की तरह जीतता हीरो ही है धूम उन फिल्मों में से है जिन्होंने बॉलीवुड में स्वकल फिल्मों के लिए मजबूत धरातल तैयार किया इस सीरीज की हर फिल्म के साथ भव्यता और एक्शन की जबरदस्त बहार आती गई इस बार भी कुछ ऐसा ही किया गया था आमिर खान और कैटरीना कैब को सरप्राइज़ पैकेज के तौर पर इस्तेमाल किया गया है कैटरीना कैब के लिए फिल्म में करने के लिए कुछ खास नहीं है ग्लैमर के तौर पर उन्हें लाया गया है लेकिन इस्तेमाल नहीं किया गया फिल्म ठेठ हिंदी सिनेमा प्रेमियों के लिए किसी जश्न से कम नहीं है हर बार की तरह टेक्नोलॉजी गैजेट्स बाइक्स और एक्शन इस बार भी हैं सब हाई क्वालिटी है लेकिन कहानी पूरी तरह बचकानी है जे शराब द इंडियन सर्कस चलाते हैं वह काफ़ी उधार ले लेते हैं और वह इससे चुका नहीं पाते आत्महत्या कर लेते हैं उसके बाद उसका बेटा साहिर यानी आमिर खान अपने उस सर्कस को दोबारा से शुरू करने का जिम्मा लेता है और चोरियाँ शुरू कर देता है इसमें उसका साथ देती है आलिया यानी कैटरीना कैब बस हर बार की तरह जय ने अभिषेक बच्चन और अली नी उदय चोपड़ा चोरियों को रोकने के लिए आ जाते हैं वैसे ही से शुरू होता है धूम धड़ाका हालांकि कहानी के कई लोच हैं तीन घंटे की फिल्म है जो बात नहीं पछती हुआ यह कि शिकागो पुलिस नाकाम है और मुंबई पुलिस को बुलाया जाता है और उसके दो पुलिस अफसर अपने जौहर विदेश में दिखाते हैं इस तरह की कई बातें जो गले नहीं उतरती हैं आमिर खान की फिल्म मानकर तो कतई मत देखिएगा क्योंकि यह आमिर छाप फिल्मों से एकदम जुदा है इसमें कोई कहानी नहीं है थ्रिल नहीं है कहानी के मामले में आमिर की सबसे कमज़ोर फिल्मों में से एक कही जा सकती है आमिर खान नेगेटिव किरदार में नहीं जमते हैं कहानी पूरी तरह से खामियों से भरी हुई है आमिर खान के साथ कहीं कहीं, कहीं कैटरीना की जोड़ी आंखों को बहुत अच्छी नहीं लगती है कैटरीना को जितना मौका मिला उन्होंने अपना बेस्ट किया है अभिषेक बच्चन जय के किरदार में पहले जैसे ही हैं अली के किरदार में उदय जमे हैं और वह फिल्म में हंसाने का काम करते हैं फिल्म का बजट सौ करोड़ रुपये से ज्यादा है फिल्म की शुरुआत मिस्टर यानी ऋतिक रोशन के ब्रिटिश रानी के मुकुट चोरी करने से होती है नई उन्नत मिलने पर अफसर अली यानि उदय चोपड़ा और जय दीक्षित यानी अभिषेक बच्चन सोनाली बोस यानी पासा पशु से मिलते हैं और जो जय की अच्छी दोस्त भी है शुरुआती छानबीन से जय को पता चलता है कि मिस्टर ए मुंबई में अगली चोरी करेगा और शहर में स्थित किसी दो संग्रहालयों में चोरी होगी तभी दीक्षित को पता चलता है कि वह जिस संग्रहालय की तभी दीक्षित को पता चलता है कि वह जिस संग्रहालय की निगरानी कर रहा है वह गलत है और वह तुरंत दूसरे संग्रहालय की ओर दौड़ता है जहाँ मिस्टर ए बेस बदलकर हीरा चुरा फरार हो जाता है टेलीविजन पर मिस्टर ए पुलिस को उसे पकड़ने के लिए उकसाता है और उन्हें अपनी अगली चोरी की जगह बताता है परिणाम स्वरूप दीक्षित बोस और खान एक तलवार रखे गए किले पर सख्त पहरा बिठाते हैं रात को मिस्टर ए अपने बहरुपियों से मिलता है जहाँ तलवार रखी होती है पुलिस को खबर लग जाती है पर दोनों तलवार चुराकर भागने में कामयाब होते हैं बहरूपिया आखिर में सुनहरी यानी अशर राय निकलती है जो मिस्टर ए को अपना आदर्श मानती है और वे दोनों साझेदारी बना लेते हैं रियो डी जेनेरियो में मिस्टर ए और सुनहरी अपनी अगली चोरी की योजना बनाते हैं सूचना के मुताबिक दीक्षित और अली अभी शहर में आज पहुंचते हैं वक्त चलते सुनहरी और मिस्टर ए में प्यार हो जाता है और मिस्टर ए उसे अपना असली नाम आर्यन बता देता है परंतु आर्यन को पता चल जाता है कि सुनहरी जासूस है जो जय के लिए काम कर रही है वह उसे खेल में खुद को गोली मारने के लिए कहता है पर वह उसे नहीं मार पाती और अपना प्यार कबूल करती है रियो में दूसरी ओर अली को मुनाली यानी बिपासा बसु सोनाली की जुड़वा बहन से प्यार हो जाता है अपनी आखिरी चोरी में आर्यन और सुनहरी सोने के सिक्के चुरा लेते हैं और सुनहरी खुलासा करते हैं कि वह जय के लिए काम नहीं करना चाहती जिससे जय और अली उनके पीछे लग जाते हैं एक लंबे समय तक पीछा करने के बाद सभी एक झरने के पास पहुंच जाते हैं जहां सुनहरी को अली पकड़ लेता है सुनहरी अपनी भावनाएँ आर्यन को बताने के बावजूद उसे गोली मार देती है और वह झरने से नीचे गिर जाता है आर्यन के गिरने के बाद जय सुनहरी को आज़ाद कर देता है छह महीने बाद खुलासा किया जाता है कि आर्यन अब भी जिंदा है और सुनहरी के साथ मिलकर उसने एक रेस्तरा खोल लिया है जब आर्यन और सुनहरी को उसके रेस्तरा में आकर मिलता है और उन्हें बताता है कि उनके गुनाहों के बावजूद वह उन्हें नहीं पकड़ेगा आर्यन उसे बताता है कि सारे चुराई हुई वस्तियाँ कहाँ मिलेंगी जय को दोनों के प्यार के बारे में पता चलता है पर वह उन्हें आगाह करता है कि अगर दोबारा चोरी की तो फिर से वह पीछे आ जाएगा इस फिल्म को सन 2006 हजार छह में फिल्मफेयर सबसे अभिनेता पुरस्कार के लिए ऋतिक रोशन को पुरस्कार मिला था आदित्य चोपड़ा की फिल्म धूम टू को रिलीज हुए 15 साल से भी ज्यादा वक्त हो चुका है बता दें कि यह फिल्म साल बता दें कि ये फिल्म साल 24 नवंबर 2006 को रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर जमकर सफलता कमाई थी माना जाता है कि फिल्म ने करीब एक, एक करोड़ तक का कारोबार किया था और इसमें ऋतिक रोशन ऐश्वर्या राय अभिषेक बच्चन उदय चोपड़ा और बिपाशा बसु लीड रोल में थे बता दें कि यशराज फिल्म्स के बैनर तले इस फिल्म के ज़्यादातर हिस्सों की शूटिंग ब्राजील में की गई थी फिल्म तो अपनी कहानी की वजह से हिट हुई ही थी लेकिन ऋतिक रोशन ऐश्वर्या के बीच किस सीन भी बेहद धमाकेदार रहा था इस सीन को करने के बाद जहाँ ऐश्वर्या राय की वजह से जमकर बवाल हुआ था क्योंकि यह पहला मौका था जब एक्ट्रेस ने बड़े पर्दे पर यह किया था फिल्म में ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय के बीच कुछ मिनट का किस सीन था यह पहला मौका था जब ऐश्वर्या राय ने स्क्रीन पर किसिंग सीन दिया था इसके बाद यह सीन बी टाउन की सुर्खियों में आ गया बता दें कि यह फिल्म की शूटिंग तब हुई थी जब एस और अभिषेक बच्चन की सगाई हो चुकी थी इसलिए बच्चन फैमिली भी इस सीन को लेकर नाराज थी और बाद में फ़िल्म से ये सीन हटा दिए गए थे इतनी ही नहीं ऐश्वर्या राय का एक इंटरव्यू में बताया गया था कि वह इस सीन को करने के बाद पचड़े में फंस गई और कई लोगों ने उन्हें लीगल नोटिस तक भेज दिए थे ऐश्वर्या ने एक फैशन मैगनीश को दिए इंटरव्यू में बताया था कि उन सीन की वजह से उन्हें क्या झेलना पड़ा था उन्होंने कहा था कि वे हॉलीवुड की कई स्क्रिप्ट इसलिए मना कर चुकी हैं क्योंकि वे पर्दे पर फिजिकल सीन्स करने में कम्फर्टेबल नहीं रहती धूम टू दो हजार छह में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है या धूम श्रृंखला की दूसरी फिल्म है जिसका निर्देशन संजय गढ़वी ने किया है और निर्माण आदित्य चोपड़ा और यश चोपड़ा द्वारा किया गया है फिल्म में अभिषेक बच्चन उदय चोपड़ा जयदीप छिथ और अली मुख्य भूमिका में हैं और एक चोर मिस्टर ए अनि ऋतिक रोशन को पकड़ने की कोशिश करते हैं जो कई वस्तुएं अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करके चुराता है इस फिल्म की लागत थी 35 करोड़ रुपए और इसकी कुल कमाई हुई थी 150 करोड़ रुपए धूम भारतीय हिंदी फिल्म है जिसका निर्देशन संजय गांधवी और निर्माण आदित्य चोपड़ा ने किया है इस फिल्म में अभिषेक बच्चन जॉन अब्राहम उदय चोपड़ा और ईशा देवल मुख्य किरदार में है इस फिल्म को 27 अगस्त 2004 में सिनेमाघरों में प्रदर्शित किया गया था धूम मूवी की कहानी की शुरुआत मुंबई में होती है जब एक मोटर चलाने वाला गैंग शहर के बैंक और अन्य जगहों से पैसे चुराना शुरू कर देता है ए सी पे जय दीक्षित अभिषेक बच्चन को इस मामले की छानबीन करने का काम दिया जाता है वो इस ग्रोह के लोगों को पकड़ने के लिए एक चोरी की बाइक बेचने और चलाने वाले अली खान ने उदय चोपड़ा से मिलता है और उसकी मदद से उस ग्रोह के लोगों को पकड़ने का प्लान बनाता है वो असफल हो जाता है इस ग्रोह का लीडर कबीर यानी जॉन अब्राहम उससे कहता है कि वह उसके सामने भी रहेगा तो भी वह उसे पकड़ नहीं पाएगा और ऐसा होता भी है एक और चोरी होती है जिसमें जय और अली को पहले से पता होता है कि चोरी कहाँ होने वाली है पर वे लोग कुछ नहीं कर पाते हालांकि जय की गोली से उस गृह का एक सदस्य मारा जाता है पर वे लोग एक बार और असफल हो जाते हैं इस असफलता के कारण जय को अली के ऊपर गुस्सा आ जाता है और उन दोनों की बहस आगे मारपीट का रूप ले लेती है जिसके बाद अली उसे छोड़कर चला जाता है रोहित जो जय की गोली का शिकार हो जाता है उसके जगह कबीर अब अली को लाने की सोचता है और उसे मिलकर अपने गिरोह में आने का न्यौता देता है अली मान जाता है और गिरोह से जुड़ने के बाद उसकी एक सदस्य सीना यानी ईशा देवल से अली को प्यार हो जाता है कबीर अब भारत के सबसे बड़े कसिनों को लौटने का प्लान बनाता है जिसके बाद उन्हें कभी और चोरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वह एक चोरी नए वर्ष के दिन करने का प्लान बनाता है वो लोग उस कसिनों में अलग अलग रूप में आ जाते हैं और जल्द ही कबीर को एहसास हो जाता है कि यह जय का बुना हुआ जाल है उन्हें भी ये पता चलता है कि अली अब भी जय के लिए ही काम कर रहा है कबीर किसी तरह से जय की कैद से भागने में सफल हो जाता है और अपने गिरोह के साथ अपने गिरोह के ट्रक तक आ जाता है वहाँ अली किसी तरह सिन्हा को बंधक बनाए रखता है उसे ऐसा लगते रहता है कि उसके बाकी गिरोह के लोग पकड़े गए हैं पर वही कबीर को देखकर उसके तोते उड़ जाते हैं कबीर आते साथ अली को मारने लगता है कि तभी जय आ जाता है और उसकी जान बचा लेता है सिन्हा को छोड़कर गिरोह के सभी लोग भागने लगते हैं जय और अली मिलकर उनका पीछा करते हैं और कबीर को छोड़कर गिरोह के सभी लोग मारे जाते हैं अंत में कबीर को जय और अली घेर लेते हैं वहीं और जाने का रास्ता नहीं होने के कारण कबीर अपनी बाइक को नदी की ओर ले जाता है और बाइक के साथ नदी में गिर जाता है इसके बाद जय और अली एक दूसरे से बात करते रहते हैं और फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है इस फिल्म का गीत बहुत ही पसंद किया गया था खासकर धूम मचाले गीत इसका बैकग्राउंड म्यूजिक भी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था कुछ लोगों के फोन का रिंगटोंग धूम फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक था धूम एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म श्रृंखला है फिल्म ए जय दीक्षित एक सहायक पुलिस आयुक्त और उसके साइड की अली अकबर फतेह खान के इर्द गिर्द घूमती है जो पेशेवर चोरों को पकड़ते हैं एक आम व्यवहार में कथानक अक्सर विरोधी से बहुत प्रभावित होता है बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में यह बॉलीवुड की दूसरी सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी है श्रृंखला धूम थ्री की नवीनतम किस्त ने दुनिया भर में 550 करोड़ से अधिक कमाई की जो हिंदी सिनेमा के इतिहास में चौथी सबसे बड़ी कमाई करने वाली फिल्म है 2016 तक धूम भारतीय सिनेमा में पांचवी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म फ्रेंचाइजी है इस श्रृंखला की पहली फिल्म थी धूम जो कि 2004 में आई थी इसमें बाइकर्स का एक साहस में ग्रोह लिटोरे की होड़ में है एसीपी जय को मामले में सहायता करने के लिए एक मैकेनिक अली मिलता है घड़ी की टिक, टिक के साथ यह उनके ऊपर है कि चोरों को रंगे हाथ पकड़ ले इस श्रृंखला में दूसरी फिल्म थी धूम टू जो कि 2006 में आई थी इसमें जय और अली लौटते हैं इस बार एक अंतर्राष्ट्रीय चोर की निशानदेही पर जिसने अमूल्य कलाकृतियों की चोरी की और मुंबई को अपना अलग लक्ष्य चुना इस श्रृंखला में तीसरी फिल्म थी धूम थ्री जो कि 2013 में आई थी इसमें जब जादू और कलाबाजी में प्रदर्शित सर्कस का मनोरंजन करने वाले साहिर शिकागो में एक भ्रष्ट बैंक को गिराने के लिए चोर बन जाते हैं जिसने उनके पिता को बर्बाद कर दिया था तो भारतीय अधिकारी जय और अली को उसे पकड़ने के लिए बुलाया जाता है धूम मूवी का बजट था वन मिलियन और इसकी कुल कमाई हुई थी सिक्स मिलियन धूम टू का बजट था 450 मिलियन और इसकी कुल कमाई 2.62 बिलियन धूम थ्री का बजट था 1.75 बिलियन और इसकी कुल कमाई 5.892 बिलियन इस हिसाब से अगर तीनों फ्रेंचाइजी का बजट देखा जाए तो की कमाई बनती है एट पॉइंट टू बिलियन फिल्म का शहरी भारतीय युवाओं के बीच महत्वपूर्ण संस्कृत प्रभाव पड़ा यह सड़कों पर दौड़ बाइक से होने वाली चोरी और सार्वजनिक सड़कों पर स्टंट करने की घटनाओं में वृद्ध के लिए दोषी ठहराया गया था इसके अतिरिक्त एनओ टिकट के अलावा इसके अतिरिक्त एन ओ एस किट के अलावा फ्री पिलो एंगास सिस्टम से लेकर अपने बाइक्स में संशोधन के लिए युवाओं के साथ बाइक मॉडिफाई सीन के लिए भी एक नई नीति थी केरल के मलम्पुरम जिला में अपराधियों के एक समूह के चार सदस्यों ने तीस दिसंबर दो हज़ार सात को दक्षिण मालाबार ग्रामीण बैंक में फर्श तोड़कर टू मिलियन और अस्सी किलोग्राम सोना लूटा था जिसकी कुल कीमत अस्सी मिलियन बताई गई थी केरल के अपराध रिकॉर्ड में सबसे बड़ी चोरी में से एक थी केरल पुलिस ने इस संबंध में चार लोगों को गिरफ्तार किया था और नेता ने स्वीकार किया कि वह धूम से प्रेरित था भारत में मीडिया ने धूम टू को समानताएं दी इसमें दो राय नहीं है कि यशराज फिल्म्स ने अपने बैनर तले एक नहीं कई सुपरहिट फिल्मों का निर्माण किया है जिसमें धूम भी शामिल है धूम बॉलीवुड की सबसे मशहूर और हिट फ्रेंचाइजी फिल्म है फिल्म की कहानी किरदार और गाने को लोगों ने काफ़ी पसंद किया था धूम फिल्म के रिलीज़ को 16 साल से ज़्यादा वक्त हो चुका है धूम फिल्म के 16 साल पूरे होने पर इसके स्क्रीन प्ले लिखने वाले विजय कृष्ण आचार्य ने फिल्म से जुड़ी कुछ बातें बताई थी विजय कृष्ण आचार्य ने फिल्म के 16 साल पूरे होने पर बताया कि उनको पहले से ही इस बात का विश्वास था कि ये एक मनोरंजक फिल्म साबित होगी फिल्म के वैसे तो सारे गाने ही कमाल के थे लेकिन धूम मचाले गाने की बात अलग थी फिल्म धूम को सुपरहिट बनाने में इस स्टाइल के गाने का बड़ा हाथ है आपको बता दें कि इस गाने को प्रीतम दा ने बनाया था विजय आचार्य ने कहा कि उनसे पहले ही आदित्य चोपड़ा ने जिक्र किया था कि फिल्म में स्वकल की संभावनाएं दिखाई देती हैं और उन्होंने इसके स्वकल में बने में विचार करने के लिए कहा था इसके अलावा विजय आचार्य ने बताया था कि वो धूम के लिए ऐसा बिलन को चाहते हैं जो जीतता हुआ नजर आए बिलन को जीतता हुआ देख दर्शकों को अच्छा लगेगा फिल्म के 16 साल पूरे होने पर इसके निर्देशक संजय गढ़वी ने अपने इंस्टा पर एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा था कि आज से सोलह साल पहले मैंने इस दिन बहुत उत्सुक और आत्मविश्वासी था रिलीज के बाद जो हुआ वह इतिहास बन गया फिल्म के मुख्य किरदार के रूप में जॉन अब्राहम अभिषेक बच्चन आदित्य चोपड़ा ईशा देवल जैसे कलाकार नजर आए थे फिल्म की शुरुआत मिस्टर यानी ऋतिक रोशन के ब्रिटिश रानी के मुकुट चोरी करने से होती है नई उन्नत मिलने पर अफसर अली यानी उदय चोपड़ा और जयदिश छिथ यानी अभिषेक बच्चन सोनाली बोस यानी पासा पशु से मिलते हैं और जो जय के अच्छे दोस्त भी है शुरुआती छानबीन से जय को पता चलता है कि मिस्टर ए मुंबई में अगली चोरी करेगा और शहर में स्थित किसी दो संग्रहालयों में चोरी होगी तभी दीक्षित को पता चलता है कि वह जिस संग्रहालय की तभी दीक्षित को पता चलता है कि वह जिस संग्रहालय की निगरानी कर रहा है वह गलत है और वह तुरंत दूसरे संग्रहालय की ओर दौड़ता है जहाँ मिस्टर ए बेस बदल हीरा चुरा फरार हो जाता है टेलीविजन पर मिस्टर ए पुलिस को उसे पकड़ने के लिए उकसाता है और उन्हें अपनी अगली चोरी की जगह बताता है प्रणाम स्वरूप दीक्षित बोस और खान एक तलवार रखे गए किले पर सख्त पहरा बिठाते हैं रात को मिस्टर ए अपने बहरूपियों से मिलता है जहाँ तलवार रखी होती है पुलिस को खबर लग जाती है पर दोनों तलवार छुराकर भागने में कामयाब होते हैं बहरुपिया आखिर में सुनहरी यानी अशर राय निकलती है जो मिस्टर ए को अपना आदर्श मानती है और वे दोनों साझेदारी बना लेते हैं रियो डी जेनेरियो में मिस्टर ए और सुनहरी अपनी अगली चोरी की योजना बनाते हैं सूचना के मुताबिक दीक्षित और अली अभी शहर में आज पहुंचते हैं वक्त चलते सुनहरी और मिस्टर ए में प्यार हो जाता है और मिस्टर ए उसे अपना असली नाम आर्यन बता देता है परंतु आर्यन को पता चल जाता है कि सुनहरी जासूस है जो जय के लिए काम कर रही है वह उसे खेल में खुद को गोली मारने के लिए कहता है पर वह उसे नहीं मार पाती और अपना प्यार कबूल करती है रियो में दूसरी ओर अली को मुनाली यानी बिपासा बसु सुनाली की जुड़वा बहन से प्यार हो जाता है अपनी आखिरी चोरी में आर्यन और सुनहरी सोने के सिक्के चुरा लेते हैं और सुनहरी खुलासा करते है कि वह जय के लिए काम नहीं करना चाहती जिससे जय और अली उनके पीछे लग जाते हैं एक लंबे समय तक पीछा करने के बाद सभी एक झरने के पास पहुँच जाते हैं जहाँ सुनहरी को अली पकड़ लेता है सुनहरी अपनी भावनाएं आर्यन को बताने के बावजूद उसे गोली मार देती है और वह झरने से नीचे गिर जाता है आर्यन के गिरने के बाद जय सुनहरी को आजाद कर देता है छह महीने बाद खुलासा किया जाता है कि आर्यन अब भी जिंदा है और सुनहरी के साथ मिलकर उसने एक रेस्तरा खोल लिया है जब आर्यन और सुनहरी को उसके रेस्तरा में आकर मिलता है और उन्हें बताता है कि उनके गुनाहों के बावजूद वह उन्हें नहीं पकड़ेगा आर्यन उसे बताता है कि सारे चुराई हुई वस्तुएँ कहाँ मिलेंगी जय को दोनों के प्यार के बारे में पता चलता है पर वह उन्हें आगाह करता है कि अगर दोबारा चोरी की तो फिर से वह पीछे आ जाएगा इस फिल्म को सन 2006 में फिल्म फेयर सबसे अभिनेता पुरस्कार के लिए ऋतिक रोशन को पुरस्कार मिला था आदित्य चोपड़ा की फिल्म धूम टू को रिलीज हुए पंद्रह साल से भी ज्यादा वक्त हो चुका है बता दें कि ये फिल्म साल बता दें कि ये फिल्म साल 24 तो नवंबर 2006 को रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर जमकर सफलता कमाई थी माना जाता है कि फिल्म ने करीब एक सौ इक्यावन करोड़ तक का कारोबार किया था और इसमें ऋतिक रोशन ऐश्वर्या राय अभिषेक बच्चन उदय चोपड़ा और बिपाशा बसु लीड रोल में थे बता दे की यशराज फिल्म्स के बैनर तले इस फिल्म के ज्यादातर हिस्सों की शूटिंग ब्राजील में की गई थी फिल्म तो अपनी कहानी की वजह से हिट हुई ही थी लेकिन ऋतिक रोशन ऐश्वर्या के के बीच किस सीन सीन भी बेहद धमाकेदार रहा था इस सीन को करने के बाद जहां राय की वजह से जमकर बवाल हुआ था क्योंकि यह पहला मौका था जब एक्ट्रेस ने बड़े पर्दे पर यह किया था फिल्म में ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय के बीच कुछ मिनट का किस सीन था यह पहला मौका था जब ऐश्वर्या राय ने स्क्रीन पर किसिंग सीन दिया था इसके बाद यह सीन बी टाउन की सुर्खियों में आ गया बता दें कि यह फिल्म की शूटिंग तब हुई थी जब एस और अभिषेक बच्चन की सगाई हो चुकी थी इसलिए बच्चन फैमिली भी इस सीन को लेकर नाराज़ थी और बाद में फ़िल्म से ये सीन हटा दिए गए थे इतनी ही नहीं ऐश्वर्या राय के एक इंटरव्यू में बताया गया था कि वह इस सीन को करने के बाद पछड़े में फंस गई और कई लोगों ने उन्हें लीगल नोटिस तक भेज दिए थे ऐश्वर्या ने एक फैशन मैगनीस को दिए इंटरव्यू में बताया था कि उन सीन की वजह से उन्हें क्या झेलना पड़ा था उन्होंने कहा था कि वे हॉलीवुड की कई स्क्रिप्ट इसलिए मना कर चुकी हैं क्योंकि वे पर्दे पर फिजिकल सीन्स करने में कम्फर्टेबल नहीं रहती धूम टू दो हजार छह में बनी हिंदी भाषा की फिल्म है या धूम श्रृंखला की दूसरी फिल्म है जिसका निर्देशन संजय गढ़वी ने किया है और निर्माण आदित्य चोपड़ा और यश चोपड़ा द्वारा किया गया है फिल्म में अभिषेक बच्चन उदय चोपड़ा जयदीप छिद और अली मुख्य भूमिका में हैं और एक चोर मिस्टर ए अनि ऋतिक रोशन को पकड़ने की कोशिश करते हैं जो कई बेसकीमती वस्तुएं अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करके चुराता है इस फिल्म की लागत थी 35 करोड़ रुपए और इसकी कुल कमाई हुई थी 150 करोड़ रुपए धूम फ्रेंचाइजी में खलनायक को इस तरह पेश किया जाता है कि दर्शकों की सारी सहानुभूति खलनायक के साथ होती है हीरो की भूमिका चरित्र कलाकार जैसी होती है धूम धूमथ्री के खलनायक को नायक जैसा पेश किया गया है क्योंकि उसके पास कारण है कि वह गलत काम क्यों कर रहा है यह कारण दरअसल एक इमोशनल कहानी है और यही बात धूम धूमथरी को इस श्रृंखला की पिछली फिल्मों से अलग करती है पिछली फिल्मों से इमोशंस की कमी महसूस की गई थी जिसे इस कड़ी में पूरा किया गया है यह निर्देशक की कामयाबी है कि दर्शकों को भावात्मक रूप से यह फिल्म पहले दस मिनट में ही जोड़ लेती है जब इकबाल यानी जैकी शराब शिकागो स्थित अपने ग्रेट इंडन सर्कस को बैंक के कर्जे से बचाने की कोशिश करता है यहीं पर दर्शक इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि साहिर यानी आमिर खान के पिता के साथ गलत हुआ है और साहिर बड़ा होकर गलत राह पर क्यों चल रहा है इस बात को अच्छी तरह स्थापित कर दिया गया है बैंक कर्ज वसूली में शक्ति दिखाता है तो मासूम साहिर के सामने उसके पिता आत्महत्या कर लेते हैं यहीं से साहिर और बैंक के बीच दुश्मनी हो जाती है और वह बड़ा होकर बैंक को बर्बाद करने के मिशन में जुट जाता है यह बात पता चल जाती है कि बैंक को बर्बाद करने वाला एक भारतीय है तो भारत से दो पुलिस ऑफिसर अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा भेजे जाते हैं फिर शुरू होता है चोर और पुलिस के बीच चूहे बिल्ली का खेल फिल्म की कहानी सामान्य है लेकिन इसे असाधारण बनाता है महंगे लोकेशन शानदार सेट्स जबरदस्त सिनोमेटोग्राफी वैसे धूम सीरीज की फिल्मों में कहानी से ज़्यादा महत्वपूर्ण स्टाइल और स्टंट है पहला हाफ फिल्म को इतनी ऊंचाइयों पर ले जाता है कि यह स्टंट और तकनीकी रूप से हॉलीवुड फिल्मों को टक्कर देती है एक के बाद एक आइटम पेश किए जाते हैं आमिर खान जबरदस्त तरीके से एंट्री लेते हैं ऊंची बिल्डिंग की दीवार से वे उतरते हैं और सड़क पर डॉलर्स की बारिश होती है फिर आता है एक चेंजिंग सीन जो धूम सीरीज की फिल्मों की खासियत होती है अत्याधुनिक बी बाइक पर बैठे साहिर जब पुलिस को नच है तो दर्शकों की सांसें थम जाती हैं जय और अली की एंट्री के लिए भी एक्शन सीन गढ़ा गया है जो सिर्फ फिल्म की लंबाई बढ़ाता है फिल्म की हीरोइन कटीना कैब भी फिल्म में धमाकेदार एंट्री करती हैं कमली गाने पर उनका डांस काबिल तारीफ है जय अली और साहिर के बीच वाला चेंजिंग सीन फिल्म का प्रमुख आकर्षण है इस सीन को अद्भुत तरीके से शूट किया गया है इस सीन में जय गोली चलाता है तो साहिर की पीठ पर लगती है कुछ देर बाद साहिर को गिरफ्तार करने जय उसके सर्कस में पहुंचता है तो यह जानकर दंग रह जाता है कि साहिर की पीठ पर किसी भी किस्म का चोट का निशान नहीं है जय के साथ दर्शक भी चौंकते हैं कि यह रहस्य क्या है और यहीं पर इंटरवल होता है इंटरल के बाद हाफना ज़्यादातर फिल्मों की कमजोरी है और धूम थ्री भी इसका शिकार है एक्शन और स्टंट से फोकस हाट का ड्रामे आ जाता है और स्क्रिप्ट की कमजोरियां उभरने लगती हैं राहस पर से पर्दा हटाया जाता है जो कई तरह के सवालों को जन्म देता है जिसके संतोषजनक उत्तर नहीं मिलते हैं कहानी में रोमांटिक ट्रेंड को जबरन घुसेड़ा गया है जिसकी जगह नहीं बनती है शहर का कड़ी सुरक्षा के बीच हर बार आसानी से बैंक में घुसना हैरत में डालता है फिल्म के दूसरे हाफ में एक्शन की कमी महसूस होती है इन सब कमियों के बीच एक अच्छी बात यह है कि बोरियत नहीं होती ड्रामे में दिलचस्पी बनी रहती है उम्मीद रहती है कि क्लाइमैक्स में ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा लेकिन अपेक्षा से कम देखने को मिलता है फिल्म का निर्देशन किया है विजय कृष्ण आचार्य ने उन्होंने धूम सीरीज़ के सारे भाग लिखे हैं टैसन जैसी भुला देने लायक फ़िल्म वे निर्देशित कर चुके हैं इसके बावजूद फिल्म के निर्माता आदित्य चोपड़ा ने उनको यशराज फिल्म की सबसे महंगी फिल्म निर्देशित करने का जिम्मा दिया विजय का काम एक्शन डायरेक्टर और कोरियोग्राफर ने काफ़ी आसान कर दिया ड्रामे वाले हिस्से को संभालने में विजय थोड़ा लड़खड़ाए हैं आमिर खान के फिल्म से जुड़ने से दर्शकों की अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं आमिर खान के किरदार के बारे में ज़्यादा बात इसलिए नहीं की जा सकती है क्योंकि इससे फिल्म के रहस्य से पर्दा हट जाएगा जहाँ तक अभिनय का सवाल है तो आमिर ने अपना काम गंभीरता से किया है लेकिन उनसे और बेहतर की अपेक्षा थी धूम जैसी फिल्मों के किरदार को जो ग्लैमर चाहिए था उसमें आमिर थोड़ा कमज़ोर पड़ गए कैटरीना का बार्डी में बेहद खूबसूरत नज़र आई लेकिन उनका रोल बेहद छोटा है निर्देशक उनके ग्लैमर का पूरा उपयोग नहीं कर पाए अभिषेक बच्चन और उदय चोपड़ा अपने किरदारों को उसी अंदाज में बढ़ाते नजर आए जयकि शराब छोटे रोल में छाप छोड़ते हैं प्रीतम का संगीत औसत किस्म का है लेकिन गानों का फिल्मांकन आंखों को राहत देता है मलंग और कमले की कोरियोग्राफी बहुत बढ़िया है जूलियस पैकियम का बैकग्राउंड स्कोर उम्दा है सुदीप चटर्जी की सिनेमाटोग्राफी अंतरराष्ट्रीय स्तर की है जो फिल्म को भव्य लुक देती है एक्शन और स्टंट हॉलीवुड फिल्मों की टक्कर के हैं धूमथ्री पांच में से तीन अंक के लायक है लेकिन सिनेमाटोग्राफी लोकेशंस और बाइक थ्रिल के कारण आधा अंक अतिरिक्त दिया गया है धूम सीरीज का तीसरा भाग धूमथ्री का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे भारत की यह महंगी फिल्मों में से एक है और बॉलीवुड को उम्मीद थी कि यह फिल्म आय के मामले में अब तक के सारे कीर्तमानों को भंग कर देगी इस बार आमिर खान और कैटरीना कैप को स्टार कास्ट में जोड़ा गया था फिल्म की कहानी फिर इस बार चोर बनाम पुलिस है लेकिन एक नए और निराले अंदाज के साथ तकनीकी और एक्शन का तड़का इस फिल्म को भव्य बनाता है यह कहानी है साहिर यानी आमिर खान की जिसकी ऊर्जा उसे खतरनाक उग्र और भयंकर बनाती है वह किसी को माफ़ नहीं करता वह एक ऐसा चोर है जो अपनी राह में टोड़ा बनने वाली हर चीज़ को नष्ट कर देता है धूम थ्री कहानी है आलिया ने कैटरीना काप की जो बेहद सरल है लेकिन सर्कस में परफॉर्म करते एकदम बदली हुई नज़र आती है निडर आलिया जब सर्कस में परफॉर्म करती है तो लगता है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम ही नहीं है दिल के मामले में वह इतनी ही निडर है धूम थ्री कहानी है जय दीक्षित ने अभिषेक बच्चन की जो मुंबई का एक चतुर दृढ़ निश्चयी विश्लेषात्मक और जबरदस्त पुलिस ऑफिसर है जय अपने ब्रेदों को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है उसका मानना है कि दुश्मन को जाल में फंसाने के लिए कभी कभी दुश्मन की तरह सोचना पड़ता है धूम धूमथिरी कहानी है अली अकबर यानी उदय चोपड़ा की जो मनोरंजन का खजाना है यह निश्चित पुलिस वाला नागपाड़ा से नियाग्रा फाल तक कहीं पर भी मिल सकता है फैमिली वाला बनना चाहता है और उसे लड़की की तलाश है दिल हथेली पर लेकर घूमने वाला अली सुंदर लड़की दिखी नहीं कि दिल दे बैठता है इन किरदारों के इर्द गिर्द धूम धूमथरी की कहानी घूमती है जो रोमांच से भरपूर है धूम थ्री दो की बहुप्रतिष्ठित हिंदी फिल्म है जिसे विजय कृष्ण आचार्य ने निर्देशित किया है धूम का पहला संस्करण 2004 में जबकि धूम 2 2006 में रिलीज हुई थी यह दोनों ही फिल्में सुपरहिट रही थी पहली धूम में जॉन अब्राहम और दूसरी में ऋतिक रोशन ने खलनायक की भूमिका निभाई थी इस फिल्म की लागत थी एक करोड़ रुपये और इसकी कुल कमाई हुई थी पाँच करोड़ रुपये फिल्म में आमिर खान ने नकारात्मक किरदार निभाया है जो चालाकी से चोरी करता है यह फिल्म आई के फॉर्मेट में विश्व स्तर पर हिंदी तमिल एवं तेलुगु भाषा में प्रदर्शित की गई थी धूम धूमथी भारत में आई फॉर्मेट में प्रदर्शित होने वाली पहली फिल्म है यशराज फिल्म की बनाई हुई इस फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर दो करोड़ रुपए की कमाई की थी धूम फिल्म उन्नीस से शुरू होती है जहाँ इकबाल हरुख खान यानी जेके शराफ शिकागो के ग्रेट इंडियन सर्कस का सर्कस चलाता है सर्कस बहुत ही खराब वित्तीय हालत से गुजर रहा होता है जिस कारण इकबाल पर बहुत ज्यादा कर्जा होता है वेस्टर्न बैंक आप शिकागो जिससे इकबाल ने कर्जा लिया है कर्ज न चुकाने के कारण सर्कस को बंद करवाने के लिए अपने प्रतिनिधियों को भेजता है इकबाल उनसे विनती करता है कि मेरा शो देखो अगर आपको पसंद आए तो कर्ज चुकाने के लिए कुछ और मोहलत दे देना प्रतिनिधि उसका शो देखने के बाद भी सर्कस को बंद कर देने का आदेश देते हैं इकबाल का छोटा सा बेटा साहिर उनसे विनती करता है पर वो नहीं मानते हैं इकबाल बैंक वाला तुम्हारी माँ की ऐसी कि तैसी कहकर सबके सामने आत्महत्या कर लेता है जिससे उसका छोटा सा बेटा झकझोर जाता है कई सालों बाद साहिर ने आमिर खान अब भी वो घटना नहीं भूला है और वह बैंक वालों से बदला लेने की ठानता है वो कई वेस्टर्न बैंक आप शिकागो की शाखाओं में चोरी करता है और हिंदी में बैंक वालों तुम्हारी ऐसी की तैसी लिख कर अपनी सर्कस वाली कलाबाजी इस्तेमाल करके भाग जाता है क्योंकि शिकागो पुलिस उसे नहीं पकड़ पा रही और उन्हें हिंदी भी नहीं आती इसलिए वो भारतीय पुलिस से ए सी पी जय दीक्षित अभिषेक बच्चन और उसके सहयोगी अली अन उदय चोपड़ा को मदद के लिए बुलाते हैं जय साहिर को फंसाने के लिए जान बज कर बात फैला देता है कि वो एक केस संभाल रहा है और उसे लगता है चोर जरूर कोई शौकिया है इससे साहिर चोरी करने की ठानता है वो एक समाचार चैनल से इस योजना के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है और जय के लिए मुखबिर बनने का नाटक करता है इस तरह बैंक के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेता है और जय को एक सुराग देता है पीछे जाने के लिए अंततः साहिर बैंक में चोरी कर लेता है और मोटरसाइकिल पर भागने लगता है जय उसको गोली मारता है पर साहिर साहिर भाग जाने में सफल हो जाता है साहिर ग्रेट इंडियन सर्कस का संस्करण का प्रीमियर करता है अपनी महिला सहयोगी आलिया गायब के साथ जिसमें उसके साथ एक चाल शामिल है कि एक जगह से गायब हो जाना और दूसरी जगह पे दिखना लेकिन बाद में जय अली और पुलिस उसे चारों ओर से घेर लेती है जानते हुए कि चोर वो है जय कहता है कि सबूत वो तो गोली का घाव है पर साहिर की जांच की जाती है तो उसके शरीर पर कहीं पर भी गोली का निशान नहीं होता है जय और अली सर्कस से चले जाते हैं जबकि साहिर अपने कमरे में चला जाता है यहाँ पर पता चलता है कि साहिर का एक जुड़वा भाई है समर जो कि उसके सर्कस के चालों और बैंक में चोरी करने में मदद करता है और वो समर था जिसको गोली लगी थी तीस अक्टूबर को धूमधरी का ट्रेलर यूट्यूब पर जारी किया गया था इसके पहले बाजार में धूमथ्री का ऑफिशियल गेम भी जारी किया गया था जो कि 99 गेम प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा तैयार किया गया था यह गेम विंडोज फोन स्टोर पर निशुल्क उपलब्ध है आमिर खान ने धूम श्रृंखला के फिल्मों का शीर्षक धूम मचाले दो में क्रिकेट के सन्यास ले रहे सचिन तेंदुलकर को समर्पित किया था यह कहना गलत होगा कि धूम सीरीज़ की तीसरी फिल्म आमिर खान के रंगों से शराबूर है विजय कृष्ण आचार्य की इस फिल्म में आमिर खान छाए हुए हैं और सिर्फ उनका ही जलवा दिखा है एक मामूली कहानी को एक सुपरस्टार पावर के जरिए एक्शन के उस हद तक ले जाया जा सकता है जहां फिल्म शानदार और जानदार फिल्म बन जाती है यह कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म आमिर खान के स्टार पावर की नुमाइश है फिल्म के तकरीबन हर फ्रेम में वे छाए रहते हैं उनके सामने हर कलाकार बौना ही नज़र आता है धूम थ्री की कहानी में जादूगर इकबाल यानी जे के शराब का शिकागो में अपना सर्कस है लेकिन वह ज़्यादा नहीं चलता सर्कस को नीलाम करने की नौबत आ जाती है जादूगर इकबाल को वह आखिरी शानदार कर ही उसके सर्कस को बचा नहीं पाता और वो खुदकुशी कर लेता है उसका बेटा साहिर यानी आमिर खान बदला लेने की ठान लेता है उसका एक ही मकसद है बैंक को तबाह करना और अपना सर्कस वापस शुरू करना इसी के तहत वह बैंक के हर ब्रांच में चोरियाँ शुरू करता है लेकिन साहिर को कोई पकड़ नहीं पाता इसके पीछे एक बड़ा राज है यही राज या रहस्य धूम थ्री की कहानी का ट्विस्ट है एक्टिंग की बात करें तो आमिर ने सबको पछाड़ दिया है उन्होंने एक बार फिर साबित किया है कि उन्हें मिस्टर परफेनिस्ट यू ही नहीं कहा जाता है अभिषेक बच्चन के हिस्से में ज्यादा कुछ दिखाने को नहीं है अभिषेक बच्चन और कैटरीना का अभिनय समान है लेकिन जैकी शराब की भूमिका शानदार है धूम थ्री का गीत संगीत बेहद साधारण है धूम सीरीज की पहली फिल्म का गीत धूम मचाले बेहद पॉपुलर रहा था लेकिन इस फिल्म का गीत ही नहीं बल्कि टाइटल ट्रैक भी असरदार नहीं है धूमथ्री के साथ निर्देशक विजय कचार्य ने वापसी की है और इसके पहले बार टसन जैसी फिल्म को निर्देशित कर चुके हैं जो बॉक्स ऑफिस पर औंधे मोगिरी थी लेकिन एक्शन और रोमांच कैटेगरी की श्रेणी में यह फिल्म बेमिसाल है और देखी जानी चाहिए जो खुद को अलग हटकर लाखड़ा करती है धूम थ्री की स्टोरी वही प...